ओके देन नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांचटिया, स्वागत है आपका इस सेशन में। जी हाँ, सो इंडिया मैराथन SCMP में जो हमने चैप्टर्स किए थे उसमें मैंने पूना में अपना रिकॉर्डिंग किया था, बट जो मेरे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स थे वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो पाए, तो वो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। डोंट वरी, आप लोग को देंगे सब कुछ। सो गाइस, मैं अभी करवाने वाला हूं चैप्टर जिसका नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और आप लोग को लाइव वाला ही मैं रिकॉर्डिंग देने वाला हूं। बट फॉर नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारे नहीं हो पाए थे, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एंड आपको पता है कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन, हम कर रहे हैं स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, एंड दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। बॉस कोई भी अटेम्प्ट देख लो, मिनिमम 20 मार्क का इस चैप्टर से आया ही आया है, मेकिंग इट एक्सट्रीमली यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट। प्लस इस चैप्टर में जैसा कि अपन सबको पता है कि थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है, सो वी नीड टू डू इट एकदम बेस्ट वे में। एंड ट्रस्ट मी, आप ये पूरा सेशन देख लोगे उसके बाद ये चैप्टर आप लोग के दिलो दिमाग में सेट हो जाएगा। प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड कभी कोई इशू नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ याद रहना वाला है या इन टर्म्स ऑफ जो कॉन्फिडेंस लॉस लूज आउट हो जाता है। तो हमने प्रैक्टिकल सम्स भी किए हैं, थ्योरी के जितने भी मॉडल्स थे उसको लॉजिकली समझ लिया है, खुद बना लिया है, एंड वी आर इजिली एबल टू नाउ क्रैक इट। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में, एंड आई एम श्योर वी विल स्कोर द मैक्सिमम अगर ये एग्जाम में आता है तो। तो चलो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। फर्स्ट 15 मिनट्स मैं आप लोग के लिए अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं, और उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा जो मेरा लाइव वाला सेशन था वो, तो वो आप लोगों को समझ जाएगा, एंड देन फिर वहां से आप लोग आगे खींच लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही था स्टूडेंट लोग को कि बॉस इवैल्यूएशन मैं किसका करता हूं एंड मेजरमेंट मैं किसका करता हूं। तो यहां पे मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूं कंपनीज का। मैं आप लोग को एक बात बोलता हूं, बॉस आप लोग आज से 2-3 महीने बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाओगे। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो यार अच्छा खासा पैसा कमाओगे, राइट। से आज आप अगर महीने का 5,000 कमा रहे हो तो 100% सीए बनने के बाद महीने का 1,00,000 कमाओगे। जब आप वो 1,00,000 कमाओगे तो आपका जो खर्चा है वो तो 15,000-20,000 रुपए, तो बाकी का 75,000-80,000 का क्या करोगे? यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक तो अपॉर्चुनिटी है भाई, आप FD में डाल दो, वो तो ट्रेडिशनल तरीका हुआ। दूसरा है आप थोड़ा बहुत गोल्ड वोल्ड ले लो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो आपको सबसे मजा आने वाला है इन्वेस्ट करने में, एंड दैट इज गोइंग टू बी द इक्विटी शेयर्स, है कि नहीं? बड़ा है ना, SFM में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले हो, बहुत मन है, करेक्ट। सो सर मन तो आज भी है बट पैसा नहीं है। सो डेफिनेटली सीए बनने के बाद जब आपके पास पैसा आ जाएगा, you will want to invest in a lot of companies, but aap mujhe batao as a chartered accountant aap aankh band karke invest karne wale ho logo ka sunne pe, matlab ek tip milta hai, tip ek tip mila hai ye company mein invest kar, us basis pe aap invest karne wale ho ya apna dilo dimag laga ke? Can I say aap log ne jo itna padhai kiya hai, aap log ka jo observations hai economic time jo aap padhoge CA banne ke baad, कैन आई से उसके बेसिस पे आप एक कंपनी को इवैल्यूएट करोगे और वो इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, राइट? एम आई राइट? सो वो कंपनी को अगर मुझे इवैल्यूएट करना है और फिर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए पहले मुझे इवैल्यूएशन आना तो चाहिए, एंड दिस चैप्टर इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू टीच यू। तो ये आपको बताएगा कि कैसे कंपनी का इवैल्यूएशन करना है, एंड वो इवैल्यूएशन के बेसिस पे अपन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी क्लियर एवरीबॉडी? बराबर है, क्योंकि अगर मैं इवैल्यूएशन के बिना करूंगा देन मैं लॉसेस हो सकते हैं, और फिर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का फायदा क्या? बॉस एज अ चार्टर्ड मैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहूंगा ना यार, राइट सर। दूसरा मेरा एस्पेक्ट है मेजरमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी कंपनी को ग्रो कर रहा है, अगर किसी भी कंपनी को बड़ा होना है, देन इन दैट केस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके लिए कि उसका जो एम्प्लॉइज है जो इस कंपनी में काम कर रहा है वो सही तरीके से काम करे। अगर किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय काम नहीं करेगा ना बराबर से, देन इन दैट केस वो कंपनी बड़ी हो ही नहीं पाएगी। सो यहां पे उसके वजह से आई शुड नो कि कैसे वो कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं,
वो मेरे को मेजर करना आना चाहिए। तो यहां पे मैं इस चैप्टर में दो लोगों के लिए बात कर रहा हूं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। किसका इवैल्यूएशन कर रहा हूं मैं, बोलो बोलो चल चल, कंपनीज का इवैल्यूएशन। क्यों क्यों कंपनीज का इवैल्यूएशन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं उसको कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। मैं जब कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा तो ऐसे वे थोड़ी ना कर दूंगा, मैं तो उस कंपनी को पहले इवैल्यूएट करूंगा और फिर उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो यहां पे अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। किसका इवैल्यूएशन कर रहे अपन सर, कंपनीज का। क्यों कंपनीज का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ताकि अपन सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके, खुद के लिए भी और शायद पोर्टफोलियो बनाए अपन, क्लाइंट के लिए पैसा ले और क्लाइंट के लिए इन्वेस्ट करें, राइट। बट कंपनीज अगर सही तरीके से चलनी है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनीज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, विच इज द एम्प्लॉयज बॉस, वो भी उतने ही स्ट्रॉन्ग और सक्षम होने चाहिए एंड उनका भी मेजरमेंट सही तरीके से होना चाहिए। तो अगर एम्प्लॉय सही काम करेगा तो डेफिनेटली कस्टमर को अच्छा सर्विस मिलेगा, कस्टमर को अगर अच्छा सर्विस मिला तो डेफिनेटली कंपनी आगे बढ़ेगा एंड दिस इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। सो इस चैप्टर में अपन लोग करने वाले हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, किन दो लोगों का, एवरीबॉडी बोलो बोलो चल चल, कंपनी एंड एम्प्लॉयज, जहां पे भी बैठे हो एवरीबॉडी, किन दो लोगों का, कंपनी एंड एम्प्लॉयज। तो चलो सर, ये बात तो एकदम क्लियर हो गया है, दिमाग में सेट हो गया है कि किन लोगों का हमारे को परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन करना है। बोलो बोलो चल चल, किन दो लोगों का, करेक्ट, एक है सर कंपनी, दूसरा है एम्प्लॉई। एक है सर कंपनी, दूसरा है एम्प्लॉई, करेक्ट। कंपनी का मुझे करना है इवैल्यूएशन, एम्प्लॉई का करना है मुझे परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आर वी क्लियर एवरीवन? डन है, एकदम मस्त में डन है। अब उसके लिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम दो पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम दो पर्सपेक्टिव के बेसिस पे कंपनी को और एम्प्लॉई को इवैल्यूएट करने वाले हैं एंड मेजर करने वाले हैं। तो आप पूछेंगे सर क्या दो पर्सपेक्टिव है, तो इंस्टीट्यूट बोलती है, ICAI बोलती है कि वो दो तरीके होंगे, उसमें एक होगा फाइनेंशियल और दूसरा होगा नॉन फाइनेंशियल। बोलो मेरे साथ एवरीबॉडी, क्या दो तरीके होंगे, एक होगा फाइनेंशियल और दूसरा होगा नॉन फाइनेंशियल। सब लोग मेरे साथ में हो, डन है डन है डन है डन। इसमें अभी फिलहाल अपना फोकस है फाइनेंशियल के ऊपर, और फाइनेंशियल में अगर मेरे को इवैल्यूएट करना है तो फाइनेंशियल इवैल्यूएट करने के तीन तरीके हैं, पहला है ROI, दूसरा है RI और तीसरा है मेरा, करेक्ट, EVA। तो सर क्या हम लोग ये जो चैप्टर कर रहे हैं उसके बारे में हमारे को थोड़ा भी बेस या रिविजन कुछ करके आना है क्या? जरा भी नहीं, पूरा का पूरा मेरे के ऊपर छोड़ दो एंड आई एम श्योर अपन लोग मस्त में इसको एकदम स्मूथली पूरा टेक फॉरवर्ड कर लेंगे, नो टेंशन व्हाटसोएवर, ठीक है। चलो आ जाओ। सो अभी अपन कौन सा चैप्टर कर रहे हैं सर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। किन लोगों के लिए ये मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन चल रहा है, कंपनी एंड एम्प्लॉयज। उसके लिए ICAI क्या बोला कि दो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, दो पर्सपेक्टिव से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल दूसरा नॉन फाइनेंशियल। उस पे फिलहाल मेरा फोकस किसके ऊपर है, फाइनेंशियल के ऊपर, एंड फाइनेंशियल में तीन तरीके हैं, ROI, RI एंड EVA, जिसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्या इधर तक आप लोग सब लोग को चीजें समझ में आ गई? और मैं बोलता हूं कि बस अभी से जब आपको रिवाइज करना है तो ऐसे ही रिवाइज करना है, आप लोगों को कोई बुक बुक का जरूरत नहीं है, कोई नोट्स का जरूरत नहीं है, किसी संकल्प का जरूरत नहीं है, सीधा अभी मन में आप बोल सकते हो क्या कौन सा चैप्टर कर रहे हैं सर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन यार किसके लिए करते हैं, बोलो बोलो चल चल, कंपनी एंड एम्प्लॉयज। उसके लिए ICAI ने दो पर्सपेक्टिव दिया है, क्या पर्सपेक्टिव सर, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। इसमें अपना फोकस फिलहाल किसके ऊपर है, फाइनेंशियल के ऊपर। फाइनेंशियल में तीन तरीके हैं, ROI, RI, EVA, और उसमें अभी अपन फिलहाल फोकस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट
EVA के ऊपर, जिसका नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। क्या आपको पता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ICAI ने 20-20 मार्क के सम्स पूछे एज इट इज, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार। यस, इनफैक्ट एक अटेम्प्ट में तो आया ही, ईवीए का समय तो मुझे लगाया चल अभी एक अटेम्प्ट में आ गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में शायद नहीं आएगा, आ गया वापस से। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या किधर से पूछ ले, आप जो एक्सपेक्ट नहीं करोगे वही होगा। नवंबर 22 बजट 3 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हमने नहीं सोचा था 40-40, 50-50 मार्क का आ जाएगा, बट आया। खैर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, इसके लिए मैं बोलता हूं हमेशा। सो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर अपन लोग आ रहे हैं, बट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहां से आया, कहां से आया, कौन सा चैप्टर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, किन दो लोगों के लिए, कंपनी एंड एम्प्लॉइज। इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, क्या पर्सपेक्टिव से करना चाहिए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। फिलहाल अपना फोकस किसके ऊपर है, फाइनेंशियल के ऊपर। फाइनेंशियल में तीन पार्ट है, ROI, RI और EVA। एंड ये EVA का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस, आई होप दिमाग में एकदम सिस्टमैटिकली चीजें सेट हो गई है। तो अब अपन कर रहे हैं ईवीए, और मैं ईवीए के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं, ईवीए अपन स्टार्ट करें उसके पहले एक आइडिया दे देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, जिसका नाम है ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो बात कुछ उन दिनों की है जब अमेरिका में एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था स्टर्न एंड स्टुअर्ट, एक फॉर्म थी। तो ये बंदा आपके और मेरे जैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अब हुआ क्या कि ये तो भाई साहब बड़ा सीए है, अब सीए लोग तो ऐसे ही इन्वेस्ट करते नहीं है कंपनी में, ठीक है। सो इसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, और वही टाइम पे मैंने भी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका एक बहुत बड़ा स्कैम निकला। मैंने 2008 में एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका एक बहुत बड़ा स्कैम निकल गया। हाँ, वही कंपनी सत्यम, बराबर है, मैंने भी इवेल्युएट करके इन्वेस्ट किया था। वैसे ही इस स्टर्न एंड स्टुअर्ट ने भी इन्वेस्ट किया एक कंपनी में जिस कंपनी का नाम था एनरॉन। तुम लोग ने एनरॉन फ्रॉड सुना होगा। तो हुआ क्या, इस कंपनी ने पूरा इवेल्युएशन किया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरा मस्त दिमाग लगा के सब सोच समझ के इवेल्युएट करके इन्वेस्ट किया एनरॉन कंपनी में, और उसको लगा सब सही है। अब जब आप इवेल्युएट करते हो कंपनी को, तो कहना इसे उसके एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे करते हो। तो कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट था जिसमें कंपनी का पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट और वो सब दिया होता है, तो उसने देखा यार पीएनएल अकाउंट तो अच्छा खासा है, प्रॉफिट दिखा रहा है कंपनी, तो प्रॉफिट दिखा रहा है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग लग रही है, चलो कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट मालूम पड़ा इसके पीछे तो कुछ फ्रॉड है, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, उसमें जो प्रॉफिट का फिगर दिख रहा है, क्या वो सही है या उसमें विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है? क्या आप समझते हैं विंडो ड्रेसिंग, कहना इससे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, उसी को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो उसने देखा उड़ी बाबा, मैंने तो ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के पीएनएल के जो प्रॉफिट आया उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया, जो बैलेंस शीट में नंबर्स दिख रहे हैं उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया। बट फिर पता चला कि ये नंबर्स तो विंडो ड्रेस्ड है, और अगर ये नंबर्स विंडो ड्रेस्ड है देन इन दैट केस मेरा जो इवैल्यूएशन है कहना इसे वो भी गड़बड़ वाला है, एंड दैट क्रिएटेड अ बिग बिग लॉस टू हिम। और उस दिन उसने डिसाइड किया कि बॉस ये एक मेरे साथ हुआ है, इवन दो मैं एडुकेटेड शेयर होल्डर हूं फिर भी मेरे साथ हुआ है। तो ऐसा सोचो कि जो इतना एडुकेटेड शेयर होल्डर नहीं है उसको अगर इन्वेस्ट करना है तो वो बेचारा कैसे करे। और तब उसने ठान लिया कि वो कुछ ऐसी चीज बनाएगा जिससे जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन दो कंपनी ने पीएनएल अकाउंट में विंडो ड्रेसिंग किया है तो वो विंडो ड्रेसिंग का इफेक्ट भी हटा देगा। एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन गेव राइज टू ईवीए। जी हाँ, स्टर्न एंड स्टुअर्ट को उसमें इतना बड़ा लॉस हुआ कि फिर वो गया और उसने कम से कम 200 कंपनीज के एक एक शेयर खरीदे। शेयर खरीदने के बाद अगर आप लोग को पता हो तो शेयर खरीदने के बाद आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हो, यू हैव द राइट एज अ शेयर होल्डर। फिर उसने हर एक 200 कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ा, एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसने एक एक कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट में जाके डिस्कशन किया, एक एक कंपनी का पूरा कहते ना रिपोर्ट बनाया। एंड उस बेसिस पे उसने जितने भी विंडो ड्रेसिंग के इफेक्ट थे वो सारे इफेक्ट को हटा दिया। जब स्टर्न एंड स्टुअर्ट ने अपना ईवीए बनाया तो
तो उसमें उसने कम से कम 150 प्लस 160 प्लस एडजस्टमेंट्स दिए। बट ऑब्वियसली आईसीआई बोला यार इतने सारे एडजस्टमेंट बेचारा स्टूडेंट को याद नहीं रहेगा, हम तुम्हारे लिए 5-6 एडजस्टमेंट लाके रखते हैं, बस उतना तुम लोग कर लो, बाकी का और डिटेल में करना है तो तुम लोग सीए बन जाओ उसके बाद में कर ले। हमने बोला नो प्रॉब्लम सर, ये आइडिया भी सही है। सो स्टर्न एंड स्टुअर्ट ने बोला कि बॉस ये जो पीएनएल अकाउंट में ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो एनुअल रिपोर्ट में पीएनएल आ रहा है 100% वो मैनिपुलेटेड है, विंडो ड्रेस्ड है, और अगर वो विंडो ड्रेस्ड है तो मैं तो सही उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर ही नहीं पाऊंगा किसी कंपनी में, कौन सी कंपनी का कब क्या फ्रॉड निकल जाए। तो उसको सही करने के लिए ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीए, जहां पे उसने बोला कि यार ये जो पीएनएल में जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट में ही गड़बड़ है दया, ये प्रॉफिट में ही गड़बड़ है, और ये प्रॉफिट के अंदर जितना भी इंटरनल मैनिपुलेशन या विंडो ड्रेसिंग हुआ है उसको एज एन एडजस्टमेंट मेरे को पहले हटाना पड़ेगा, तब जाके जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा दैट विल बी माय रियल ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट। जी हाँ, तो उसने बोला कि यार शेयर होल्डर तभी इन्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट मिल जाए उसको, और वो जो पीएनएल अकाउंट में दिख रहा है ना, वो पीएनएल अकाउंट में ट्रू कैश इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं है, वो तो मैनिपुलेटेड विंडो ड्रेस प्रॉफिट है। तो उसमें जब मैं कुछ एडजस्टमेंट ऐसे कर दूंगा मेरे ईवीए वाले, तब मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट, और ये ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट के बेसिस पे मैं फिर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं। एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ईवीए, जिसके लिए उसने एक मस्त वाला फॉर्मूला बनाया जिसको नाम दिया नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी हाँ, ये फॉर्मूला से मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट। ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो पीएनएल में प्रॉफिट है वो विंडो ड्रेस्ड एंड मैनिपुलेटेड है, और उसके विंडो ड्रेसिंग के एडजस्टमेंट के बेसिस पे I cannot invest in that company, और अगर मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता मतलब उस बेसिस पे, then in that case investment करूं कैसे। तो वो करने के लिए मुझे हर कंपनी का पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट। उसके लिए उसने क्या फॉर्मूला निकाला, NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझी गई एवरीबॉडी, कहां से अपन ने कहानी स्टार्ट की थी और अब यहां पे कहां पे पहुंच रहे हैं। एवरीबॉडी विद मी, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। यस गाइस, तो क्या आप लोग मेरे साथ हो इधर तक, स्टर्न एंड स्टुअर्ट की कहानी तक अपन लोग पहुंच गए हैं। वापस से अभी देखो फटाफट, अगर मेरे को आप लोगों को रिवाइज करवाना है तो अपन कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, क्या करेंगे। एवरीबॉडी देखे बिना बोलना है यार, कम ऑन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। आप मुझे बताओ ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आप किन दो लोगों के लिए करते हो, कंपनी एंड एम्प्लॉइज। उसके लिए आईसीएआई क्या बोला कि मुझे दो पर्सपेक्टिव से इनको मेजर एंड इवैल्यूएट करना है, एक है फाइनेंशियल और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल। एवरीबॉडी चैप्टर का नाम परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन किन लोगों के लिए, कंपनी एंड एम्प्लॉइज। उसमें आईसीआई बोलता है दो पर्सपेक्टिव, क्या है वो दो पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। अब उसमें जो मेरा पहला है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में बोला तीन मेथड हो सकता है, पहले ना चार मेथड होता था, अब आईसीआई बोला नहीं तीन ही मेथड बराबर है। वो तीन मेथड कौन सा रे, आरओआई, आरआई, ईवीए, सब करेंगे, डोंट वरी। बट फॉर नाउ अपना फोकस किसके ऊपर रहेगा, ईवीए के ऊपर, राइट। सो स्टार्टेड विद परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर कंपनी एंड एम्प्लॉइज विद अ पर्सपेक्टिव कि उनको फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली इवैल्यूएट करना है। इस फाइनेंशियल में मेरे तीन पार्ट है, एक है आरओआई, दूसरा है आरआई और तीसरा है ईवीए व्हिच इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक्चुअल में मुझे क्या देगा, ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट, या जिसको मैं बोलता हूं रियल इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट। क्या बोलता हूं इसको मैं, रियल इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट, क्योंकि मेरे को यार ये रियल इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट
नहीं मिलेगा तो कहीं वापस से मैं फ्रॉड के चक्कर में ना फंस जाऊं जैसा स्टर्न एंड स्टुअर्ट के साथ हुआ था, राइट? एंड दैट इज वेयर स्टर्न एंड स्टुअर्ट केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट, जिसको उसने नाम दिया ईवीए। एंड उसके लिए उसने सबसे पहला फॉर्मूला निकाला, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या इधर तक आप लोगों को सब क्लियर है? अगर मैं इधर तक आप लोगों को बोलूं कि खुद से बनाओ तो बना लोगे? चैप्टर का नाम परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन किसके लिए कर रहे हैं अपन? कंपनी एंड एम्प्लॉयज के लिए। ICAI क्या बोलता है कि इसके लिए दो पर्सपेक्टिव है। क्या दो पर्सपेक्टिव है? एक फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में वो लोग बोलते हैं कि तीन मेथड है, क्या? ROI, ROI और तीसरा है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अपना फोकस किसके ऊपर है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। किसने बनाया? स्टर्न एंड स्टुअर्ट ने। क्यों बनाया? इसके लिए, ताकि वो ट्रू इकोनॉमिक कैश, रियल इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट फाइंड कर सके और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सके, जिसके लिए उसने पहला फॉर्मूला बनाया, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप लोग को हम डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द लाइव वीडियो। लाइव में यहां तक हम लोग का हो गया था एंड फिर अब यहां से आगे का आप लोग को वीडियोस मिल जाएगा। और आप लोग को कुछ चाहिए और कोई चैप्टर्स चाहिए, कैसा लगा, जो भी है, प्लीज डेफिनेटली कमेंट्स में बताना एंड डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अप विद अ लॉट मोर थिंग्स। थैंक यू सो मच। आगे आप लोग का लाइव सेशन स्टार्ट होता है। तो हमारा जो स्टर्न एंड स्टुअर्ट है उसने निकाला पहला फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला निकाला उसने? अरे बोलो, किसका निकाला? ईवीए। क्या फॉर्मूला निकाला उसने? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या आप लोग सब लोग को दिख रहा है यहां पे? एवरीबॉडी यस और नो? इधर तक सब लोग साथ में है? उसका मेन इंटेंशन क्या था? क्या निकालना है उसको? रियल इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट। क्या निकालना है उसको? एंड दैट इज वेयर ही केम अप विद दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को अपन लोग डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट होगा नोपैट, दूसरा पार्ट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक पार्ट क्या होगा? तो चलो सबसे पहले मैं पिकअप करता हूं इस फॉर्मेट में नोपैट को। क्या पिकअप कर रहा हूं मैं सबसे पहले? क्या आप लोगों को दिख रहा है इधर नोपैट? इस नोपैट को सॉल्व करने के लिए उसने बोला कि दो तरीके हैं। एक तरीका है टिपिकल फॉर्मेट, एक तरीका है टिपिकल, और दूसरा तरीका उसने बोला एडजस्टमेंट। दूसरा तरीका क्या है? अब उसने बोला कि यार ये नोपैट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नोपैट के बेसिस पे अपने को पता चलेगा कि रियल कैश इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है। क्या पता चलेगा? अब इधर आ जाओ। टिपिकल फॉर्मेट की जब मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? टिपिकल फॉर्मेट की जब बात करता हूं तो उसने वो फॉर्मेट पिकअप किया जो सबको पता है, जिसके बारे में सबको नॉलेज है, एंड दैट कम्स फ्रॉम योर कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, जो सीए इंटरमीडिएट में तुम लोग ने पढ़ा है, याद है ईबीआईटी करके पढ़ा था, ईबीआईटी। क्या वो फॉर्मेट सब लोग को पता है? क्या नहीं से वो तो अपन बचपन से करते आ रहे हैं, हाँ कि ना? तो उसने बोला वो फॉर्मेट को मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि इवेंचुअली कोई भी जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है समझता वही फॉर्मेट है, हाँ कि ना? तो उसने सबसे पहले यहां पे लिखा ईबीआईटी। क्या लिखा? क्या होता है ईबीआईटी? कैन आई से अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? इतना सब लोग को पता है, हाँ कि ना? इसमें उसने माइनस किया। क्या माइनस करते हैं इसमें? बोलो क्या माइनस करते हैं? करेक्ट। तो इसमें उसने भी माइनस किया इंटरेस्ट। क्या बच जाता है? ग्रेट, उसका भी बच गया ईबीटी। इसमें क्या माइनस करते हैं? क्या बच जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इधर तक सब लोग मेरे साथ में हो? एवरीबॉडी यस और नो? डन। इसमें उसने बोला कि ये तक, इसमें ये जो फॉर्मेट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट मुझे बताओ कि वो जो विंडो ड्रेसिंग वाली बात कर रहा था, याद है वो विंडो ड्रेसिंग ईबीआईटी के पहले है या ईबीआईटी के बाद में करने का स्कोप है? अरे बोलो। तो कहना इससे ये जो ईबीआईटी आ रहा है इसी में कोट है, तो क्यों ना इस ईबीआईटी में ही मुझे क्या कर लेना चाहिए? एवरीबॉडी, ईबीआईटी में मुझे क्या कर लेना चाहिए? आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? एंड दैट इज वेयर ही इंट्रोड्यूस्ड, एडजस्टमेंट। दैट इज वेयर ही इंट्रोड्यूस्ड एडजस्टमेंट।
समझ में आ रहा है, फ्लो समझ में आ रहा है तुम लोग को? कहां से स्टार्ट हुआ था, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन? आवाज कम नहीं होनी चाहिए एवरीबॉडी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन किन दो लोगों के लिए करते हैं एवरीबॉडी? आईसीआई ने बोला कि उसमें दो पर्सपेक्टिव है, क्या दो पर्सपेक्टिव है एवरीबॉडी? वापस, उसमें अभी फिलहाल अपना फोकस किस पे है? फाइनेंशियल में तीन पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी अपन किस पे ध्यान दे रहे हैं? ईवीए का फुल फॉर्म किसने स्टार्ट किया? ये स्टोन एंड स्टुअर्ट भाई, क्या बोला अपने को, उसको कैसा प्रॉफिट चाहिए? अरे मजा नहीं आ रहा है आवाज में। ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट, यस और नो? क्योंकि उसको लग रहा है कि यस, वो ट्रू इकोनॉमिक कैश बेसिस पे पता चलेगा कि प्रॉपरली यार कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग गाइस, उसमें उसने अपना पहला फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला याद है आप लोग को? क्या फॉर्मूला बनाया उसने? बोलो बोलो चल चल। उसमें पहले अपन लोग किसको पिकअप कर रहे हैं? नोपैड के लिए दो एडजस्टमेंट, दो तरीके, क्या एवरीबॉडी? क्या बराबर है? क्या टिपिकल फॉर्मेट सब लोगों को पता है? किधर से स्टार्ट होता है? लेस इज इक्वल टू लेस इज इक्वल टू, अभी अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें उसको तकलीफ कहां पे हो रही थी? क्यों ईबीआईटी में तकलीफ हो रही थी? कहनाई से मैनिपुलेशन ईबीआईटी के पहले ही होगा, यस और नो? तो कहनाई से मेरे को जो मैनिपुलेशन के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ईबीआईटी में? अरे बोलो यार। और उसी में उसने सबसे पहला एडजस्टमेंट निकाला और बोला कि ये देखो, ये जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स, इसमें मालूम है वो लोग एंट्री मारते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, प्रोविजन फॉर फलाना ढिंकना। अरे हाँ कि ना, क्या ये प्रोविजन रियल एक्सपेंडिचर है या फिर खाली नेम सेक है? कहना इसे कोई रियल कैश आ रहा है जा रहा है क्या प्रोविजन की एंट्री से? अरे हाँ कि ना। जबकि स्टर्न एंड स्टुअर्ट को क्या चाहिए? रियल कैश इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो क्या वो चाहेगा कि प्रोविजन पीएनएल अकाउंट में डेबिटेड रहे? अगर वो नहीं चाहेगा पीएनएल अकाउंट में प्रोविजन डेबिटेड रहे तो वो क्या कर देगा? कहना इसे रिमूव कर देगा। अगर तुम लोग ने पीजीबीपी किया होगा डायरेक्ट टैक्स में तो तुम लोग को पता होगा कि कोई भी अपने को एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करना है तो अपन उसको क्या करते हैं? तो यहां पे वो प्रोविजन को भी अपने को डिसअलाउ मतलब नहीं चाहिए अपने को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो अपन क्या करेंगे? तो यहां पे पहला एडजस्टमेंट उसने क्या दिया? करेक्ट, प्रोविजन। कहना इसे प्रोविजन मतलब बेसिकली नॉन कैश आइटम्स। अरे हाँ कि ना। सो पहला एडजस्टमेंट उसने क्या दिया? नॉन कैश आइटम्स को क्या करूंगा? क्यों समझ में आया या रट्टा मार रहे हो? लॉजिकली समझ में आया क्या? उसका बात लॉजिकल लगा? उसको क्या चाहिए? ट्रू इकोनॉमिक, उसके लिए क्या प्रोविजन रहेगा अकाउंट्स में? सही है या गलत है? उसके हिसाब से गलत है। उसको लग रहा है कि प्रोविजन से जो एंट्रीज है, ये जो प्रोविजन एंट्रीज है, क्या ना इसे उसे मैं मेरे प्रॉफिट के साथ खेल सकता हूं? और वही विंडो ड्रेसिंग होता है। वैसे ही अपन लोग क्लोजिंग स्टॉक को भी एडजस्ट करके खेल सकते हैं, कई बार अपन लोग फेक एक्सपेंसिस के थ्रू भी खेल सकते हैं। वो सब एडजस्टमेंट को अब वो हटा देगा ताकि अपने को रियल कैश प्रॉफिट मिले। समझू एवरीबॉडी, यस और नो? परफेक्ट। तो पहला एडजस्टमेंट किसका है? नॉन कैश आइटम, उसको मैं क्या करूंगा? क्यों ऐड किया? उसका इफेक्ट हटाने के लिए। चलो सर कैसे ऐड किया हम लोगों को नहीं समझ में आया, चलो मैं वो भी बता देता हूं यार। समझो ये तुम्हारा पीएनएल अकाउंट है, समझो ये तुम्हारा पीएनएल अकाउंट है। अब पीएनएल अकाउंट में मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट दिखता है अपना 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट के सामने सपोज इधर आ गया मेरा प्रोविजन 20, तो नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा? 80। अब आइडियली आप लोग मुझे बताओ, क्या ये प्रोविजन मेरे अकाउंट में, मेरे को अगर मैं स्टर्न एंड स्टुअर्ट हूं तो क्या ये प्रोविजन मेरे को डेबिटेड चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो आइडियली मेरा पीएनएल कैसा बनेगा? जीपी 100। क्या ये प्रोविजन का एंट्री मेरे को चाहिए क्या? तो कहना इसे मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एज इट इज 100 आ जाएगा। तो कहना इसे इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है उसमें मेरे को बेसिकली ये 20 को मैंने एड बैक किया है। अरे यस और नो? एक तो ये तरीके से भी समझ में आ गया होगा या फिर मैंने तुम्हारे को बोला डीटी पीजीबीपी के तरीके से भी समझ में आ गया होगा। मेन है समझ में आया? तो कहना इसे पहला एडजस्टमेंट है नॉन कैश आइटम का। समझियो एवरीबॉडी, क्या ये नॉन कैश आइटम को क्या करेंगे? क्यों
लॉजिकली क्लियर है एवरीबॉडी? एड बैक करेंगे, क्या कर देंगे इसको? एड बैक। बट याद है नॉन कैश आइटम में बचपन से अपना एक फेवरेट नॉन कैश आइटम रहा है, कौन सा? स्टर्न एंड स्टुअर्ट ने बोला नॉन कैश आइटम एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। बोलो क्या बोला? सो कैन आई से अब मेरे को लेना पड़ेगा सेकेंड एडजस्टमेंट में किसको? बोलो किसको? करेक्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट आता है मेरा डेप्रिसिएशन का। ध्यान से सुनना, हमारे स्टर्न एंड स्टुअर्ट भैया ने क्या बोला डेप्रिसिएशन के लिए। उस भाई साहब ने बोला डेप्रिसिएशन के लिए के देखो, समझो मैंने कोई एसेट खरीदा, क्या खरीदा मैंने? अब आइडियली मैं एसेट खरीद रहा हूं, से फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मशीनरी है, ये मशीनरी का यूजुअल लाइफ है 10 साल, कितना? इसको मैंने खरीदा 10 लाख में, कितने में? अब अपन लोग टिपिकली वही SLM WDV जो टिपिकल मेथड यूज करते हैं, वो मेथड के हिसाब से एक एसेट खरीदा है जो 10 लाख का है, जो 10 साल तक चलने वाला है, इसको मैं कितना डेप्रिसिएट करूंगा? बोलो बोलो चल चल बोलो, कैन आई से 1 लाख पर एनम करूंगा? अरे हाँ कि ना? बट हुआ क्या पता है क्या, जैसे ये मेरे फैक्ट्री में आया मैंने इसको इतना कॉन्सिक्यूटिवली यूज किया कि ये एसेट का जो लाइफ था ना वो 10 साल तक चला ही नहीं, 4 साल में इसका एसेट का लाइफ खत्म हो गया। कितने टाइम में? पर मेरा टिपिकल अकाउंटिंग एंट्री तो क्या बोलता है, 10 साल तक उसको डेप्रिसिएट करते रहो। क्या ये सही है या गलत है? तो सही क्या होना चाहिए? क्या नहीं से जितने साल में वो कंज्यूम हुआ है, यूज हुआ है, उतने में उसको राइट ऑफ कर दो यार, हाँ कि ना? अरे बोलो, लॉजिकली समझ रहे हो? उसको उसने नाम दिया इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। क्या नाम दिया उसने? तो आप मुझे बताओ कि वो जो टिपिकल अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे कि 1 साल में 1-1 लाख, वो सही है या उस एसेट का जितने टाइम में कंज्यूम हो गया है उतने टाइम में उसको डेप्रिसिएट करके राइट ऑफ कर दो, क्या सही है? आप लोग बताओ लॉजिकली, मतलब बेसिकली मैं पूछ रहा हूं कि इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन समझते हो क्या? एक्चुअल उसका जो कंजम्पशन है उसके हिसाब से उसको डेप्रिसिएट करके राइट ऑफ कर दो, क्या ना इसे उसको बोलूंगा मैं इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, हाँ कि ना? तो वो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन सही डेप्रिसिएशन है या अकाउंटिंग जो टिपिकल 10 साल तक चलते रहेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या डेबिट होता है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या ना इसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को? क्यों? क्योंकि क्या ना इसे उसका इफेक्ट हटा देंगे, वो सही नहीं है, अरे हाँ कि ना? बट जो सही है क्या ना इसे उसका इफेक्ट दूंगा, वो क्या सही क्या है, उसको मैं क्या करूंगा? समझू एवरीबॉडी? लॉजिकली समझ रहे हो कि रट रहे हो? आर यू क्लियर एवरीवन? यस और नो बोलो। परफेक्ट। सो इधर मैं सेकेंड पॉइंट पे लिख लूंगा डेप्रिसिएशन। मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन में 2 पार्ट है, एक है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगा, दूसरा पार्ट है इसको मैं क्या करूंगा। लॉजिकली समझ रहे हो? ठीक है, क्या इसे 2 एडजस्टमेंट दिमाग में सेट हो गया है, कभी भूलोगे? चलो एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान से सुनेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं। अब जैसे तुम लोग ने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड किया क्योंकि वो सही नहीं था, वैसे इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को क्या किया तुम लोग ने, क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से सही था। भाई तो समझ में आता है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेट। वैसे उन्होंने नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला रिलेटेड टू टैक्सेस, रिलेटेड टू, उसने बोला कि टैक्स में भी 2 पार्ट होता है, एक होता है प्रोविजन, दूसरा होता है पेड या एक्चुअल। क्या लगता है क्या करेगा स्टर्न एंड स्टुअर्ट प्रोविजन को? समझ में आ रहा है? तुम लोग दिमाग में घुस गए उसके? एक बार कोई चीज लॉजिकली क्लियर हो जाती है ना, फिर उसमें ना आप लोग ऑटोमेटिकली मिल जाता है। प्रॉब्लम ये अपन लोग बेस को ही स्ट्रांग नहीं रखते हैं और फिर आगे आगे की चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती रहेगी एंड अपने को लगेगा अरे यार डिफिकल्ट है डिफिकल्ट। अरे डिफिकल्ट नहीं है, एक बार कोई बेस पकड़ोगे ना फिर बाद में आगे एकदम इजीली पहुंच जाओगे। अभी नाउ क्लियर विद दिस? क्या लग रहा है? प्रोविजन को मैं क्या करूंगा और पेड को मैं क्या करूंगा? अभी अंडरस्टैंडिंग? बस इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, ये इफेक्ट देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, जो मैं सम के टाइम पे करवा दूंगा। बट फिलहाल इतना समझ में आ गया कि अगर प्रोविजन होगा तो उसको क्या करेंगे और पेड होगा तो उसको। क्लियर है इधर तक? पहला एडजस्टमेंट याद है क्या? क्या करोगे नॉन कैश आइटम को? ओके,
लॉजिकली क्यों करोगे, एक समझ में आ गया है? ओके, दूसरा एडजस्टमेंट, उसमें दो पार्ट, अकाउंटिंग को, इकोनॉमिक को, तीसरा टैक्सेस में दो पार्ट, प्रोविजन को, पेड को। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं, जिसको प्यार से कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू। क्या कहते हैं प्यार से? अब ध्यान से समझना क्या है ये डिफर्ड रेवेन्यू, ठीक है? अब से फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करता हूं, देन इन दैट केस आप लोगों को पता है, चलो संकल्प सर लास्ट 10 साल से एजुकेशन की फील्ड में है, अरे हाँ कि ना, और SCMP पढ़ा रहे हैं, और अभी SFM चालू किया है, करना पड़ा है, क्या है, समझ रहे हो तुम लोग, हंस रहे हो मेरे पे? नहीं, गुड, सुनो। सो यहां पे से फॉर एग्जांपल आप लोगों को विश्वास है कि यार सर 10 साल से एजुकेशन फील्ड में, कुछ भी करेंगे एजुकेशन फील्ड में अच्छा ही करेंगे, वी ट्रस्ट यू। अरे डू यू ट्रस्ट मी और नॉट? तो अभी आप लोग SCMP का लेक्चर बैठ रहे हो, बट आप लोगों को विश्वास है सर और कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, SFM या कुछ भी पढ़ाएंगे, सर विल डू अ गुड जॉब, वी ट्रस्ट हिम बिकॉज इतने साल से वो एजुकेशन फील्ड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी मैं कुछ एजुकेशन फील्ड में चालू करता हूं, और मैं तुम लोग को बोलता हूं यार तुम्हारे कलीग्स को, जूनियर्स को बोलना, तो आप लोग हक से बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी ट्रस्ट यू सर। बट अगर संकल्प सर अभी अनाउंसमेंट करते हैं कि पूरे के पूरे पूना में मैं चालू कर रहा हूं संकल्प जिम, तो क्या आप लोग मेरे जिम में आओगे क्या? मुंह पे इंसल्ट, इतनी बेशिस्त साला है हम सब पुणेकर, सत्य बोलू आम्ही सर? ओ वेरी गुड। क्या मैं अगर संकल्प जिम चालू करूंगा तो आप इन्वेस्ट करोगे क्या? आप मेरा संकल्प जिम चालू करोगे क्या? आप लोगे सर पहले अपना पेट देखो, पहले अपना देखो, बॉडी तो देखो, फिर आप जिम का बात करना, ऐसा बोलोगे? मन में बोला तुम लोग ने? चलो ठीक है, इट्स ओके ना, सत्य बोलू, वेरी गुड, बोल लो। चलो अभी आपने सर मुंबई पुणे में ऐसा बोला था ना, पुणे लोग सब कॉपी करते हैं, तो लो अभी आपके लिए हम ऐसा बोलेंगे। चलो सो आपने बोला कि सर एजुकेशन फील्ड में आप कुछ भी करो, सर वी ट्रस्ट यू, हम आंख बंद करके आप पे विश्वास करते हैं, बट सर अगर संकल्प जिम चालू करते हैं तो क्या इतना इजीली सर को एडमिशन मिल जाएगा क्या सर के जिम में? तो कहना इससे यहां पे मेरे को कहना इससे बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हाँ कि ना? एंड यहां पे मैंने सोचा कि यार पूना के सबसे टॉप 5 लोकेशंस को मैं पिकअप करता हूं, और वहां पे एक एक महीना मैं बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करूंगा, तो फिर कहना इससे लोगों का रिकॉल वैल्यू आएगा, और फिर वो रिकॉल वैल्यू आएगा तो फिर बाद में लोग ज्वाइन करना चालू करेंगे, हाँ कि ना? प्लस उसका बेनिफिट मेरे को खाली आज ही मिलेगा या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, बट पैसा तो मैंने आज ही दे दिया है, फिर भी कहना इसे बेनिफिट 4-5 साल तक मिलेगा उसका यार। अब मैंने ऐसे 5 लोकेशन सेटअप किए, 5 लोकेशन पे मैंने बोला 1 महीना कितना नॉन स्टॉप एडवर्टीजमेंट करूंगा, तो मेरे को 10-10 लाख रुपए 1 लोकेशन का बोला। मैंने टोटल कितने पिकअप किए लोकेशन? 5। कितने लोकेशन? 5 इंटू 1 जगह का कितना? तो कहना इसे 50 लाख रुपए का मेरा खर्चा हो गया। कितना? अब जो एडवर्टीजमेंट वाला है उसको तो 50 लाख का एक साथ पूरा का पूरा चेक चले जाएगा, हाँ कि ना? बट इसका बेनिफिट मेरे को, मेरे बिजनेस को, संकल्प जिम को कब तक मिलने वाला है बोलो? ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, यस और नो? तो ये 50 लाख एक साथ PNL में डेबिट कर दूं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? FA एक्सपेंडिचर को कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको? अब स्टर्न एंड स्टुअर्ट की बात समझो, उसने बोला कि कभी कभी अकाउंटेंट लोग ये, अभी क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल मेरे को एडवर्टीजमेंट वाले को भी मैं 5 साल तक दूंगा या ऑन द स्पॉट, तो कहना इसे मेरे अकाउंट से तो निकल गया पूरा पैसा, तो अकाउंटेंट क्या बोलेगा? वो तो उसने इतना दिमाग नहीं है शायद CA जितना, तो वो क्या बोलेगा? 50 लाख का चेक दिया, पूरा का पूरा वो PNL अकाउंट में डेबिट कर देगा टू एडवर्टीजमेंट, सही करेगा क्या? अरे बोलो, तो क्या करना चाहिए? कहना इसे एडबैक कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इसी साल का है या पूरे 5 साल का है? आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? अरे बोलो यस और नो? सो यहां पे अपन लोग क्या एडबैक कर देंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपन लोग क्या कर देंगे? एडबैक। सो यहां पे अपन लोग कर देंगे एड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हुआ क्या एक जगह पे, मैं तुम्हारे को बताता हूं। ये जो हमारा स्टर्न एंड स्टुअर्ट है, इसके साथ थोड़ा सा मेरा एक यू कैन से लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल मतभेद है, मतलब हम लोग का बात टैली नहीं हो रहा है, तुम लोग भी मुझे बताना।
ये जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अपने एग्जाम्पल में कितना था अमाउंट, बोलो अमाउंट कितना था? कहना इसे अपने मुनीम ने अकाउंटेंट ने सीधा पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया 50 लाख, बट उसमें से कहना इसे 10 लाख तो ये बार अकाउंटेंट ने जो डेबिट किया वो बराबर है, खाली 40 लाख ही मेरे को एडबैक करना चाहिए। क्यों भाई 5 साल तक चलेगा, उसमें 1 साल ये वाला भी तो है, हाँ कि ना? स्टर्न स्टुअर्ट बोलता है पूरा का पूरा 50 लाख ऐड कर दो यार, सही बोल रहे हैं क्या? बट अपना दिमाग लगाने का या उसका दिमाग? उसका भाई साहब का तो स्टैंप है उस पे, उसका ट्रेडमार्क है, तो अपन उसमें छेड़खानी कर सकते हैं क्या? फ्यूचर में बनाएंगे संकल्प वैल्यू एडेड तो उसमें सही करेंगे, बट अभी कुछ कर सकते हैं क्या? सो लॉजिकल मिस वो है अपना, उसके साथ मतभेद है, आया कभी इंडिया में तो चाय पे चर्चा करेंगे, बट एज ऑफ नाउ क्या करेंगे अपन लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? बोलो क्या करेंगे? क्यों? उसने बोला है, बट जब सम करोगे ना तब तुम्हारे को अंदर से आएगा, अभी आज ही सम करूंगा ना तुम्हारे अंदर से आएगा, सर ये बार का तो लो, तब मैं एक्सप्लेनेशन दू। उससे अच्छा मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, अभी क्लियर है एवरीबॉडी? क्या एडबैक कर रहा हूं मैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा की प्रोपोर्शनेट। सो इधर मैं ब्रैकेट में लिख दू विद योर परमिशन फुल्ली एड, अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? ये 4 मेजर एडजस्टमेंट दिए और एक दो एडजस्टमेंट दिए, वो मैं सम के साथ करवाऊंगा। क्या इधर तक सब लोग मेरे साथ में हो? कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अपन लोग? ईवीए। ईवीए का फुल फॉर्म सबसे पहले स्टर्न एंड स्टुअर्ट ने उसका पॉइंट क्या था, उसको कैसा प्रॉफिट चाहिए? ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट। क्या चाहिए उसको? उसके लिए उसने एक फॉर्मूला निकाला, क्या वो फॉर्मूला आप लोगों को याद है? बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब खुला रख रहा हूं, उसका जरूरत है या खुद से दिमाग लगा के कर पाओगे? चलेगा, स्टार्टिंग से लेते हैं। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन किन लोगों के लिए कर रहे हैं? ऑल राइट, कंपनी एंड एम्प्लॉयज, इंस्टीट्यूट ने बोला उसके लिए 2 पर्सपेक्टिव है, क्या है उस पर अभी फिलहाल अपना फोकस? फाइनेंशियल में 3 एस्पेक्ट, अपना फोकस अभी ईवीए का फुल फॉर्म किसने निकाला ये? उसको क्या चाहिए था? उसके लिए उसने फॉर्मूला क्या निकाला? एक्सेलेंट, सब लोग मेरे साथ में हो। उसमें उसने सबसे पहले किसको पिकअप किया? नोपैड के लिए 2 चीजें, एक टिपिकल फॉर्मेट और दूसरा, आर वी क्लियर एवरीबॉडी? टिपिकल फॉर्मेट और दूसरा, इधर तक सब लोग साथ में हो? ठीक है, टिपिकल फॉर्मेट कहां से स्टार्ट होता है? लेस इज इक्वल टू माइनस टैक्स इज इक्वल टू, आर वी क्लियर? क्लियर, ठीक है। दूसरे साइड पे एडजस्टमेंट, क्यों एडजस्टमेंट करना है? ईबीआईटी में कुछ ना कुछ विंडो ड्रेसिंग हुआ है इसको इफेक्ट को हटाने के लिए, बराबर? क्या पहला एडजस्टमेंट याद है? कौन सा? नॉन कैश आइटम। एवरीबॉडी कौन सा है? क्या करूंगा उसको? क्यों? अभी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ब्लू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट के लिए प्रोविजन का एंट्री तो नहीं आएगा, अभी क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, सेकेंड डेप्रिसिएशन में 2 पार्ट, अकाउंटिंग को, इकोनॉमिक को, अभी अंडरस्टैंडिंग। तीसरा टैक्सेस में 2 पार्ट, प्रोविजन एंड, प्रोविजन को, पेड को, फोर्थ, और वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसा ऐड? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, इधर तक सब लोग मेरे साथ में हो? मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग अभी एग्जाम के लिए रिवाइज करोगे तो बुक खोलना पड़ेगा क्या? बुक बंद करके पूरा का पूरा ये रिवाइज हो जाएगा एवरीबॉडी, यस और नो? चलो, जो लोग अभी नहीं बोल रहे थे अभी तक, प्लीज ध्यान दो, तुम लोग सब लोग को बोलना है भाई, बाकी लोग इधर क्यों, बाकी लोग पागल थोड़ी है जो बोल रहे हैं, या बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं क्यों नहीं बोल रहे भाई? तुम्हारा ईगो बीच में आ रहा है? मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं कैसे ये सब चीज बोल लूं? तुम्हारे तो सामने तुमसे बड़ा ही आदमी बैठा है कोई यार, जब मैं बोल रहा हूं बुलवा रहा हूं तो तुम लोग को भी सब लोग को बोलना है। एवरीबॉडी विद मी, यस और नो? देखो स्टार्टिंग का 1 घंटा वाइब मैच होने को लगता है, मेरे हिसाब से मेरा तो वाइब मैच हो गया है मस्त, तुम लोग का? तो फिर कंटिन्यू करेंगे एवरीबॉडी, यस और नो? चलो, तो नो पैट वाला पार्ट सब लोगों को क्लियर हो गया, मैंने एक एडजस्टमेंट, मैंने फॉर्मेट भी देख लिया,
और मैंने उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है वो भी देख लिया, एक दो एडजस्टमेंट है जो मैं इंपैक्ट बाद में देने वाला हूं। अभी क्लियर है एवरीवन? अब अपन लोग आ रहे हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो नोपैट माइनस क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, तो अभी फिलहाल फोकस किसके ऊपर है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। किसके ऊपर फोकस है मेरा? तो यहाँ पे स्टर्न एंड स्टुअर्ट ने बोला कि टोटल पांच तरह के कैपिटल है जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं, जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं। उसने बोला सबसे पहला कैपिटल एम्प्लॉयड है इक्विटी शेयर कैपिटल, अपन सबको पता ही है। दूसरा उसने बोला रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या आपने को पता है? ठीक है। तीसरा उसने बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चौथा उसने बोला डिबेंचर। और पांचवा उसने बोला बैंक लोन। पांचवा क्या बोला उसने? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, अरे बोलो। चलो, सो टोटल कितने कैपिटल एम्प्लॉयड है? बोल पाओगे बिना देखे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी क्लियर? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? ठीक है, तो यहां पे मेरा ये पांच चीज आ गई। बट उसको मेन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चाहिए था, उसको चाहिए वो कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉस्ट। तुम लोग फॉर्मूला देखा था तुम लोग ने, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल। मुझे एक बात बताओ, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्या नहीं से इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एक ही है? रिजर्व एंड सरप्लस किसको बिलोंग करता है? आई थिंक ये बेसिक चीज तो सब लोगों को पता ही होगी, हाँ या ना? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस है, ये लोग का एक्सपेक्टेशन कंपनी से क्या होता है, इनको क्या चाहिए होता है? क्या ना इसे डिविडेंड चाहिए होता है? अरे हाँ कि ना? तो क्या ना इसे इन लोगों को चाहिए इक्विटी डिविडेंड, हाँ कि ना? क्या ना इसे यही इन लोगों का कॉस्ट है? एवरीबॉडी यस और नो? तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ठीक है वो वेटेड करना है उसको, वो तो एक मैथमेटिकल पार्ट है। बट बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन लोग, जो कैपिटल एम्प्लॉय हो रहा है उसका खर्चा कितना लग रहा है कंपनी को, क्योंकि फिर पता चलेगा कि भाई फाइनली कंपनी के पास कितना ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट बचा है। समझू एवरीवन? ठीक है, तो अब कैन आई से इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन रिजर्व एंड सरप्लस को क्या दे देंगे अपन? अरे बोलो ना। ठीक है, फिर बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या दे देंगे? जय बात, इसको दे देंगे अपन प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, फिर डिवेंचर एंड बैंक लोन को क्या दे देंगे? अभी अंडरस्टैंडिंग, बस एक चीज याद रखना, इधर इंटरेस्ट वन माइनस टी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स डिडक्शन मिलता है क्या? बोलो। बट क्या मेरे को एक बात बताओ, इक्विटी डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या? अभी अंडरस्टैंडिंग, जिसके ऊपर मिलता है उसमें वन माइनस टी कर देंगे। अरे हाँ कि ना? अब अगर आप लोग को वो फॉर्मेट याद आ गया होगा, तो अपन लोग ने एक साइड पे लिखा था नो पैट, याद आया? ओके, इधर अपन लोग ने किया माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, याद आया? नो पैट मेरा स्टार्ट होता है ईबीआईटी से, अरे हाँ कि ना? बट कैन आई से ईबीटी में मुझे, एवरीबॉडी ईबीआईटी में मुझे कैन आई से, अगर ये मेरे को एडजस्टमेंट करना है तो ये मेरा बेसिकली एडजस्टेड ईबीआईटी लिखू ना यार, कोई तकलीफ इसमें किसी को? कैन आई से इसमें मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट, हाँ कि ना? क्या मिल जाएगा? ईबीटी में से क्या माइनस करता हूं, क्या मिल जाएगा? अभी अंडरस्टैंडिंग, ईएटी या पैट एक ही बात है, अरे हाँ कि ना? ठीक है, फिर बाद में इधर मैंने माइनस किया, क्या माइनस किया? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैंने देखा इक्विटी डिविडेंड है। अरे हाँ या ना? ठीक है, दूसरा चीज मैंने देखा प्रेफरेंस डिविडेंड है, अरे हाँ कि ना? तीसरा मैंने देखा इंटरेस्ट है, खाली इंटरेस्ट लिखूंगा क्या? तो क्या नहीं से इंटरेस्ट वन माइनस ही लिखूंगा, हाँ कि ना? अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखो, अगर तुम लोग नोट करोगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, ये तो मेरा फॉर्मेट है, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता, हाँ कि ना? बट सामने स्टर्न एंड स्टुअर्ट बोलता है नहीं, इधर भी मैं मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करूंगा, अरे हाँ कि ना? तो एक बार इंटरेस्ट उधर नो पैट के लिए माइनस हो रहा है, फिर वही वापस से इंटरेस्ट माइनस हो रहा है ना, तो कोई भी एक्सपेंस का दो बार डिडक्शन मिलता है क्या, दो बार रिड्यूस कर सकता हूं क्या? तो स्टर्न एंड स्टुअर्ट ने बोला कि ठीक है, इधर इसका इफेक्ट नलिफाई कर दो बाय एडिंग इंटरेस्ट वन माइनस टी, समझा? एंड ये जो बचेगा उसको प्यार से अपन कहेंगे नो पैट, उसको प्यार से क्या कहेंगे अपन?
इसको अपन प्यार से कहेंगे नो पैट, इसको प्यार से कहेंगे नो पैट। ए समझू एवरीवन, आर वी क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो? क्या आप लोगों को ये दिख रहा है प्रॉपरली, लॉजिकली समझ में आया? ए मुझे एक बात बताओ, ये अपन लोग ने क्यों ऐड बैक किया इधर? कैन आई से डबल इफेक्ट ना आ जाए? ये डबल इफेक्ट किधर आ रहा है? कहना इसे इधर भी इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, सेम वापस यहां पे इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, बट फॉर्मेट के हिसाब से वो दो इफेक्ट आएगा, बट उसमें से एक हटाने के लिए मैं यहां पे माइनस कर देता हूं। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो एक इफेक्ट इधर आया बराबर, दूसरा इफेक्ट इधर आया बराबर, उसमें से एक इफेक्ट इधर नलीफाई कर दिया बराबर, वन प्लस वन माइनस वन, कहना इसे एक इफेक्ट आया जो मुझे चाहिए था, यस और नो? आर वी क्लियर एवरीबॉडी विद द फॉर्मेट नाउ? क्या अब आपको कोई तकलीफ देगा? समझ में आ गया पूरा प्रॉपरली दिमाग में एकदम? अगर मैं ये हटा दूं तो फिर क्या ईवीए का तुम लोग फॉर्मूला बोल सकते हो क्या? अच्छा इसे सर, ईवीए किसने निकाला? उसको क्या चाहिए था? लॉजिकली सब समझ रहा है, उसके लिए उसने क्या निकाला? सबसे पहले फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला? फॉर्मूला याद है? बोलो याद रहेगा? ठीक है, सबसे पहले उसने क्या पिकअप किया? ठीक है, नो पैट में उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक दूसरा, ठीक है, टिपिकल फॉर्मेट याद है? बोलो एक सेकंड, मैं बोलता हूं, ईवीआईटी माइनस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये रट्टा मारना पड़ेगा या याद रहेगा? तो प्लस इंटरेस्ट वन माइनस टी एड क्यों किया? आर वी क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, एक टिपिकल फॉर्मेट हो गया, दूसरा साइड, पहला एडजस्टमेंट याद है क्या एवरीबॉडी? उसको क्या करेंगे? दूसरा एडजस्टमेंट याद है? उसमें दो पार्ट, पहला दूसरा, अकाउंटिंग को इकोनॉमिक को, तीसरा टैक्सेस में दो पार्ट, प्रोविजन को पेड को, फिर फोर्थ डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। ये बात यार बोल रहे हो तुम लोग तो, नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड में पांच, एक सही से कोई छूटने का नहीं, छूटने का नहीं, यू यू छूटने का नहीं, पहला दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का कॉस्ट क्या है? इक्विटी, खाली डिविडेंड नहीं बोलने का, क्या बोलने का? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट क्या है? समझो एवरीवन। अच्छा डिबेंचर्स और बैंक लोन का इंटरेस्ट क्यों? इंटरेस्ट वन माइनस टी कर रहे हो, टैक्स डिडक्टेबल है एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, तो इक्विटी डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड में क्यों नहीं किया? They are not tax deductible in income tax. Are we clear everyone? ये पूरा माइनस हो गया, उसके बाद में मेरा कैन आई से कैपिटल एम्प्लॉयड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा दिमाग में सेट हो गया, यस और नो? अब वो वेटेड कैसे करने, वो तो अपन लोग सम के थ्रू कर लेंगे, क्या अभी अपन लोग एक सम कर ले क्या? मस्त, आर वी रेडी? चलो सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, फटाफट अपना नोट्स खोलेंगे एंड 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 इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन उठाना है। आ जाओ यहां पे एवरीबॉडी। डब्ल्यू यू एस करके क्वेश्चन दिखेगा, देखो आप लोगों को। चलो आगे इस क्वेश्चन के ऊपर, सी ये वाला जो क्वेश्चन है ये आईसीएआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन है। किधर का क्वेश्चन है? नवंबर 20 में ये 20 मार्क के लिए आया था, कितने मार्क के लिए? आओ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जो मैं देखो ऊपर का पार्ट दिख रहा है मैंने कट किया है, अब ये तो एकदम मैराथन रिवीजन है, तो अभी वो फालतू का चीज है, तो रीड करने के पीछे अपन लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसके नीचे वाले पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वहां से अपन लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तुम लोग ने एक चीज नोट किया होगा कि एससीएमपी में जो सम्स होते हैं या केस स्टडीज होती है उसमें से आधे से ज्यादा तो इररिलेवेंट इन्फो होता है यार, है कि नहीं? और उसमें फर्स्ट पेज पढ़ो तो थर्ड पेज भूल जाओ, थर्ड पेज पे आओ तो फर्स्ट पेज भूल जाओ, होता है आपके साथ भी ऐसा? क्या कर सकते हैं? तो एटलीस्ट अभी
जब मुझे पता है ये चीज, तो फिलहाल मैं अपने को जितना ज्यादा कवरेज चाहिए तो उतना पार्ट जो री रेलिवेंट है उतना मैं कट कर रहा हूँ और रेलिवेंट पार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। करें स्टार्ट अपन लोग सब लोग साथ में, येस और नो? विद द बेस दैट वी हैव आई थिंक वी विल बी एबल टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले उसने फॉर्मूला निकाला, किसने? स्टर्न एंड स्टुअर्ट ने। उसने फॉर्मूला निकाला नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें सबसे पहले उसने क्या उठाया? नोपैट को उठाया। अरे बोलो, नोपैट में उसने डिवाइड किया, क्या बोला? टिपिकल फॉर्मेट में ईबीआईटी लिखा। मुझे एक बात बताओ, जो उसका ईबीआईटी उधर उसने लिखा, वो ईबीआईटी सही ईबीआईटी है गलत है? तो कन्हैया से उसमें मुझे मेरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मैं ईबीआईटी और प्लस एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड ईवी ले आया, ईबीआईटी ले आता हूं, बराबर है? और फिर उसको वो उधर टिपिकल फॉर्मेट में घुसा देता हूं, हाँ कि ना? और फिर उधर से अपना वो पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, हाँ कि ना? सब लोग मेरे फ्लो में हो? तो आ जाऊं मैं मेरे ईबीआईटी पे, तो इधर मैं लिख देता हूं ईबीआईटी। क्या क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया है क्या? कितना? चलो आओ क्वेश्चन देखो जरा, एवरीबॉडी क्वेश्चन देखो जरा। हाँ भाई, कितना दिया है? 162। कहां पे दिखा तुम्हारे को? देखो यहां पे, देखो रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस मतलब मेरा इंटरेस्ट। यस, लेस क्या करते हैं अपन लोग? इंटरेस्ट। तो कहना इससे अपने को तो इंटरेस्ट के पहले वाला पार्ट चाहिए ना, वो कितना आया? 162। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? So, EBIT मेरा आ गया है 162। कितना आ गया मेरा? समझ में आया कोई क्वेश्चन इसमें किसी को? अच्छा, कहना इसे अब इसमें मेरे को मेरा एडजस्टमेंट करना है, एवरीबॉडी यस और नो? ठीक है, तो अब मेरा पहला एडजस्टमेंट के लिए मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्या तुम लोग भी नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए हो मेरे साथ? उधर देखो, इधर लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड, दिखा तुम लोग को? इसका मतलब क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड का मतलब क्या है? ऑलरेडी उसके अंदर डेबिटेड है, अरे हाँ कि ना? और वो डेबिटेड है वही तो अपने को तकलीफ है। बेसिकली ये जो चीजें डेबिटेड है वो ही तो मेरे विंडो ड्रेसिंग एडजस्टमेंट है, उसका ही तो इफेक्ट नलीफाई करना है, तो मैं इधर ही तो एडलेस खेलूंगा। अबे साथ में होना। पहला एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है? पहला एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है? अच्छा, ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? कहां पे लिखा है ऐसा? ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आता है वो तो मेरा अकाउंटिंग वाला ही डेप्रिसिएशन आता है ना सर? अरे हाँ कि ना? तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को अभी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ईबीआईटी को मैं क्या ऐड कर दूंगा? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। समझू एवरीबॉडी? कितना? वेरी गुड, कितना? 118। समझू एवरीवन? यस और नो विद मी? बोलो बोलो, चल चल। चलो तो प्लस कर दिया 118। उसके बाद क्या दिख रहा है? ए, मैंने सब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं था कि दिया था? कह रहे नॉन कैश आइटम में आ गया ये चीज, तो नॉन कैश आइटम को क्या करते हैं? सो कह रहे इधर मैं लिख दूंगा एड। क्या लिखूंगा मैं? नॉन कैश आइटम ब्रैकेट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना? डाउटफुल डेट कितना? प्लस कर दूंगा 4। यस और नो? ठीक है, फिर और कुछ है? क्या है वो? ए, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ देखा देखा है क्या? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा है ना? देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो आज कर रहा हूं बेनिफिट मिलने वाला है सालों साल, हाँ कि ना? तो जैसा कहने से एप्पल के साथ हुआ था, 2008 में स्मार्टफोन लाया था, आज तक उसका बेनिफिट मिल रहा है, हाँ कि ना? तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी ऐड कर दूंगा, यस और नो? सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बराबर, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? तो ब्रैकेट में लिखने का कि ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसके लिए इधर मैं इसको ऐड कर रहा हूं। कितना? समझू एवरीबॉडी? अब एक और बात तुम्हारे को बता दूं, नॉर्मली यूजुअली स्टूडेंट क्या करेगा एग्जाम में, जब वो ये लिख कर आएगा ना तो वो खाली इधर R&D लिख कर आएगा। मैं बोल रहा हूँ क्यों ब्रैकेट में लिख कर आओ ना, ये किससे रिलेटेड है पता तो है ही ना अपने को, फिर अपन लोग लिख कर क्यों नहीं आते हैं? मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, जितना एग्जाम में शो ऑफ करके आओगे उतना अच्छा है,
इन जनरल रियल लाइफ में अपन कितना शो ऑफ करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज पे, अरे हाँ कि ना। तो एग्जाम में क्यों ये चीज के ऊपर बैकफुट पे आ जाते हैं अपन, करो ना। द एग्जामिनर एंड योर पेपर इज द ओनली कनेक्टर, क्या आपके एग्जाम पेपर के ऊपर आपने लिखा है कि आई एम अ रैंक होल्डर गिव मी गुड मार्क्स, या फिर क्या आपने लिखा है कि आई एम गिविंग दिस अटेम्प्ट फॉर द 10th टाइम सो माय पेपर इज नॉट गुड, ऐसा कहीं पे कुछ भी लिखा होता है क्या? उसके पास जो एग्जामिनर है उसके पास वो पेपर है, उसके अलावा उसको आपके बारे में कुछ भी पता है क्या? जो लिखोगे वो उसको दिखेगा और उस हिसाब से मार्क्स मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो फिर शो देम। और मेरे को एक बात बताओ, कोई भी चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम? एक दो, मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन, अरे हाँ कि ना। तो भाई उसके बारे में जितना नॉलेज है पूरा का पूरा लेकर आ जाओ यार, बराबर। कई बार स्टूडेंट लोग पूछते हैं सर केस स्टडी में कितना पॉइंट लिख कर आने का, मैं बोला बे तुझे तुझे आता कितना है, जितना आता है उतना पूरा का पूरा लिख कर आ, उस चीज का टेंशन मत ले कितना, मुझे आता ही इतना है, बात ही खत्म हो गया ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग, ये बात है, अपन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को। स्टूडेंट लोग कई बार पूछते हैं कि सर है ना इंस्टीट्यूट ने एक चीज निकाला है जहां पे उसने बताया असेस का मतलब, इवेल्युएट का मतलब, मालूम है तुम लोगों को, कैलकुलेट का मतलब, इसका मतलब, उसका मतलब। तो सर अगर असेस आया तो क्या लिखने का, ऐसा आप एग्जाम में सोचने वाले हो, आप तो क्या लिखने वाले हो, बात ही खत्म हो गया। तो क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो भाई, जितना आता है उतना पूरा ज्ञान ठोक कर आओ वहां पे। द एग्जामिनर एंड यू जस्ट हैव दैट पेपर इन बिटवीन, एंड हर एक चैप्टर में से एक या दो ही क्वेश्चन आने वाला है, जितना आता है दे दो पूरा। एंड बाय डिफॉल्ट ये तो पता है अपने को भी, एक दो क्वेश्चन तो ऐसा आने वाला है जिसमें अपने को दादा दादी नाना नानी दिखने वाले हैं, तो इसके लिए वो तो अपना गेम ओवर है ही उधर। तो जितना आता है इतना अच्छी तरह से करके आओ, दैट एटलीस्ट 40 वाला टेंशन तो नहीं रहना चाहिए जो इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा इशू है। मतलब बाय डिफॉल्ट ग्रुप टू में पीपल आर स्कोरिंग गुड इन इलेक्टिव, 70s 80s, वेरी गुड स्कोर। ओनली वन सब्जेक्ट जो आपके सीए का डिग्री और आपके बीच में आ रहा है वो है ये, तो एटलीस्ट वो 40 वाला इशू तो होना ही नहीं चाहिए, स्पेशली आज के सेशन के बाद। तो ये जो भी मैं चैप्टर्स करवा रहा हूँ उतना इतना कॉन्फिडेंस में भर दूंगा कि ये तो बराबर कर ही लो, प्लस अप्रोच क्या लेना है इस सब्जेक्ट को लेके, दैट इज वॉट ऑल्सो वी विल एंश्योर दैट वी हैव। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो अभी आम आदमी लिखकर आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट आप क्या लिखकर आओगे? दोनों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो है ही, दैट्स द मेन लाइन आइटम, बट वो क्यों ऐड किया है? क्योंकि वो, और वो पता है ना आपको, ऐसे ही हवा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐड तो नहीं कर रहे हो, पता है ना वो डिफर्ड रेवेन्यू है जिसको फुल्ली ऐड करना है इसलिए ऐड कर रहे हो, अरे बोलो ना। एग्जैक्टली वही आंसर में होना चाहिए, समझ में आया क्या करना है कैसे करना है? जो चीजें पता है ना अपन लोग वो भी लिख कर नहीं आ पाते, वो प्रॉब्लम है मुझे। तो पता है वो तो प्रॉपरली लिख कर आओ एटलीस्ट, अरे येस और नो, चलो डन। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, क्या और भी कोई एडजस्टमेंट बाकी है? क्या दिख रहा है अदर नॉन कैश आइटम का क्या होगा? क्यों नॉन कैश आइटम ऐड करना है, अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट ही बोला था, अरे हाँ कि ना। सो इधर मैं ऐड बैक कर दूंगा 14, यस और नो। सो अदर नॉन कैश आइटम ऐड 14, यस एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट 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 देखते हैं, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? हाँ क्या दिख रहा है? इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कितना? 166 करोड़। क्या होगा इसका? हाँ क्यू लेस, क्या इसे ये सही डेप्रिसिएशन है और वो वाला गलत वाला मैंने ऐड बैक करके हटा दिया है। सो इधर इसको मैं कर दूंगा लेस इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, कितना? लेस 166। समझू एवरीबॉडी, यस और नो? चलो डन 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 एवरीबॉडी, यस। चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, ये भी हो गया है। फिर करंट टैक्स पेड इज ₹18 करोड़, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट लोग से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हो सकता है, बट मैं आप लोगों को बता दूं इजी है, हो जाएगा ठीक है। एक मिनट इसको होल्ड पे रखेंगे, खाली ये वाला एडजस्टमेंट साथ में करेंगे, उसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसका एडजस्टमेंट आएगा तो मैं बता दूं। हाँ इधर देखो क्या लिखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बीन नॉन कैपिटलाइज, क्या इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है? मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज कैपिटलाइज होती है
तो वो मतलब बैलेंस शीट में गई है, फिक्स्ड एसेट्स आर कैपिटलाइज्ड जैसा अपन बोलते हैं, बट इज अ वर्ड यूज किया है तो नॉन कैपिटलाइज का मतलब एक्सपेंस आउट कर दिया, पीएनएल में डेबिट कर दिया है। अब क्या ये पीएनएल में डेबिट होना चाहिए क्या? तो इसको मैं क्या कर दूंगा, तो कहना इसे इसका इफेक्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया, यस और नो? ठीक है। फिर उसने लिखा इट बिलोंग्स टू अ न्यू प्रोजेक्ट दैट विल बी डेवलप्ड ओवर 5 years एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ लॉन्ग टर्म टू द कंपनी, 2021 इज द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब आप मुझे बताओ कितना डेबिट हुआ है? 24। आइडियली एक साल का तो अपने को लेना चाहिए था ना, 4.8 था कि ना, 24 डिवाइड बाय 5, खुद ही बोल रहा है ना वो, 24 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? तो कहना इसे 4.8 पे को रहने देना चाहिए था, पर मैंने रहने दिया है क्या? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है, क्योंकि सर स्टुअर्ट ने ऐसा बोला है। तो अगेन लॉजिकली वी मे नॉट अग्री टू व्हाट दे हैव डन, बट वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव टू फॉलो विद व्हाट इज बीइंग डन। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो ये कनेक्ट याद रहेगा एवरीबॉडी, यस और नो? डन। ठीक है, चलो उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वो सब है। ठीक है, अब कुछ एडजस्टमेंट्स है जो मेरे को आप लोग के साथ डिस्कस करने हैं, वो मैं करते जाऊंगा, डोंट वरी। अब आ जाओ इधर, अब ये जो तुम लोग को नंबर मिलेगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज एडजस्टेड ईवीआईटी। क्या बोलेंगे इसको? कितना आ रहा है बोलो, बोलो बोलो, चल चल, 150। कैन आई से इधर मैंने 156 ले दिया, यस और नो? सो कैन आई से मेरे दो पार्ट होते हैं नोपैट के, एक होता है फॉर्मेट, दूसरा होता है कैन आई से, उसमें से मेरा एडजस्टमेंट हो गया है। अब ये एडजस्टेड ईवीआईटी उठा लूं यहां से, फॉर्मेट में घुसा दूं, तो यहां पे अभी मैं आ जाता हूं मेरे फॉर्मेट के ऊपर, फॉर्मेट के ऊपर, और फॉर्मेट में मैं लिख दूंगा, हाँ भाई फॉर्मेट में मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? ईबीआईटी या रादर एडजस्टेड ईबीआईटी। कितना? 156। एवरीबॉडी विद मी? ठीक है, इस 156 में से क्या माइनस करता हूं? क्या इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है? देखो यहां पे दिया है एकदम क्लियरली, फाइनेंस चार्जेस, यस और नो? कितना? तो यहां पे मैं लिख दूंगा 46। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे? ईबीटी कितना? 110। सब लोग मेरे साथ में, इसमें से क्या माइनस करूंगा? टैक्स। अब सुनो, दो टैक्स है, एक इधर दिया है टिपिकल वाला प्रोविजन, और दूसरा दिया है टैक्स पेड। अपने को क्या अलाउड होता है? टैक्स। सो यहां पे मैं सीधा माइनस कर दूंगा टैक्स पेड 18। समझ में आया? तो सर आपने तो बोला ना एड प्रोविजन लेस पेड, अगर क्वेश्चन पैट से चालू होता है तो, अगर समझो क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या दिया है? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कहना इसे जो प्रोविजन वाला टैक्स है वो माइनस होके आया है। नहीं समझे ये लोग, नहीं समझो। तुम लोग को दिया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स 100 दिया, ठीक है, लेस टैक्स से 30%, 30, तो कहना इसे ईएटी 70, हाँ कि ना? अब ये जो तुम लोग का आया है, कहना इसे इसमें ये माइनस होके आया है, यस और नो? इन सच सिचुएशन जो ये अक्रूड वाला या ये जो प्रोविजन वाला है ना, वो ऐड हो जाएगा। समझो मेरा टैक्स पेड है 18, वो इधर मेरा माइनस हो जाएगा, एंड आपको यहां पे नेट इफेक्ट मिलेगा। यहां पे आपको क्या मिलेगा? बट अगर मैं सीधा यहां पे टैक्स पेड ही माइनस कर रहा हूं, तो फिर क्या वो अक्रूड वाले का मेरे को इफेक्ट देने का जरूरत है क्या? वो अक्रूड वाले का इफेक्ट कब दूंगा? जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। समझ में आया? अगर तुम लोग को याद हो तो जब मैं ये एडजस्टमेंट तुम लोग को करवा रहा था तो मैंने उधर लिखा भी था कि ये देखो ये टैक्सेस का एडजस्टमेंट कब देना है, देखो उधर एनपीएटी लिखा है, दिखा, ये इसके लिए इधर मैंने लिखा था। समझ में आया? क्या समझ में आया टैक्स के बारे में? दो तरह का टैक्स होगा, एक अगर एनपैट के पहले वाला, या इसको बोलते हैं बोलोगे ईबीआईटी से माइनस करने वाला, दूसरा एनपैट वाला। जो एनपैट वाला होगा उसमें अपन पहले प्रोविजन को ऐड करेंगे पेड को, और जो ईबीआईटी वाला है उसमें डायरेक्टली पेड वाला ही लेस कर देंगे। समझो एवरीवन? पक्का क्लियर हो गया है? लॉजिकली क्लियर हो गया है?
कि ऐसा एकदम प्रेशर लेके याद रखना पड़ेगा लॉजिकली. आर वी क्लियर एवरीवन? डन. एंड यहाँ पे वो चीज मैंने उसका इफेक्ट दे दिया. सो कैन आई से मेरा इधर अभी टैक्स पेड माइनस 18 हो गया, बराबर कि नहीं? टैक्स माइनस करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो यार. पैट 110 माइनस 18 कितना? 92. इसमें कुछ एडबैक करते हैं? एडबैक करते हैं ना. क्या क्यों ऐसे ही? अभी अंडरस्टैंडिंग ध्यान में रहेगा. एड इंटरेस्ट 1 माइनस टी. इंटरेस्ट तो ऊपर ही मेरे पास 46 है ही, बराबर है इनटू 1 माइनस टी. टी 0.3 30% है तो इनटू 0.7, हाँ कि ना? 46 इनटू 0.7 कितना? 32. ये ऐड करना था ना, तो ये इसको ऐड कर देते हैं सर. 32.2 क्या मिलेगा? 124. क्लियर है? हो जाएगा. अभी खुद से कोई भी क्वेश्चन आने दो. परफेक्ट है एकदम. चलो डन. क्लियर? सो नोपैट वाला पार्ट मेरा हो गया. ये जो मेरा 124.2 आया, ये मेरा नोपैट आ गया, बराबर. अच्छा, इसमें वो टैक्स का इफेक्ट और वो सब भी समझ गया ना. डन. अब आ जाते हैं नोपैट माइनस. क्या करते अपन, बराबर है? अब मेरा डिसअग्रीमेंट नंबर 2 विद मिस्टर स्टर्न एंड स्टुअर्ट विद मिस्टर. अब वो भाई साहब क्या बोलता है पता है क्या, कि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बोलता है लेने का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. मैं बोलता हूं लेने का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. क्योंकि अपन लोग क्या कर रहे हैं पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मतलब जो मेरा कैपिटल है उसके ऊपर कितना मेरा खर्चा हो रहा है, हाँ कि ना? अब पूरे साल में भी तो मेरा खर्चा हो रहा है ना. अब एंड में मेरा कितना कैपिटल है पूरा उसके ऊपर भी नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में मेरा कितना है पूरा उसके ऊपर भी नहीं हो रहा है. इसके लिए मैं क्या लेना चाहूंगा? एवरेज. पर ये भाई साहब क्या ले रहा है? तो ठीक है, अभी अपन इसके साथ जैसा आर्ग्यू कर सकते हैं क्या? नहीं, वो सात समंदर पार बैठे हैं. तो अपन लोग ले लेंगे एज इट इज. क्या ले लेंगे अपन लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा वाला? ठीक है. डू वी अग्री विद हिम? नो. बट तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग के हिसाब से भी क्या लेना चाहिए, ओपनिंग या एवरेज? बराबर ना? तो ही वो रिफ्लेक्ट कर देगा सही कॉस्ट. क्लियर? बट स्पेसिफिकली अगर अपने को स्टर्न एंड स्टुअर्ट बोल रहा है तो वी हैव टू फॉलो दैट. स्टर्न एंड स्टुअर्ट क्या बोल रहा है तो अपन लोग क्या ले लेंगे? समझू एवरीबॉडी, ये ले लेंगे अपन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या ले लेंगे अपन? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? चलो परफेक्ट. तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. क्या क्वेश्चन ने कुछ दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में? दिया है? क्या दिया है? तुम लोगों को अगर नोट करोगे ना तो तुम लोगों को चार कैपिटल एम्प्लॉयड दिखेगा. उधर दिख रहा है क्या? चार कैपिटल, एक ऑडिटेड दिख रहा है, देखो ना, दो दिख रहा है, दो ऑडिटेड दिख रहा है, दो डिटरमाइंड बाय रेगुलेटर, बराबर है? अपना बात हुआ था स्टार्टिंग में, स्टर्न एंड स्टुअर्ट क्या बेसिस पे अपना एनालिसिस स्टार्ट करता है? कैन आई से एनुअल रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट में जो पीएनएल है, एनुअल रिपोर्ट में जो पीएनएल है वो कौन सा होता है? समझ में आता है अपने को? तो ऑडिटेड लेने का या डिटरमाइंड बाय रेगुलेटर? तो कैन आई से ये तो मेरा बाय डिफॉल्ट ही कैंसिल हो गया. देखो बेस क्लियर रहेगा ना, हर जगह पे वो काम आएगा. कौन सा लेने का वो भी उधर से ही लॉजिक अपने को मिल गया, अरे हाँ कि ना? चलो दूसरा चीज, अब मेरे पास चार में से दो बच गया, ठीक है, एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है. क्या लेने का? ओपनिंग कौन सा वाला है? क्यू 1495 है. कैन आई से ये मेरा 1920 का क्लोजिंग इस 2021 का, और 2021 का ये क्लोजिंग है सर, अपने को क्लोजिंग ना बोला है. इन शॉर्ट अब मेरे पास एक ही नंबर बच गया ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का. क्या है वो? क्या मैं एज इट इज लिख लूं यहाँ पे? सो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? समझू एवरीबॉडी? परफेक्ट. साथ में सब लोग मेरे, ठीक है. तो ये आ गया मेरा 1495 ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. गॉटचा एवरीबॉडी? यस ऑर नो? चलो परफेक्ट, इधर तक आ गए. अब आते हैं मेन एडजस्टमेंट के ऊपर, जो नवंबर 20 में जब ये क्वेश्चन आया था, मेजॉरिटी स्टूडेंट का गलती जहां पे हुआ था वो अब मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं. आई स्टिल रिमेंबर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, सर ये वाला एडजस्टमेंट में थोड़ा गलती हो गया है, प्लीज बता दो क्या है. ऑब्वियसली वो टाइम पे मैं डिस्कस नहीं करता हूं, बट बाद में डिस्कस किया मैंने एंड रियलाइज किया मैंने कहीं ना कहीं पब्लिक कॉन्सेप्ट मिस कर रहा है. तो आप लोग वो कॉन्सेप्ट मिस ना करो, इसलिए ध्यान देना. प्लस अब इंस्टीट्यूट और क्या खेल सकता है,
आप लोग को पता है इंस्टीट्यूट है ना, क्वेश्चन एज इट इज उठाएगा, एक दो एडजस्टमेंट में खेल लेगा वो, जहां पे उसको पता है कि कॉन्सेप्ट अगर वो करके नहीं गया, रट्टा मार के गया वो मॉड्यूल का, और एक दो चीज ऊपर नीचे घुमा दिया तो गया ना आपका तो आंसर पूरा रॉन्ग। इंटर में स्पेशली पब्लिक को आदत होता है ये कैपिटल बजटिंग और ये सब में, एक बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा कैपिटल बजटिंग का एज इट इज, पीएम का क्वेश्चन, खाली एक चीज चेंज किया, टैक्स रेट 30 के जगह 50 डाल दिया। अब पब्लिक के दिमाग में आंसर बैठा हुआ है 30 के हिसाब से, अब उसका वो आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, वो उसको लगा रहे यार मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, फिर वो रिवर्स मैकेनिज्म से कैसे भी करके वो आंसर लाने की कोशिश करता है, बट इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट है, जाना है, समझ रहे हो तुम लोग, इसलिए लेट्स बी लॉजिकली क्लियर ताकि अपने को वो प्रॉब्लम ना आए, ध्यान से सुनना। अब इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग का पार्ट मैंने तुम लोग को कट कराया था, ठीक है, उसका मैं खाली तुम लोग को एक बैकग्राउंड दे देता हूं। इस क्वेश्चन में ना वो लोग ने एक चीज बोला है कि अपन लोग को ईवीए बनाना है 2021 का, कब का 2021 का, अपन लोग ने नोपैट फाइंड आउट किया, अरे बोलो कैसे फाइंड आउट किया नोपैट, पहले एडजस्टेड ईबीआईटी किया, उस एडजस्टेड ईबीआईटी के वो फिर टिपिकल फॉर्मेट में सब नंबर्स घुसाया, एड इंटरेस्ट 1-3 करके मेरे पास नोपैट बच गया, तो मेरे पास जो नोपैट आया है कैन आई से वो ये बार के सारे एडजस्टमेंट के बाद का 2021 का नोपैट है, हाँ कि ना, ठीक है। अब मैं माइनस कर रहा हूं, क्या माइनस कर रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा लिया है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है, तो कैन आई से इसका मतलब मैं अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहा हूं मतलब कैन आई से मेरा ये लास्ट ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब मैं आप लोग को एक बात बता दूं, क्वेश्चन में जो दिया है 2021 इज द फर्स्ट ईयर जब ये कंपनी ईवीए यूज कर रही है, दिस इज द, जब अभी पूरा फोकस करना मेरे के ऊपर, अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना यही कॉन्सेप्ट में गेम बदलता है और मार्क्स भी या तो इसी में पूरा मिलेगा या कटेगा तो सीधा 4-5 मार्क्स, कभी भी याद रखना इंस्टीट्यूट क्रूशियल एडजस्टमेंट के लिए मार्क्स भी ज्यादा देगी और कट करेगी तो भी क्रूशियल एडजस्टमेंट के लिए, दिस इज दैट क्रूशियल एडजस्टमेंट। अब मैं क्या बोल रहा था आप लोग को, अपन लोग ये जो 2021 है उसका नोपैट और वो सब एडजस्टमेंट मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, हाँ कि ना, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग लिया एज पर टर्निंग स्टूअर्ट मतलब 1920 का लिया, बट 1920 में मैं ईवीए यूज कर रहा था क्या, तो कहना इसे वो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तो ईवीए एडजस्टेड है कि नहीं है, तो कहना इसे एक नोपैट में ले रहा हूं ईवीए एडजस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड में ले रहा हूं नॉन ईवीए एडजस्टमेंट, क्या मुझे सही कंपेरिजन मिल पाएगा क्या, क्या मुझे सही रियल कैश इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल पाएगा क्या, तो कहना इसे ये जो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको मैं ईवीए एडजस्टेड बना दू, हाँ कि ना, कैसे बनाना है ध्यान से देखना, दिस इज द एडजस्टमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। पहले तो क्यों कर रहे हैं वो समझ में आया क्या, कई बार लोगों को तो वही नहीं पता होता करके क्यों रहे हैं, फिर क्या करना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्या कर रहे हैं अपन लोग अभी एडजस्टमेंट करने वाले किस में, कैपिटल एम्प्लॉयड में, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में, हाँ कि ना, क्यों कहना इसे ईवी एडजस्टेड बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं था तो इसके लिए मेरा जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ईवी एडजस्टेड है कि नहीं है, कहना इसे अब मैं वो करने वाला हूं, हाँ कि ना, अब इधर ध्यान से देखना, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये देखो येलो में मैंने कुछ हाईलाइट किया है, रीड करोगे मेरे साथ, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज 9 crore इन 2021 बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या होता है बोलो 2021 में 20 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज 9 crore इन 2021 बैलेंस शीट। मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग के अगर कोई चीज बैलेंस शीट में है तो कहना इसे वो उसका क्लोजिंग बैलेंस है, इतना बेसिक अकाउंटिंग अपने को पता है, सो कहना इसे मेरा पीएफडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही है ना, उसका वो लोग ने क्लोजिंग बैलेंस दिया है बैलेंस शीट का फॉर द ईयर 2021, हाँ कि ना, कितना 9 का, अरे हाँ कि ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, डन। इसमें इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ये बार का एडजस्टमेंट तो आ गया होगा, क्या ये बार का एडजस्टमेंट दिख रहा है कितना, तो इसका मतलब 2021 के पहले या 1920 एंड उसके पहले कितने एडजस्टमेंट हुए रहेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, 5 के, समझे क्या भाई, ये बार ये साल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 4 गया है,
टोटल अभी क्लोजिंग में 9 दिख रहा है, मतलब उसके पहले कितना होगा? आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? अरे बोलो एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? ठीक है ठीक ठीक। तो यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो सर करंट ईयर का है 5, तो 5 ना, 4 सॉरी 4, तो सर आपका बचेगा कितना? 5। कैन आई से ये प्रीवियस ईयर एंड उसके पहले वाले का रहेगा, हाँ कि ना? अब लॉजिकली वापस अब मेरे को तुम लोगों का लॉजिक चाहिए। अब सुनो क्या हुआ रहेगा यहाँ पे, मैंने मेरा पीएनएल अकाउंट बनाया से 1920 का, कब का बनाया? 1920 का। मतलब अपन लोग पीएफडीडी डेबिट कर देते हैं, अरे बोलो, समझो मैंने यहाँ पे पीएफडीडी डेबिट कर दिया 5, समझो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया 100, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 95। मुझे बताओ ये नेट प्रॉफिट हवा में उड़ जाता है या कहीं पे जाता है? कहाँ पे जाता है बोलो? तो कहना ही से मैं इधर जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं इधर लिखता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड से 1000, बराबर है? इसमें मैं ऐड कर देता हूँ नेट प्रॉफिट 95, हाँ कि ना? तो कहना ही से ये 1095 रिफ्लेक्ट होगा, एवरीबॉडी यस और नो? अब ये जब मैं ईवीए यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अब फ्लिप साइड पे आ जाओ, अब फ्लिप साइड पे आ जाओ, ये जब मैं ईवीए यूज नहीं कर रहा हूं, अब फ्लिप साइड पे आ जाओ, अब अगर मैं पीएनएल अकाउंट की बात करता हूं 1920 के ही, 2 मिनट अभी खाली ध्यान देना, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया 100, मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया 5, मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है 95, हाँ कि ना? मैं अगर ईवीए यूज कर रहा होता तो मैं क्या करता, आप मुझे बताओ? अगर मैं ये यहां पे ईवीए यूज कर रहा होता, टिक मार्क यस, तो मैं क्या करता? तो कहना ही ये एनपी में मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ऐड कर देता, अरे हाँ कि ना? कितना? 5। मतलब मेरा नेट प्रॉफिट, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 100 का हो जाता। अब जब मैं मेरा बैलेंस शीट बनाता यहाँ पे, तो कहना ही मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 1000 है, इसमें मैं नेट प्रॉफिट 100 का ऐड कर देता तो ये 1100 रिफ्लेक्ट करता। कहना ही से ये 1100 जो मेरा इधर दिख रहा है, कहना ही से ये मेरा सही नेट प्रॉफिट है, आई मीन सही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, हाँ कि ना? बट अभी अगर ईवीए नहीं यूज कर रहा हूं तो कितना दिख रहा है? तो 1095 को 1100 जो सही है उस पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी अंडरस्टैंडिंग, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रीवियस ईयर का अगर एडजस्ट नहीं हुआ रहेगा तो आप क्या कर दोगे उसको? क्या कर दोगे मैडम? मैडम कौन सी दुनिया में सो गई? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, एवरीबॉडी मेडिटेट कर रही थी आप? क्या कर रही थी आप? चलो इधर देखो, अभी क्लियर एवरीबॉडी? अरे यस और नो? ये क्या पुणे का कोई वो लैंग्वेज है? चल वेरी अच्छा अच्छा बड़े बोलते रहो ना, मजा आएगा। कंटिन्यू कंटिन्यू, अच्छा लगेगा मुझे भी के वाह आज जानवरों को भी पढ़ाया, व्हाट है क्या बात है, एक मस्त ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए। क्लियर एवरीबॉडी? अब यहाँ पे बहुत सारे जन तो छूट ही गए हैं, वो लोग को पता ही नहीं चल रहा है ये कर क्या रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर से उधर। कोई है जिसको समझ में आया मैंने क्या किया लॉजिकली? अगर हाँ बोलोगे ना तो आगे और एक तगड़ा वाला एडजस्टमेंट दूंगा, उसमें फिर पकड़े जाओगे तुम लोग, तो इसलिए इज्जत से बोलो। अब मुझे बताओ कितने लोगों को ये नहीं समझाए? मुझे पता है कुछ लोगों को तो नहीं समझाए, तुमने चेहरे पे ही लिखा है वी आर ब्लैंक, तो मैं बताऊंगा डोंट वरी। बट कोई है तो? हाँ ये सर, अब सुनो वो डाउट पूछ रहा है, जिसको समझ में आया है वो तो डाउट सॉल्व भी कर पाएगा, तो बाकी लोग ध्यान से सुनो, प्रॉब्ली यू मे हैव टू सॉल्व हिज डाउट। स्टार्ट 5 एड बैक किया, करेक्ट हाँ। ये क्या बोल रहा है वो पता है? वो बोल रहा है कि ये 1 का क्या किया? क्या अपने पास इसका जवाब है? अपन ने क्या किया? 9-4 किया, 5 बचा। वो पूछ रहा है ये 1 का क्या किया? क्या किया? अरे उसमें आ ही गया ना 1 भी तो। अरे वो 5 में 1 भी आ गया। मैं बोल रहा हूँ 19-20 का छोड़, 17-18 का भी होगा 1,
15 16 का भी एक होगा, उसका दो होगा, अपना तो फाइल ले लिया तो सब आ गया ना। समझा क्या? अब तेरा डाउट पूछ, समझ में आ गया तेरे को? एग्जैक्टली इसीलिए तो मेरा जो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अब दिखेगा क्या, नहीं से उसमें आज तक का सारा एडजस्टमेंट आ गया और भाई वही तो चाहिए अपने को। समझा? तो लॉजिकली सही जा रहे अपन। ओके यस मैडम, आपके ऊपर आपको भी डाउट था, आपने हाथ ऊपर किया था, पूरा कॉन्सेप्ट ही डाउट था। ये बात, चलो इधर आ जाओ, वापस से पूरा बताता हूँ, फोकस करना ठीक है। और भी जो लोग कोई और दुनिया में चले गए थे प्लीज वापस आ जाइए। यस मैम, ठीक है, वो भी अपन लोग सॉल्व करेंगे। हाँ बोल, अभी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डाउट अभी पूछ ले। तुम लोग डाउट वाउट रहेगा बिंदास हाथ ऊपर करके पूछो। हाँ भाई, यू करते उसे तो डाउट पूछो ना। हाँ जोर से बोल थोड़ा। तो वो तभी अपन लोग ने एडजस्ट कर लिया होगा, या फिर वो कुछ होगा तो वो एडजस्टमेंट वो पूछेगा और बताएगा। बताता हूँ मैं, चलो वो एक बार देख लेंगे अपन। ये वाला समझ में आ गया ना, ठीक है। इसमें फिर क्या एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करने, वो अपन लोग देख सकते हैं एक बार। 100% एग्जैक्टली, प्रीवियस ईयर नॉट बीइंग गिवन, एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ उसको, कि वो तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया कि वो लोग वो सब चीज करेंगे वैसा। बस एग्जैक्टली, और पुराना साल का एडजस्टमेंट नहीं दिया है वो वाला चीज अगर कुछ होगा तो वो लोग बताएंगे। जैसे यहाँ पे है, वो लोग ने बोला ईवीए फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहले वो लोग ने ईवीए यूज ही नहीं किया है, तो इसके लिए अभी मैं ये पीएफडीडी का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सुनो, अभी मैं पीएफडीडी का वापस से पूरा एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, जिन लोगों को भी नहीं समझा है पूरा वापस ध्यान देंगे, और जिन लोगों को समझा है प्लीज एक बार वापस से देख लो, सो दैट तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। चल भी स्टार्ट, क्योंकि अगर ये चीज समझा है तो इसका एक एडवांस लेवल का एडजस्टमेंट है, वो अब मैं देने वाला हूं जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, जो उसने कहीं अपने मॉड्यूल में नहीं पूछा है, बट वो तभी कर पाओगे जब आपको ये आता हो। ठीक है, करेंगे स्टार्ट। एवरीबॉडी ध्यान से सुनो, अगर मैं ईवीए फॉलो ही नहीं करता हूं तो मैं क्या करूंगा, पीएफडीडी यहां पे एज यूजुअल मैं डेबिट कर देता हूं 5, बराबर है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 100 था, 5 का मेरा पीएफडीडी आया, तो नेट प्रॉफिट 95 आ गया। मैं मेरा बैलेंस शीट में कैपिटल एम्प्लॉयड 1000 ही लिख रहा हूं, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होगा क्योंकि मैं तो ईवीए यूज ही नहीं कर रहा हूं, तो कैन आई से वो एज इट इज एड हो गया 1000 प्लस 95, हाँ कि ना। बट अगर मैंने ईवीए यूज किया होता तो क्या ये 95 ही रहता क्या? तो मैं क्या करता इसमें, क्या ऐड बैक करता? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5 का, हाँ कि ना। क्यों ऐड करता? कहना इसे वो नॉन कैश आइटम है करके ऐड करता मैं उसको, बट ये हुआ नहीं है। मैं करता, अगर मैं ये करता तो कहना इसे मेरा नेट प्रॉफिट 100 हो जाता और वो इधर मेरा ऐड बैक 100 ऐड हो जाता, हाँ कि ना। फिर मेरा रियल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1100 दिखता अगर ईवीए यूज किया होता तो, बट अभी मैं यूज कर रहा हूं क्या ईवीए, तो कहना इसे 1095 दिख रहा है, तो कहना इसे सही पे पहुंचने के लिए मेरे को ऐड बैक करना पड़ेगा, तब मैं सही ईवीए पे पहुंचूंगा। अबे संतो, मैं सही कैपिटल एम्प्लॉयड पे पहुंचूंगा, अरे हाँ कि ना। सो अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पुराना वाला उसका एडजस्टमेंट नहीं किया होगा तो अब मैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से एडजस्ट करके ला सकता हूँ, हाँ कि ना। क्या एडजस्टमेंट करूंगा? अभी अंडरस्टैंडिंग मैम, समझ में आया आपको? अब किसी को डाउट है क्या? यस मैम, हमने कहा बोला कि ये सम खत्म हो गया? हमने कहा बोला कि मैं जा रहा हूं? मैंने बोला क्या? हम आ रहे हैं उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर तक सब लोग क्लियर हो? अब उसका जो डाउट है, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोग को इधर ये अदर नॉन कैश आइटम दिखा, उसमें देखो इधर 1920 में 12 दिख रहा है, उसको मैं क्या करूंगा? कहना इसे ये भी तभी ऐड होना चाहिए था पर नहीं हुआ, तो अब मैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू ला सकता हूं, हाँ कि ना। बाय व्हाट डूइंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग मैम? कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक का क्या किया, एक को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। कहना इसे वो 5 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करोगे, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कंफ्यूज होगे क्या? समझ में आया? So, इधर मैं मेरे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें ऐड कर दूंगा ना यार, क्या? एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ऐड कर दूंगा, बराबर है, और इधर मैं लिखूंगा पास्ट ईयर्स, पास्ट
मुझे नहीं पता, पांच में सब आ गया, पूरा कच्चा चिट्टा। बैलेंस शीट तो वही होता है ना, बैलेंस शीट में तो भाई 100 साल सबका आ गया, तो इतना एड बैक कर दिया, समझे। दूसरा मालूम है उधर नॉन कैश आइटम दिख रहा है, अब वो लोग ने 1920 का ही दिया है तो अपन वही लिखेंगे, मतलब हो सकता है अज्यूमिंग के उसके पहले नहीं हुआ रहेगा। अरे हाँ कि ना, तो कितना ऐड कर दूंगा, समझियो एवरीबॉडी। अब सुनो मेरा एडजस्टमेंट, इधर देखो एडजस्टमेंट नंबर टू, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन के लिए क्या लिखा है, वो लोग ने लिखा है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन इज 166 करोड़ इन FY 2019-20, इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वर अज्यूम्ड टू बी, तो कुछ एडजस्टमेंट आएगा क्या अभी इस क्वेश्चन में, तो बच गए। बट इंस्टीट्यूट यहां पे खेलेगा आप लोग के साथ, तो अब अगर लॉजिकली क्लियर हुए तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। तो कहना इसे इंस्टीट्यूट क्या खेलने वाला है वो अभी मैं यहां पे करवा दूं। अब आपके पास दो सिचुएशन आ सकता है, इंस्टीट्यूट देगा 1920 में, दो सिचुएशन है, दो अलग अलग सिचुएशन है, आपको जवाब देना है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से ले लो 18 और ये ले लो 12 या फिर ये ले लो 15 और ये ले लो 25। तुम्हारे को अगर लॉजिकली समझा है तो तुम मुझे बता पाओगे कि क्या अफेक्ट आएगा। मुझे घाई नहीं है, दो मिनट लो सोच के मुझे बताओ। कमाने भी बोली पब्लिक यहाँ पे मुझे पूछ रहा है सर सेम ईयर है, मैंने बोला ना हाँ सेम ईयर है भाई, ये एक केस है, ये दूसरा केस है, एक में अकाउंटिंग ज्यादा है, एक में इकोनॉमिक ज्यादा है, समझे क्या। अब इंस्टीट्यूट कौन सा देने वाली है मुझे तो नहीं पता है, तो मैं तो दोनों तरीके से तैयार कर रहा हूं ना तुम्हारे को यार, ये 1920 के जगह 1920 एंड प्रीवियस ले लो तो सब आ गया इसमें, समझे क्या। अब आप लोग सोच के दो मिनट में जवाब दो पाओगे, बोलो। फर्स्ट केस में देखो डिफरेंस 6 का है, यस और नो, ठीक है। अगर मैं यूज कर रहा होता तो अकाउंटिंग को मैं ऐड करता हूं और इकोनॉमिक को, तो ऐड 18 लेस मतलब नेट प्लस 6, तो मैं मेरे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में। आर वी अंडरस्टैंडिंग, अब किसी को कोई भी तकलीफ आएगी यहाँ पे, ग्रेट। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूं तो ऐड 15 लेस नेट इफेक्ट, सो अब मैं मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड में, समझू एवरीवन, कोई टेंशन। So, इसमें मैं और एक कंक्लूजन डाल दूं, इफ प्रीवियस ईयर्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज मोर देन इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन देन एड बैक टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे सर कितना हाई फाई, अरे भाई जो इधर लिखा है वही बोला है मैंने इंग्लिश में यार, इफ प्रीवियस ईयर्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज मोर देन इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन देन एड बैक टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अरे उसमें कोई बहुत, मैंने कोई बहुत बड़ा कुछ दिमाग लगाया कि वही जो है वही ना, तुम लोग ने लॉजिकली बताया ना ये। एंड दूसरा क्या बनेगा स्टेटमेंट, इफ इफ इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन इज मोर देन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन देन लेस फ्रॉम, समझू एवरीबॉडी। कैन आई से इसी के साथ ईवी अपने को क्लियर हो गया, एडजस्टमेंट्स के साथ दिमाग में सेट, कभी भूलोगे एवरीबॉडी। स्टार्ट करूं पूरा का पूरा रिवीजन, करोगे मेरे साथ स्टार्ट। चलो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन, आवाज आवाज आती रहनी चाहिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन दो लोगों के लिए होता है एवरीबॉडी, दो लोगों के लिए। ऑलराइट, इसमें इंस्टीट्यूट ने बोला कि दो पर्सपेक्टिव है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, अभी अपना फोकस फाइनेंशियल में, तीन पार्ट ईवीए का फुल फॉर्म किसने बनाया, उसको क्या चाहिए था, ट्रू इकोनॉमिक, समझ रहे हो सब लोग साथ में हो मेरे, अरे बोलो, ठीक है। उसके लिए क्या उसने कोई फॉर्मूला बनाया, क्या फॉर्मूला बनाया, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले क्या उठाया उसने, नोपैट को दो पार्ट में डिवाइड किया, टिपिकल फॉर्मेट, और दूसरा, अभी क्लियर एवरीबॉडी, टिपिकल फॉर्मेट कहां से स्टार्ट होता है, लेस इज इक्वल टू लेस
इज इक्वल टू एड। अभी क्लियर याद रहेगा ये? अभी साइड पे आ जाएंगे क्या? एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम को, दूसरा इसको दो पार्ट अकाउंटिंग इकोनॉमिक, तीसरा टैक्स। पहला टैक्स में दो पार्ट प्रोविजन एंड पेड, प्रोविजन को पेड को, नेक्स्ट डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली एड। अभी क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा अब उसके ऊपर आ जाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पांच तरह के, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सब लोग को क्लियर है इधर तक? कोई डाउट किसी को भी? माइनस अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब वो बेसिकली उसका कॉस्ट माइनस करते हैं। उसमें से पहला कॉस्ट क्या है? इक्विटी डिविडेंड। किसका ये? इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस का। अच्छा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, फिर नेक्स्ट बैंक लोन एंड डिबेंचर्स का, समझू एवरीबॉडी? सही है, इंटरेस्ट वन माइनस टी। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा लेने का याद रहेगा? प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या नॉन कैश आइटम हुआ तो उसको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन से ज्यादा हुआ तो, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से ज्यादा हुआ तो, समझू एवरीबॉडी? एकदम दिमाग में मस्त पाई की सेट है, यस और नो? परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक लास्ट जो फॉर्मेलिटी बताया उसको कर लेता हूँ। कैन आई से ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 1495 प्लस 5 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 1512। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, कैन आई से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हैं, हाँ कि ना? उसके लिए भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट है पहले सोर्स लिखने का कि क्या कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है? आइडियली तो अपने पांच होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बैंक लोन, ठीक है? फिर इधर लिखने का अमाउंट, क्या लिखने का? तो जो भी अमाउंट रहेगा। कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में अमाउंट का जरूरत नहीं है क्योंकि वेट्स दे दिया है, बट अगर वो नहीं दिया हो तो अमाउंट लिख के वेट्स कैलकुलेट करने का, अरे हाँ कि ना? फिर उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई करने का, हाँ कि ना? तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ कि ना? ठीक है, कितना वेट्स है इक्विटी शेयर कैपिटल का? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है, इधर देखो बहुत क्लियरली दिया है वो लोग ने कि गियरिंग ऑफ WUS, गियरिंग मतलब कि भाई कितना मेरा कैपिटल यूज हुआ है, इक्विटी कितना परसेंटेज यूज हुआ है, डिबेंचर कहना इसे बेसिकली वो मेरा वेट सी है। सो इधर मैं लिख लेता हूँ 45 एंड 55, समझियो एवरीबॉडी? अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है क्या? इक्विटी का कितना? 1 माइनस टी, क्यों? इक्विटी डिविडेंड पे इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं देता है। सो इधर मैं लिख दूंगा 14%, समझियो? अच्छा 55% डाउट डेट प्री टैक्स है, अपने को क्या करना है? तो यहाँ पे अपन लोग करेंगे भाई 6 माइनस 30%, कितना आ जाएगा? 0.42% मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है, फाइनल बता दो, WACC कितना आ रहा है? 8.61%। अभी क्लियर एवरीबॉडी? क्या ना इससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 8.61% से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कि ना? और फिर नोपैट माइनस ये जो भी आएगा, क्लियर एवरीबॉडी? चलो डन एंड डस्टेड विद EVA। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? यस सर, हाँ। तो एक अच्छा यहाँ पे जो डाउट है वो मैं बता देता हूं उसके बारे में कि बिकॉज ये ऑडिटेड अकाउंट है, तो ऑडिटेड अकाउंट में तो EVA का एडजस्टमेंट नहीं आता है, इसलिए अपने को वैसे भी ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर ये फर्स्ट ईयर है तो भी अपने को ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पर अगर वो एडजस्टेड EVA वाला कैपिटल एम्प्लॉयड दे दे तो फिर ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग के नोट के ऊपर आ जाओ, बराबर तुम लोग के नोट के ऊपर आ जाओ। अब अगर तुम लोग EVA का नोट ओपन करोगे ना, फर्स्ट पेज ओपन करोगे ना, तो तुम लोग को ये दिखेगा, देखो ये दिखेगा, दिखाइए, फर्स्ट पेज ओपन करो तो ये वाली चीजें दिखेगी तुम्हारे को, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड दिखा या। अब मेरे हिसाब से सारे एडजस्टमेंट हो गए, फटाफट अपन लोग खाली इसको देख लेते हैं। तो EVA क्यों
क्यों अपन लोग कैलकुलेट करते हैं? सो दैट कंपनी कैन डिसाइड कंपनी इज जनरेटिंग और डिस्ट्रॉइंग द वेल्थ इन रियल टर्म, हाँ कि ना? अरे उसी के लिए सर ने छोटे बनाया ना भाई। अरे बोलो, उसके नीचे मेजर्ड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस सीओसी, मतलब बेसिकली इसका फॉर्मूला दिया है। क्या क्लियर है अपने को फॉर्मूला? उसके नीचे देखो पॉइंट थ्री कैपिटल माइंड दिया है कि अगर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा तो इंटरेस्ट वन माइनस सी ऐड करना है, याद है क्या अपने को? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, याद है? नॉन कैश आइटम एड, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, तो यही सब चीजें दी है। अक्रूड टैक्स रहेगा तो ऐड बैक, टैक्स पेड रहेगा तो डिफर एक्सपेंडिचर रहेगा तो ऐड बैक, प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट जो भी रहेगा उसको ऐड बैक करना है, यही सारी चीजें दी है। क्या याद रहेंगी अपने को? बाकी जो ईबीए का टिपिकल जो फॉर्मेट है वो भी तुम लोगों के साथ डिस्कस हो गया है। अब छोटा सा यहाँ पे पार्ट है हाउ टू इंक्रीज ईबीए, जो थ्योरी के लिए आता है वो ये तुम लोगों को मैं करवा देता हूँ। क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ टू इंक्रीज ईबीए। अब जब ये आईसीएआई का तुम लोग मॉड्यूल ओपन करोगे ना तो वो लोग ने इसको बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में दिया है जिसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे हाउ टू इंक्रीज ईबीए में उसने बोला है तीन चीजों का ध्यान रखना है। मुझे बताओ पहले ईबीए का फॉर्मेट क्या है? नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी। तो कह रहे हैं दो पार्ट है उसके, एक नोपैट का पार्ट है और एक कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट है, हाँ कि ना? मुझे बोलो ने क्या जवाब दिया पता है क्या? हाउ टू इंक्रीज ईबीए में बोला है ऐसा कि नोपैट है कैपिटल एम्प्लॉयड है, या तो तुम नोपैट को एज इट इज रखो, कैपिटल एम्प्लॉयड को कम कर दो तो क्या ईबीए बढ़ेगा? या तो तुम नोपैट को बढ़ा दो, कैपिटल एम्प्लॉयड को एज इट इज रख दो क्या तो क्या ईबीए बढ़ेगा? या तो तुम दोनों को बढ़ने दो बट नोपैट का रेट ज्यादा होना चाहिए तो ईबीए बढ़ेगा। वापस से बताऊंगे क्या कैसे बढ़ाओगे ईबीए। दो एस्पेक्ट है, क्या है दो एस्पेक्ट? नोपैट एंड, अच्छा क्या करोगे कैसे बढ़ाओगे आप मुझे बताओ। एक सर, हाँ कैसे बढ़ाओगे? नोपैट है और बराबर है, क्या करोगे? पहला नोपैट एज इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, समझ में आया? दूसरा नोपैट बढ़ाओ कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा दोनों बढ़ाओ बट समझू एवरीबॉडी, किसी को कोई भी इसमें कोई डाउट? कैन आई से विद दिस ईवीए पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो गया, यस और नो? So with this we complete EVA thoroughly including the theory as well. Everybody clear? दिमाग में सेट है क्या? आप लोग को अभी रट्टा मारना पड़ेगा या याद रहेगा पूरा का पूरा? बुक बंद करने के बाद करो, देख क्या रहे हो मेरे को? बुक बंद सब लोग का, किसी का भी बुक खुला है क्या? क्या अब ताकत है तुम लोग में? पूरा का पूरा जो पूछूंगा उसका जवाब आना चाहिए। चलो आओ आ देखिए जरा किसमें कितना है दम, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन लोग? कौन सा चैप्टर कर रहे अपन? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। हाँ भाई, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन किसके लिए कर रहे अपन? जोर से आवाज आना चाहिए, कंपनी एंड एम्प्लॉइज के लिए, हाँ कि ना? इंस्टीट्यूट ने बोला दो पर्सपेक्टिव से देखने का, क्या? बराबर, फाइनेंशियल एंड उसके अंदर फाइनेंशियल के ऊपर फोकस रख के तीन एस्पेक्ट है, क्या है उसमें अभी फिलहाल अपना फोकस? ईवीए का फुल फॉर्म एवरीबॉडी, क्या ईवीए का फॉर्मूला पता है? नहीं, उसके पहले ईवीए किसने बनाया उसको क्या कैलकुलेट करना था? कैन आई से ट्रू इकोनॉमिक कैश प्रॉफिट? क्या मेरे को ईवीए का फॉर्मूला बताओगे? बताओ। ठीक है, उसमें अपन लोग सबसे पहले किसको पिकअप करेंगे? नोपैट को दो पार्ट में डिवाइड करो, टिपिकल फॉर्मेट, और दूसरा एडजस्टमेंट। क्या फॉर्मेट याद है? स्टार्ट करो, पहला लेस इज इक्वल टू लेस इज इक्वल टू एड, क्या ये याद रहेगा? ओके, अभी अपन लोग एडजस्टमेंट पे आते हैं। पहला एडजस्टमेंट नॉन कैश, नॉन कैश आइटम को क्या करेंगे? दूसरा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन में दो पार्ट,
ध्यान किधर था तेरा? एवरीबॉडी, डेप्रिसिएशन में दो पार्ट क्या? अकाउंटिंग को, इकोनॉमिक को. तीसरा, टैक्सेस में दो पार्ट, प्रोविजन को, पेड को. फोर्थ, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को. फुल्ली आए अभी, क्लियर एवरीवन? कैपिटल एम्प्लॉयड में पांच पार्ट, बैंक लोन, डिवेंचर, प्रेफरेंशियल कैपिटल. अच्छा, इनका कॉस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का कॉस्ट, प्रेफरेंशियल कैपिटल का, बैंक लोन और डिवेंचर का. क्लियर है इधर तक सब लोग साथ में? डन. अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा वाला लेते हो? अगर कोई पुराना पीएफ डीडी और मेरा कैश, नॉन कैश एक्सपेंडिचर वो सब रहेगा तो किसमें ऐड करूंगा? अगर मेरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज मोर देन इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन तो, ओके, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन इज मोर देन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो. क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? इधर तक कैन आई से ईवीए डन है? अच्छा, ईवीए अगर मेरे को बढ़ाना हो तो उसमें दो एस्पेक्ट होता है, नोपैट और. पहला में मैं नोपैट को एज इट इज रखता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड को कम. दूसरे में नोपैट को बढ़ाता हूं, एम्प्लॉयड को एज इट इज. तीसरे में दोनों बढ़ेगा बट नोपैट एट अ हायर रेट. यस और नो? इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना पूरा का पूरा ईवीए. समझो एवरीबॉडी? अरे यस और नो? यस सर. डन डन डन. हां भाई, इसी के साथ अपना कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म होता है? बोलो बोलो, चल चल. ईवीए, देखो अभी अपने अपन कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में हमें ईवीए है, आरओआई है, आरआई है, परफॉर्मेंस पिरामिड है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, नाम तो सुना होगा, बैलेंस स्कोर कार्ड है, ट्रिपल बॉटम लाइन है, परफॉर्मेंस प्रिज्म है. हाँ कि ना? अपना है ना, कुछ बात हुआ है, मैंने कुछ चैलेंज दिया है. क्या चैलेंज दिया है? एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा. यस और नो? क्या नहीं से उसमें से ईवीए का चैलेंज अभी तक एक्सेप्टेड है? यस यस यस. अब अपन लोग आ रहे हैं सेकेंड चैलेंज के ऊपर, विच इज परफॉर्मेंस पिरामिड. किसके ऊपर आ रहे अपन लोग? ठीक है, याद है आप लोगों को फॉर्मेट? हाँ या ना? हाँ तो फिर तो आगे बढ़ते. फॉर्मेट याद है तो बोलो बोलो एकदम ऐसे दिमाग में. चलो मैं स्टार्ट करवाता हूं फॉर्मेट को, और ऐसे तरह से अपन लोग करेंगे कि कभी अपन लोग उसको भूले ना. ध्यान से. सो जिसने ये परफॉर्मेंस पिरामिड बनाया उसके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं आप लोग को बताता हूं. जिसने ये परफॉर्मेंस पिरामिड बनाया उसने क्या सोचा कि यार किसी भी कंपनी को आगे बढ़ना है, कोई भी धंधा क्यों करता है? देखो मेरा चाय ठंडा हो गया तुम लोग के बात के चक्कर में. किसी ने याद ही नहीं दिलाया, किसी ने याद ही नहीं दिलाया कि सर चाय भी तो पी लो. चलो चलो इधर देखो, मैंने चाय सोच के पिया, निकला कॉफी. सब चलता है. इधर देखो, अब अपन लोग कर रहे हैं परफॉर्मेंस पिरामिड. क्या कर रहे हैं अपन लोग? परफॉर्मेंस पिरामिड जिसने बनाया उसने बोला कि भाई अगर किसी भी कंपनी को लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसके लिए है कस्टमर. कौन है? कैन आई से कस्टमर इज द किंग? ये सब जगह अपन लोग ने पढ़ा भी है, हाँ कि ना? तो उसने भी यही बोला कि यार कस्टमर इज द किंग, मेन गेम पूरा का पूरा कस्टमर के हाथ में है. किसके हाथ में है? तो इसके लिए कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. बट वो कस्टमर को मैनेज करता कौन है? एम्प्लॉई. कौन मैनेज कर रहा है? अगर एम्प्लॉई आपकी कंपनी का खुश नहीं है देन इन दैट केस आप मुझे बताओ क्या कस्टमर खुश रह सकता है क्या? क्यों? क्या नहीं से एम्प्लॉई तो कस्टमर के साथ डील करने वाला है, हाँ कि ना? सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन लोग एम्प्लॉय का भी उतना ही फोकस करें उसके ऊपर भी. यस और नो? सो परफॉर्मेंस पिरामिड जिसने बनाया उसने बोला दो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला है कस्टमर, दूसरा एवरीबॉडी. पहला है, दूसरा जो कस्टमर है वो अंदर का आदमी है कि बाहर का आदमी है? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल पार्टी. को क्या बोलते हैं उसको? बट जो एम्प्लॉई है वो अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस. ठीक है, कोई भी कस्टमर को क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए, वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. अरे हाँ कि ना?
आज अगर मैं भी कोई मोबाइल लेता हूँ देन इन दैट केस मुझे एक ही चीज चाहिए यार, एकदम अच्छा हो, स्टडी हो, कभी खराब ना हो, पानी भी जाए तो प्रॉब्लम ना हो। अरे हाँ कि ना, वैसे ही कोई सर्विस भी प्रोवाइड करता है तो लगता है कि यार अच्छा सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए। फॉर मी, मेरा पर्सनली मानना है, क्वालिटी का मतलब होता है गिविंग द कस्टमर मोर देन व्हाट ही एक्सपेक्ट्स। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गिविंग द कस्टमर मोर देन दी एक्सपेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आज का सेशन खत्म हो गया, उसके बाद अगर आपको पूछा किसी ने कैसा था लेक्चर, अगर आपने बोला कि अच्छा था, देन इन दैट केस मैं बोलेगा क्वालिटी नहीं दिया मैंने। अगर आप बाहर जाके बोलोगे लय भारी, क्या लेक्चर था, एक नंबर, मजा आ गया, तब मैं बोलूंगा कि हाँ यार क्वालिटी दिया है। समझ में आया? तो क्वालिटी इज गिविंग द कस्टमर मोर देन व्हाट ही एक्सपेक्ट्स। ठीक है, सो अब कस्टमर को क्या चाहिए? अरे बोलो, क्वालिटी। दूसरा, आज की तारीख में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑन टाइम डिलीवरी। क्या इंपॉर्टेंट है? नाउ Amazon वर्ल्ड की सबसे वैल्यूड कंपनी क्यों बनी? फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज उसने वन डे डिलीवरी चालू किया एंड एट द सेम टाइम वन डे रिटर्न का भी पॉलिसी है वो लोग में, आके ना। अरे बोलो, यस yes. आज की तारीख में इंडिया की सारी एयरलाइन स्ट्रगल कर रही है, बट देर इज ओनली वन एयरलाइन विच इज एट द टॉप अर्निंग प्रॉफिट। कौन? इंडिगो। क्यों? क्योंकि इंडिगो का यूएसपी है क्या? ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ पैसेंजर्स। मैं अभी तो, मेरा तो इंडिया टूर खत्म हो रहा है आज, और मैं तो बॉम्बे से पुणे तो गाड़ी में आया हूं, बट इसके अलावा जहां भी गया, से दिल्ली, जयपुर, तो मैं पहले दिल्ली गया, दिल्ली से एक्चुअली बॉम्बे वापस आया, फिर जयपुर गया था, एंड देन फिर वापस आया, फिर कैलकाटा गया, फिर इंदौर, इंदौर से अहमदाबाद एंड हैदराबाद, फिर बॉम्बे, फिर वापस पुणे। लास्ट 20 दिन में मैंने कम से कम 10 फ्लाइट तो लिया ही है, कम से कम 10 फ्लाइट। तो इट्स ओके, तुम लोग को ये सब पता नहीं होगा, फ्लाइट तुम लोग चले आर्टिकल क्लब, तुम लोग को क्या पता होगा? पता है फ्लाइट क्या होता है? उड़े हो क्या कभी खुद के पैसों से? वो किसके पैसों से उड़े हो मुझे पता है, बस बुलवाओ मत मेरे मुंह से, यू हाँ समझे। तो अब मैंने एक चीज नोट की यार, जब भी मुझे कोई फ्लाइट लेनी पड़ती थी ना, बाय डिफॉल्ट भले 400-500 वो एक्स्ट्रा लेता था, बट मैं है ना इंडिगो ही चूज करता था। अहमदाबाद में तो यू नॉट बिलीव, मेरा 9 o'clock को सेशन था, मॉर्निंग 7 o'clock मैंने बॉम्बे से फ्लाइट लिया, 8:30 आई हैड टू लैंड एंड 9 o'clock आई हैड टू स्टार्ट, इतना कट टू कट था, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इंडिगो है तो टाइम पे पहुंचा देगा, एंड इट वॉज ऑलवेज, 10 बार मैंने इंडिगो का फ्लाइट लिया है, ऑलवेज इंडिगो ने ऑन टाइम पहुंचाया, मतलब सुपर प्रिसीजन। सो कैन आई से अब मैं नेक्स्ट टाइम कौन सा बुक करूंगा? बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कैन आई से एज अ कस्टमर आई एम सेटिस्फाइड, एंड ये ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ से ही चीजें फैलती है, हाँ कि ना। कल उठ के आप लोग को भी कहीं पे जाना हुआ, आप लोग भी बाय डिफॉल्ट कौन सा सोचोगे? क्योंकि आप लोग को याद आएगा कि अरे यार संकल्प सर ने खुद ने यूज किया, एक्सपीरियंस किया है, हम लोग भी उसी को यूज कर सकते हैं। अरे बोलो, अरे बोल नहीं, मैं उसका कोई शेयर होल्डर नहीं हूँ या नहीं उसका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में अपने को बोलना चाहिए। सो एज अ कस्टमर मुझे चाहिए क्वालिटी एंड मुझे चाहिए, बोलो, ऑन टाइम डिलीवरी के लिए दो एग्जाम्पल दिया है Amazon और दूसरा कहना इसे, अगर मेरे को क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी मिला, जैसे इंडिगो से मुझे ऑन टाइम डिलीवरी मिला, इट विल रिजल्ट इन टू कस्टमर। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो कहना इसे वो और भी लोगों को बताएगा, और भी लोग बताएंगे तो और भी लोग उसी चीज को यूज करेंगे, आके ना, तो उससे उस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा ना। अरे हाँ कि ना, समझ रहे हो कनेक्शन? परफॉर्मेंस पिरामिड ने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन है? कस्टमर बाहर का है कि अंदर का है? उसको क्या बोलेंगे? कस्टमर को दो चीज चाहिए, जोर से बोलो, क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी, हाँ कि ना। अगर उसको ये दो मिल गया तो कस्टमर, विच विल रिजल्ट इन टू योर कंपनीज मार्केट शेयर इंक्रीज। हाँ भी अभी क्लियर। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं, दूसरा एस्पेक्ट कौन है? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर वो इंडिगो टाइम पे पहुंचाना है, कस्टमर खुश करना है, तो उसके एम्प्लॉय को ऑन द टोज रहना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा 7 बजे का फ्लाइट उठने का टाइम है ना, तो 6:30 बजे वो लोग चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके लिए उतने एम्प्लॉयज को भी तो ऑन द टोज रहना पड़ेगा, हाँ कि ना। क्या वो लोग वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे तो चलेगा क्या? तो इसके लिए बोला है कि अब एम्प्लॉयज को भी उतना ही ध्यान रखना है। पहला चीज बोला है, देयर शुड नॉट बी एनी वेस्ट ऑफ टाइम और रिसोर्सेज, एनी वेस्ट ऑफ,
अभी अभी कनेक्टिंग थिंग्स यस और नो. सो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. आप लोग भी कहीं पे अभी आर्टिकल शिप करते हो तो आप लोग का अगर अभी समझो आप लोग उधर फेसबुक व्हाट्सएप पे टाइम पास कर रहे हो अच्छा लगेगा क्या आपके सीनियर को. अभी आप लोग तो थर्ड ईयर आर्टिकल सीनियर लेवल पे हो. फर्स्ट ईयर आर्टिकल कोई आया वो मोबाइल पे टाइम पास कर रहा है अच्छा लगेगा क्या आपको. कोई भी कहीं पे भी वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज होगा अच्छा या बुरा. सो वेस्ट ऑफ टाइम और रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज एट द मैक्सिमम. एम आई क्लियर एवरीवन. दूसरा चीज वो लोग ने बोला कि कोई भी काम में एफिशिएंसी लाओ. कोई भी काम में मतलब साइकिल टाइम को रिड्यूस करना है किसको. अब साइकिल टाइम है ना दो तरह का होता है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए और एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए. मैं हर चीज दोनों इंडस्ट्री से बता रहा हूं. अब यहां पे साइकिल टाइम का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है वो कम होते जाना चाहिए. अगर मैं एक पहले एक मोबाइल बनाने के लिए 10 दिन लग रहा है अब मैं वो सेम मोबाइल 5 दिन में बनाना चाहिए तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ. क्यों कम टाइम में सेम प्रोडक्ट बना रहा हूं तो वही 10 दिन में मैं दो मोबाइल बना पाऊंगा जो पहले एक बना पा रहा था. अरे हाँ कि ना. गुड और बैड उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना. उसको बोलते हैं सेम वे साइकिल टाइम. अगर अमेजोन रिड्यूस करे पहले अगर आपने ऑर्डर किया अमेजोन को अमेजोन से तो आपको आने को 5 दिन लगा आपका पार्सल आने को अब 3 दिन में आया नेक्स्ट टाइम. गुड और बैड तो साइकिल टाइम बड़ा या कम हुआ. सो यू वॉन्ट द साइकिल टाइम टू इंक्रीज और डिक्रीज. वेस्ट ऑफ टाइम यू वॉन्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज. ये एक्सपेक्टेशन किसके पास से है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. कनेक्शन बैठ रहा है तो अगर उसने वेस्ट ऑफ टाइम अगर उसने साइकिल टाइम रिड्यूस किया तो कैन आई से कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा. कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ा मतलब कैन आई से ओवरऑल कॉस्ट कम हो गया तो कैन आई से फाइनेंशियली आप और स्ट्रांग हो जाओगे. बोलो यार. अगर आपका मार्केट शेयर अच्छा हो गया अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए तो कैन आई से एंड ऑफ द डे हर कंपनी को यही तो चाहिए. उसको कहते हैं कॉर्पोरेट विजन. उसको क्या कहते हैं. कब कंपनी अपना कॉर्पोरेट विजन अचीव कर लेगी जब वो मार्केट शेयर भी बढ़ जाएगा उसका फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएगी अच्छी हो जाएगी हाँ कि ना. तो कैन आई से यहां पे अगर मेरे को वापस से आ जाओ दो एस्पेक्ट पे ध्यान देना है. सबसे पहला एस्पेक्ट कस्टमर अंदर का है कि बाहर का है उसको क्या बोलेंगे. उसको दो चीज चाहिए एवरीबॉडी. अगर उसको क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी मिला तो कस्टमर विल बी. अगर कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो आर यू अंडरस्टैंडिंग. दूसरा कौन है दूसरा एस्पेक्ट. एम्प्लॉय अंदर का है कि बाहर का है. कैन आई से इंटरनल आदमी है सर नो. उसके पास से दो चीज एक्सपेक्टेड है वेस्ट एंड बराबर है. वेस्ट एंड साइकिल टाइम बढ़ाना है कि कम करना है. ये साइकिल टाइम क्या होता है. कोई भी कैन आई से टाइम टेकन टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट बढ़ाना है कि कम करना है. अगर ये मैंने वेस्ट रिड्यूस किया साइकिल टाइम रिड्यूस किया तो क्या बढ़ जाएगा. अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो कॉस्ट कम तो सो कैन आई से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गया मार्केट शेयर आ गया मतलब आई एम एबल टू रीच टू माय आर वी अंडरस्टैंडिंग टिल हियर. ये सब होते हुए भी दो कंपनीज है जो डूब गई. पहली कंपनी का नाम है नोकिया. नाम तो सुना होगा. क्या कंपनी नोकिया का मार्केट शेयर कम था क्या. नोकिया का 45% ग्लोबल मार्केट शेयर था. मैं बोलता हूं लोगों का खाली रीजनल भी 45% मार्केट शेयर होता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है. पुणे में तुम लोग कोई लोकल क्राउड होगा तो कोई तो चीज होगा ना जिसका काफी बड़ा मार्केट शेयर होगा जैसे चितले बंधु या व्हाटएवर. तो कहने से उनका बहुत बड़ा 45% मार्केट शेयर मतलब बड़ी बात की बहुत बड़ी बात. सोचो इनका ग्लोबल मार्केट शेयर था 45% बट फिर भी कंपनी खत्म हो गई. हाँ कि ना. नोकिया ना फिनलैंड की कंपनी है. कहाँ की कंपनी है. एंड फिनलैंड कंपनीज आर कॉल्ड एज फिनिश कंपनीज. क्या बोलते हैं. एंड नोकिया गॉट. भावनाओं को समझ रहे तुम लोग. दिल पे लगा रहा थोड़ा. गुड गुड समझ में आया. क्या नोकिया के पास पैसों की कमी थी. तो कहना इसे फाइनेंशियली स्टेबल एंड स्ट्रांग. क्या नोकिया के पास मार्केट शेयर की कमी थी. कैन आई से स्टेबल एंड स्ट्रांग. हाँ कि ना. फिर भी कंपनी डूब गया बिकॉज एक एस्पेक्ट जो बीच में था उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाया जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब चेंजिंग विद चेंजिंग टाइम. क्या बोला. जब नोकिया जब एप्पल अपना iOS लेकर आया और कैन आई से उसने लॉन्च कर दिया स्मार्टफोन
तब सैमसंग एंड्रॉइड के साथ आया और उसने अपना लॉन्च कर दिया स्मार्टफोन, तब नोकिया ये सब के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था. एंड इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years कंपनी वॉज फिनिश. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाखा, चेंजिंग विद चेंजिंग टाइम्स, वॉज नॉट एबल टू एक्सपेरिमेंट एंड कंपनी खत्म. सेकेंड कंपनी का नाम है कोडैक. क्या नाम है? आप लोग के किसी के भी पेरेंट्स को जाके आप लोग पूछ रहे कि उन्होंने जब भी फोटो जो भी लिया है, जो भी थोड़ा बहुत फोटोज है उनके पास, किस कौन से कैमरा पे लिया है, वो रोल किसका है. ऐसा क्या हो गया कि एक जनरेशन में पूरा काया पलट. एक जनरेशन पहले ना तुम्हारे पेरेंट्स, मतलब एक जनरेशन पहले मेरे पेरेंट्स, एक जनरेशन पहले, हाँ कि ना, एवरीबॉडी सिटिंग हियर, हाँ, एक एक बच्चे के मैं बोल रहा हूं पेरेंट्स ने जो भी फोटो खींचा है, किससे खींचा है. आज अपने को आइडिया भी है कोडैक का क्या हाल है. Why does in one generation पूरा का पूरा कंपनी having more than 50% global market share, having more than crores of financial stability is over because बीच का चीज भूल गए. क्या है वो बीच का चीज? Changing with changing times, बराबर. Nokia और क्या अपना Canon आया, Nikon आया, digital camera लाया, Kodak digital camera लाया, क्या game over, टाटा bye bye. तो इसके लिए can I say बीच का flexibility important है. मेरे घर में से वो ब्रिक बीच का कोई निकाल देगा ना, पूरा घर टूट जाएगा. नोकिया और कोडैक के साथ हुआ ये थी. तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जांपल है. क्या याद रहेगा? इसके मेरे सारे एग्जांपल याद रहेंगे. क्या अभी तुम लोग लॉजिकली परफॉर्मेंस पिरामिड बनाओगे या रट्टा मार के? क्लियर है? स्टार्ट करेंगे पूरा, अभी पूरा बनाना. यस एवरीबॉडी, चलो स्टार्ट करते हैं. परफॉर्मेंस पिरामिड जिसने बनाया उसने बोला कि दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन? कस्टमर एंड एम्प्लॉई. अच्छा, कस्टमर कहां का है? बाहर का, एक्सटर्नल. यस एवरीबॉडी, उसको क्या चाहिए? क्वालिटी एंड, अगर उसको क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी मिला तो कस्टमर क्या हो जाएगा? कस्टमर अगर सेटिस्फाई हो गया तो अभी क्लियर एवरीबॉडी. इधर आते हैं, कौन है? एम्प्लॉई है. यस और नो, नेक्स्ट आदमी कौन है मेरा? एम्प्लॉई इंटरनल आदमी है. उससे दो एक्सपेक्टेशन है, क्या? रिड्यूस कर वेस्ट एंड साइकिल टाइम, मतलब टाइम टेकन टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. सर्विस इंडस्ट्री के लिए टाइम टेकन टू डिलीवर अ पर्टिकुलर सर्विस. अरे यस और नो, अगर मेरा साइकिल टाइम और मेरा वेस्ट रिड्यूस हो गया तो इससे क्या बढ़ेगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, मतलब कहना इसे ओवरऑल कॉस्ट कम हो गया. कॉस्ट कम हो गया मतलब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूं, मार्केट शेयर है, आई हैव रीच टू माय. बट ये सब में बीच में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अभी क्लियर. क्या फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल याद रहेगा? कौन? ऑन टाइम डिलीवरी का याद रहेगा? कौन? क्लियर एवरीबॉडी? अब मुझे बताओ, रट्टा मारा या दिमाग में सेट हो गया है? अब अगर समझो सीधा एग्जाम है मई में, और तुम लोग को एग्जाम में ही डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया और तुम लोग ये रिवाइज करने भूल गए आज के बाद, तो भी क्या अटेम्प्ट कर पाओगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ? क्या परफॉर्मेंस पिरामिड आपको ओपन रखना पड़ेगा मैडम के जैसा कि क्लोज पूरा? आर वी क्लियर एवरीबॉडी? क्या खुद से अभी बना लेंगे अपन लोग? दो मिनट मेरे को दो, इधर मैं बना लेता हूं और फिर बाद में तुम लोग बनाओगे. तो परफॉर्मेंस कौन सा बना रहे अपन लोग? परफॉर्मेंस पिरामिड कैफा दिखता है अपने को, कहना इसे ऐफा दिखता है क्या? यस, ऐफा दिखता है. अब सबसे दो एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट कौन है उसमें बोलो? कस्टमर अंदर का कि बाहर का? अच्छा, इसको दो चीज चाहिए, क्या? क्वालिटी और, अगर ये दोनों चीज मिल गई तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, तो मार्केट शेयर मिल जाएगा. समझे क्या? ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे कौन है? एम्प्लॉई को क्या चाहिए बोलो? वो इंटरनल आदमी है, उसको उससे अपने को क्या रिड्यूस करवाना है? वेस्ट एंड साइकिल टाइम कम कराना है, तो उससे क्या बढ़ेगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो कहना इसे ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो फाइनेंशियली स्टेबल. अगर मार्केट शेयर भी आ गया, फाइनेंशियली स्टेबल भी आ गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये सब के बीच में कौन है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, अगर मैं आप लोग को दो मिनट दूं और बोलूं कि पूरा का पूरा बना लो, बना लोगे कॉपी करके या विदाउट? लाइट्स कैमरा रोलिंग स्टार्ट एवरीबॉडी. आप
जो देख रहे हैं फटाफट अपनी बुक में बनाइए, कम ऑन एवरीवन स्टार्ट, और मुझे कंफर्म करो कमेंट्स के थ्रू वेदर यू वर एबल टू मेक इट और नॉट। और अब जिस हिसाब से हुआ है क्या एग्जाम में भूलोगे आप? मालूम है एग्जाम में अपने को कई बार वो होता है इंटरकनेक्शन प्रिज्म का, इसमें इसका उसमें, अब वो सब चीजें नहीं होना चाहिए, लॉजिकली आप लोग बना रहे हो इसलिए। ओके देन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पे जाने के पहले अपन ने क्या किया था? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में दो एस्पेक्ट अपने हो गए, क्या है वो दो एस्पेक्ट? ईवीए, ईवीए का फुल फॉर्म क्या? दिमाग में एकदम सेट है पूरा फॉर्मेट। और दूसरा परफॉर्मेंस पिरामिड तो अभी किया है, तो वो तो दिमाग में हो गई तुम लोग के, तो अभी का अभी पूछूंगा तो क्या फायदा, शाम को 7 बजे पूछूंगा जब तुम लोग निकल रहे होगे तब पता चलेगा कि याद रहेगा कि नहीं। अभी तो मुझे बोले हो ना एंड तक याद रहेगा, इनफैक्ट एग्जाम के दिन सीधा बुक खोला तो भी याद रहेगा, देखते हैं ठीक है। और अगर कभी अचानक से तुम्हारे घर पे आ गया तो नींद में से उठा के तुम्हारे को बोला तेरा एड्रेस है मेरे पास, आ जाऊंगा उठाऊंगा बोलूंगा चल ईवीए बोल, बोल पाएगी ना पक्का नींद में भी एवरीबॉडी? चलो ठीक है डन। नाउ आफ्टर परफॉर्मेंस पिरामिड एंड ईवीए अब अपन लोग चल रहे हैं और एक थियोरेटिकल बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है BBM, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। क्या रे क्या नाम है उसका? चलो अब ध्यान से समझना क्या एग्जैक्टली है ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। एवरीबॉडी क्या कर रहे हैं अपन लोग? ऑलराइट नाउ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कहां पे स्टार्ट हुआ पता है? ये स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ये स्टार्ट हुआ कहां पे? सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए, किसके लिए? तो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री क्या ना, इसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में ही काम करता है। तो ये जो फिट्ज़गेराल्ड एंड मून ने जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बनाया ना, ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया जो सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में। कौन सी इंडस्ट्री में? ऑलराइट सो अब इसको अपने आर्टिकलशिप लाइफ के लिए यूज करने की बारी आ गई है। सो अब अपन लोग बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यूज करने वाले हैं एक एग्जाम्पल लेके, एंड द एग्जाम्पल इज ऑफ आर्टिकलशिप। एग्जाम्पल क्या है? ऑलराइट सो अब ये जो आर्टिकलशिप का एग्जाम्पल है, ये जो आर्टिकलशिप का एग्जाम्पल है उसको ध्यान में रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप लोग आर्टिकलशिप के लिए जाते हो तो जो आप लोग का फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट डे होता है, उस दिन आप लोग को कोई बोलेगा कि जाओ सीधा जाके स्क्रूटिनी करके आओ, तो आप जाके स्क्रूटिनी करके आ पाओगे? या आपको बोलेगा जा जाके डिपार्टमेंट का एक केस सॉल्व करके या टैक्स ऑडिट का, कर पाओगे क्या? तो कहना इसे फर्स्ट ईयर में ऐसा काम देना चाहिए जिसका ट्रेनिंग मिला हो अपने को, जो अपने को आता हो, हाँ कि ना? जैसे थोड़ा बहुत वाउचिंग वेरिफिकेशन का ट्रेनिंग देना चाहिए, अरे बोलो, और फिर वही करवाना चाहिए एटलीस्ट इनिशियल 6-8 मंथ्स, यस और नो? बोलो। बट अगर सीधा वो लोग ने भेज दिया, बोला कि जाओ जाके टैक्स ऑडिट करके आओ, फर्स्ट डे पे जाके डिपार्टमेंट के पास जाके आओ, स्क्रूटिनी करके आओ, अपन लोग जाएंगे कर नहीं पाएंगे बराबर, करके नहीं आएंगे, फिर बाद में सुनो अपने सीनियर के पास से कुछ बराबर से काम नहीं करता है, ढंग का काम नहीं आता है, अरे बट इसमें हमारा गलती है क्या? अरे बोलो। तो अपने को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? कैन आई से एटलीस्ट आर्टिकलशिप में जो फर्स्ट ईयर है उसमें अपने को ऐसा काम देना चाहिए जिसका पहले ट्रेनिंग दिया हो, एंड वो आर्टिकल क्लर्क उसको आराम से कर पाए, हाँ कि ना? तो कहना इसे अचीवेबल काम पहले ईयर में कैसा काम देना चाहिए, बराबर है? ओके उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर क्या अभी भी आप लोग को ऐसा अचीवेबल काम चाहिए? अभी आप लोग को और एक्सप्लोर करना है, कहना इसे अभी आप लोग को हाई लेवल का काम करना है, हाँ कि ना? अब भाई वाउचिंग वेरिफिकेशन हो गया है, एक कंपनी का अंडरस्टैंडिंग आ गया है, अब मेरे को उस कंपनी का स्क्रूटिनी करना चाहिए, यस और नो? मेरे को उस कंपनी का टैक्स ऑडिट करना चाहिए, यस और नो? अरे बोलो।
उसको कहेंगे ये सेकेंड एंड थर्ड ईयर में कहेंगे कि ना इसे अब मेरे को ओनरशिप चाहिए मेरे काम का. क्या चाहिए? क्यों ओनरशिप चाहिए? कहना इसे मुझे एक्सप्लोर करना है. अरे बोलो. तो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में क्या एक्सपेक्टेशन है? ओनरशिप. क्या एक्सपेक्टेशन है? समझू एवरीबॉडी? ठीक है. अब थर्ड एस्पेक्ट, से फॉर एग्जाम्पल ये लोग मेरे आर्टिकल फर्म में, ठीक है, ये जो 6-8 लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये लोग मेरे यहाँ पे आर्टिकल शिप फर्म में काम कर रहे हैं. से आपका नाम क्या है? शिवानी एंड नेहा. तो से फॉर एग्जाम्पल शिवानी एंड नेहा आर्टिकल शिप कर रहे हैं मेरे यहाँ पे. दोनों का ना चीज एक चीज बोल के रखा है दोनों ने, सर मेरा है ना सुबह 7 से 10 क्लास होता है तो मैं ना 11 बजे आऊंगी सर, और हम लोग का है ना सर शाम को 6 से 9 क्लास होता है तो हम लोग 5 बजे निकल जाएंगे. क्या ऐसे किरदार तुम्हारे ऑफिस में भी होते हैं? ओके, तो ये यहाँ पे शिवानी और नेहा ऐसे ही किरदार है. फिर बाद में है हमारे साथ और दो लोग, सायुरी और समकित. तो सायुरी और समकित है दोनों सुबह 8 बजे आ जाते हैं, रात को 11 बजे तक रहते हैं. सुबह 8 से रात को नॉन स्टॉप दे आर वर्किंग. क्या हुआ? तुम लोग यार बड़े ही नटखट हो. थर्ड, इसको नाम बोलने को डर लग रहा है. क्या? त्रिशा सृष्टि. त्रिशा और सृष्टि दोनों सुबह मॉर्निंग का लेक्चर 7 to 10 अटेंड करते हैं, 11 बजे आते हैं और रात को 8 बजे तक दे आर देयर. क्या ना इसे 3 कैटेगरी ऑफ लोग आ गए मेरे यहाँ पे. अब मेरा है सीए फॉर्म, 6 के 6 जन मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं और तीनों के तीनों सेकेंड ईयर आर्टिकल है. तीनों के तीनों कौन है? ये लोग दोनों सुबह कितने बजे आ रहे हैं? 11 बजे. जा कभी रहे? बराबर है. ये लोग दोनों जा कभी रहे? ये लोग दोनों 11 बजे आ रहे हैं. कब जा रहे हैं? नाउ इंसान की प्रवृत्ति है, बराबर है, कि आप इंसान इजिली बिगड़ता है या सुधरता है. कितनी शान से बोल रहे हैं अपन. इजी क्या है, बिगड़ना या सुधरना? ऑब्वियसली बिगड़ना. तो आप मुझे बताओ क्या होगा, क्या यहाँ पे नेहा और शिवानी सुधर के सुबह 8 बजे आके रात को 11 बजे जाना चालू कर देंगे, या फिर सायुरी और संकेत ये लोग टाइम चेंज कर देंगे? क्या लगता है? कहना इससे अरे कुछ जोक मारा मैंने, मुझे भी नहीं पता चला. कहना इससे इट इज ईजी, बिगड़ना आसान होता है. तो ये लोग बोलेंगे सर अभी हम लोग का भी सुबह 7 से 10 क्लास है, हम लोग भी 11 बजे आएंगे, हम लोग का भी शाम को 6 से 9 क्लास है, हम लोग भी 5 बजे निकल जाएंगे, तो क्या अगर ऐसा हुआ तो मेरी कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है? तो कैन आई से इन शॉर्ट, मुझे अगर सेकेंड ईयर आर्टिकल से सबसे इक्वली काम करवाना है तो कैन आई से ये लोग का टाइमिंग भी इक्वल होना चाहिए. सो इसको कहते हैं इक्विटी. क्या कहते हैं इसको? जहां पे बोला है कि बॉस इक्वल काम करवाओ एट सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज. कैसा काम करवाओ? किसके पास से? अरे बोल नहीं रहे, बोलो यार. उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी. क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इक्विटी होना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं हुआ तो क्या ना इसे बैलेंस बिगड़ जाएगा मेरे पूरे फर्म का. जो अच्छा काम कर रहा है वो भी खराब काम करना चालू कर देगा, और जो खराब कर रहा है वो तो एनी विच केस मेरी ऑर्गेनाइजेशन को हर्ट कर रहा है. अरे हाँ कि ना. सो कहने से इक्विटी होना चाहिए काम में. अब मुझे बताओ कि सबसे फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में बहुत डिफिकल्ट काम कर देना चाहिए या बराबर है ट्रेनिंग देके अचीवेबल काम देना चाहिए? यस एवरीबॉडी. सेकेंड एंड थर्ड ईयर में भी वही अचीवेबल काम दूं क्या? कहने से अब आपको एक्सप्लोर करना है तो क्या चाहिए आपको? कहने से काम में क्या चाहिए? थर्ड, जो मेरे जितने भी सेम ईयर के आर्टिकल है या सेम लेवल के एम्प्लॉय है वो लोग के पास कैसा काम? समझू अभी क्लियर एवरीबॉडी. तो कहना इसे अगर ये 3 चीज दे दी तो फिर वो आर्टिकल क्लर्क खुश रहेगा, हाँ कि ना? प्रॉब्लम है ये तीनों में से एक चीज ऊपर नीचे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है ना, तो इसके लिए आपके सब जो स्टैंडर्ड्स है वो आपने सही सेट नहीं किए हुए हैं आर्टिकल क्लर्क के लिए. तो क्या अब आप सही स्टैंडर्ड सेट करोगे? क्या है सही स्टैंडर्ड? पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, ध्यान में रहेगा. तो कहना इसे हमने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए, अभी आप लोग भी ये स्टैंडर्ड सेट करोगे जब आप लोग सीए बनोगे, जब आप लोग के अंडर में भी लोग आर्टिकल लगा कहेंगे अरे हाँ कि ना? बोलो. आइडियली ये जो लेक्चर है ना मेरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का, मुझे तुम लोग के लिए लेना ही नहीं चाहिए,
तुम लोग घर पे जाओ, तुम्हारे तुम लोग के जो प्रिंसिपल है ना वो लोग को भेजो, वो लोग ने पढ़ा होता ना बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, तो आज जो 36 का आंकड़ा है एक आर्टिकल क्लर्क का और प्रिंसिपल का वो होता ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि वो लोग बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो न्यू सिलेबस में आया, वो तो ओल्ड सिलेबस में बन गई है जो है वो है, बोल रहा हूं। बट एटलीस्ट तुम लोग तो अभी यूज करोगे ना, तो सबसे पहला काम तुमको तुम्हारे आर्टिकल फॉर्म के लिए क्या सेट करना है, सीए फॉर्म के लिए आर्टिकल्स के लिए क्या सेट करोगे, स्टैंडर्ड में पहली चीज क्या, अचीवेबल का मतलब इनिशियली कहने से ट्रेनिंग के साथ अचीवेबल काम देना है, हाँ कि ना, तो अचीवेबिलिटी याद रहेगा। दूसरा ओनरशिप मतलब कहने से एक्सप्लोर नाउ गिविंग मोर वर्क एंड बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, यस और नो। थर्ड इक्विटी मतलब कहने से इक्वल लेवल ऑफ वर्क टू सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय, यस और नो, ध्यान में रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने जो आर्टिकल क्लर्क है वो लोग के लिए ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया तो अच्छा या बुरा? क्या आर्टिकल क्लर्क उससे खुश रहेगा? क्यों? क्या ना इसे सब चीज अच्छा हो गया अभी, हाँ कि ना? ठीक है, अब मैं तुम लोग को बोलता हूं कि भाई देखो, तुम लोग को जो चाहिए था वो मैंने तुम लोग को दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, इनिशियली तुम लोग को अचीवेबल काम दे रहा हूं, फिर तुम लोग को अच्छा काम चाहिए तो ओनरशिप दे रहा हूं, काम में इक्विटी भी रख रहा हूं, सो आई थिंक तुम लोग को जो चाहिए वो मैंने दिया। अब क्या ना इसे मैं तुम लोग के पास से चीजें एक्सपेक्ट करूं? बोलते ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, अरे बोलो, बराबर है। तो मैंने तुम्हारे को स्टैंडर्ड सेट किया है, बराबर, अचीवेबल, ओनरशिप, इक्विटी, यस और नो? अब कैन आई से मैं आप लोग के काम कुछ एक्सपेक्ट करूं? अरे क्या एक्सपेक्ट करूं, काम कैसा होना चाहिए? लल्लन टॉप, कैन आई से क्वालिटी वाला, यस और नो? कैसा काम होना चाहिए बोलो? क्लियर है एवरीबॉडी? क्वालिटी मतलब व्हाट, जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है उससे अच्छा अपने को आउटपुट चाहिए, क्वालिटी, बराबर। दूसरा, तुम लोग के लिए स्टैंडर्ड सेट किया है, इक्वल काम दे रहा हूं, अचीवेबल दे रहा हूं, ओनरशिप भी दे रहा हूं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, अब तुम लोग से क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सही जा रहा हूं, सही जा रहा हूं। दूसरा चीज जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई काम में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। क्या रखो काम में थोड़ा? मतलब क्या ना इसे 30 सितंबर जब टैक्स ऑडिट का डेट आया तब प्रेशर बढ़ जाता है अपना आर्टिकल सीए फॉर्म में, आके ना, अगर वो 10-15 दिन तुम लोग से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, करोगे क्या? तो क्या उतना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओगे, हाँ कि ना? दोगे फ्लेक्सिबिलिटी? तो पहला चीज क्या चाहिए मुझे तुमसे? दूसरा, समझो एवरीबॉडी, तीसरा है इनोवेशन। तीसरा क्या है? अब अपन लोग सब लोग का एक आदत होता है, जब अपन आर्टिकलशिप में होते हैं और अपने को कहीं पे ऑडिट करने को जाके बोला तो अपन क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेरी शीट लेते हैं और ये बार एज इट इज छाप लेते हैं। सच्ची सच्ची बोलो, करते हो क्या ऐसा? अच्छी बात है, नहीं करते हो तो तुम लोग ऑलरेडी इनोवेशन यूज कर रहे हो, बहुत होशियार लोग हो। बट जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग को अपन बोलेंगे कि सुनो, काम में थोड़ा इनोवेशन लाओ, काम में थोड़ा इनोवेशन का मतलब होता है नयापन, इनोवेशन का मतलब होता है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो एंश्योर कि उसमें आप लोग कुछ अपना नया फाइंडिंग्स डाल रहे हो, कुछ नया चीज डाल रहे हो, कुछ नया कैलकुलेशन, कुछ नया फाइंडिंग डालोगे कि नहीं डालोगे? जय बात। तो इनोवेशन, आई स्टैंड फॉर, एंड लास्ट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। राज क्या है? अब देखो, रिसोर्स को सही तरीके से यूज करना है, ऐसा नहीं कि भाई मैं यहाँ पे ऐसे, फॉर एग्जांपल तुम्हारे को ताज में आर्टिकल ऑडिट के लिए भेज दिया और ताज में फिर ऑडिट के लिए भेजा तो वहां का खाना फ्री मिल रहा है, तो जज के जगह 15 दिन का उधर ऑडिट के एक्सटेंड कर दिया, सर बहुत काम है, बहुत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो जो रिसोर्सेज दिया है कहना इसे उसको सही तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, हाँ कि ना? सो उसको बोलते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? सो कैन आई से कि मैं आप लोग के लिए पहले स्टैंडर्ड सेट कर दूंगा, करेक्ट? क्या स्टैंडर्ड सेट किया? अचीवेबल, ओनरशिप, इक्विटी, फिर सामने तुम लोग के पास क्या एक्सपेक्ट करूं? रुको रुको, कैन आई से QFIR एक्सपेक्ट करूं? क्या एक्सपेक्ट करूं एवरीबॉडी, क्या एक्सपेक्ट करूं? क्यू स्टैंड फॉर, एफ फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल, टैक्स ऑडिट के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क एक्सपेक्टेशन, हाँ कि ना? अच्छा, आई आर अभी क्लियर एवरीबॉडी? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, समझ में आ गया? तो तुम लोग ने पहले, हमने स्टैंडर्ड सेट किया, स्टैंडर्ड में क्या सेट किया हम लोग ने? अचीवेबिलिटी, फिर क्लियर है, अब ये हो गया सामने एक्सपेक्टेशन,
QFIR. Q stands for F I R. क्लियर? इधर तक किसी को कोई भी शक, कोई भी डाउट? क्या? तो ये हो गया मेरा QFIR. ये क्या हो गया मेरा? डन. तो ये चीज क्लियर हो गई. अब मेरे को बताओ मेरा सीए फॉर्म है. किसका सीए फॉर्म है? मैंने स्टैंडर्ड सेट किया. अरे बोलो. अचीवेबिलिटी, ओनरशिप और इक्विटी का. ठीक है. जैसे ही मैंने ये सेट किया, तुम लोग खुश हो गए. जब तुम लोग खुश हो गए तो तुम लोग अच्छा काम करोगे. तो तुम लोग ने कैसा काम करके दिया? QFIR जैसा काम करके दिया. अच्छा, QFIR काम करके दोगे तो मेरे को बताओ इससे क्लाइंट खुश होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसको तो यही चाहिए, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन उसके काम में आके ना. तो वो खुश हो गया. अगर क्लाइंट खुश होगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? तुम्हारे को कि मेरे को? क्यों? तुम्हारे को तो मिलने वाला है आर्टिकल शिप का 2000 का स्टाइपेंड. पर कहना इसे मैं मेरी फीस बढ़वा दूंगा. मैं बोलूंगा क्लाइंट देख तेरे को QFIR दिया है. अरे हाँ कि ना? तो कहना इसे अब ये QFIR के बाद मुझे फायदा हो जाएगा और क्लाइंट को भी फायदा हो जाएगा. क्या फायदा होगा हम दोनों को? कहना इसे हम दोनों को जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा. कहना इसे मैं फाइनेंशियली अच्छा हो जाऊंगा क्योंकि अब क्लाइंट से मैं ज्यादा फीस मांगूंगा. हाँ कि ना? कहना इसे मेरा क्लाइंट कॉम्पिटिटिवली अच्छा हो जाएगा क्योंकि अब कॉम्पिटिटर से बेटर ऑडिट हुआ है, उसका बेटर फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन हो रहा है. अरे हाँ कि ना? तो इसका रिजल्ट का फायदा किसको मिलेगा? मेरे को और क्लाइंट को. बराबर? मेरे को क्या फायदा होगा? कहना इसे मैं मेरा फीस बढ़ा पाऊंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? कहना इसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा मेरा. येस और नो? क्लाइंट को भी फायदा होगा क्या? क्या? कहना इसे कॉम्पिटिटिवली विल बी बेटर. अरे बोलो. तो कहना इसे कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस उसका बेटर हो जाएगा. एवरीबॉडी येस और नो? परफेक्ट. अब स्टैंडर्ड से साथ स्टार्ट हुआ था, तुमको खुश किया, तुमने सामने रेसिप्रोकेट कर दिया. कैसे? QFIR से. तो जैसे तुम लोग ने मुझे क्या दे दिया? QFIR. क्या है QFIR? Q stands for F I R. तुमने भी अपना काम कर दिया. अच्छा, इससे दो जन को फायदा हुआ. कौन? मैं और मुझे क्या फायदा हुआ? ओके. क्लाइंट को क्या? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेरा अच्छा हुआ. क्लाइंट को क्या फायदा हुआ? कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस उसका अच्छा हो गया ना. अरे बोलो. सो अब आपका स्टैंडर्ड सेट मेरे को तुम लोग ने रिटर्न में दे दिया, मुझे उसका रिजल्ट मिल गया, फाइनेंशियली मैं अच्छा हो गया, मेरे क्लाइंट को भी रिजल्ट मिल गया, कॉम्पिटिटिवली अच्छा हो गया. अब कहना इसे तुम लोग को कुछ एक्सपेक्टेशन आएगा. तुम लोग बोलोगे सर आपका तो फायदा हो गया, आपने अपना फीस बढ़ा लिया, क्लाइंट को फायदा हो गया, कॉम्पिटिटिवली बेटर हो गया. अब सर इंसान किस चीज का भूखा है? कहना इसे रिवॉर्ड्स का भूखा है. अरे हाँ कि ना? इंसान किस चीज का भूखा है? रिवॉर्ड. तो अभी आप लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है? रिवॉर्ड. तो कहना इसे आप लोग बोलोगे कि सर अगर हमने अच्छा काम किया है तो प्लीज सर हमारे को कुछ मोटिवेशन के दो शब्द कह दो, भले वो मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी, दोनों चलेगा ना. अगर आपका आपका जो सीनियर है बोलेगा कि क्या काम किया और आपके मुंह पे 10,000-20,000 का बंडल फेंकेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा, फेंकेगा नहीं, मैं प्यार से देगा. सर हमारा भी ईगो है. ठीक है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप लोगों को रिवॉर्ड में क्या चाहिए? मोटिवेशन. क्या चाहिए? एक तो मॉनिटरी, दूसरा. और अपने को कोई ये भी बोलेगा कि यार अच्छा काम किया है, ओवरऑल थैंक यू, 15 दिन तुम लोग लेट रुके हमारे लिए, ये सब कोई बोलेगा तो इट इज गुड और बैड? तो कहना इसे मोटिवेशन रिवॉर्ड में आपको एक्सपेक्टेड है, बराबर कि नहीं? दूसरा चीज, कहना इसे चीजों का क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए. मतलब मैं आप लोग को बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग ने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया तब आपको बोला कि 6 महीने का लीव मिलेगा, और फिर जब लीव का टाइम आया मुझे बोलने की जरूरत है क्या होता है? तो कहना इसे तब तुम्हारे को समझो फॉर एग्जाम्पल 6 महीना बोला और तभी बोल रहा है थोड़ा और काम कर ले, ये वाला ऑडिट खत्म कर ले, ये काम कर ले, 4 ही महीने का मिला तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो कहना इसे क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए पहले से ही. हाँ कि ना? अरे बोलो. और तीसरा, कहना इसे जो आपको उसी चीज का रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो चीज आपके कंट्रोल में है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो कहना इसे कंट्रोलेबिलिटी एक फैक्टर है. क्या फैक्टर है? आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? तो आप लोग को क्या एक्सपेक्टेशन है? बोलो. रिवॉर्ड. क्या रिवॉर्ड चाहिए आपको? 3 रिवॉर्ड चाहिए. पहला, कैसा मोटिवेशन चाहिए?
अच्छा दूसरा एक्सपेक्टेशन क्लियर कम्युनिकेशन का एग्जांपल लीव्स जो बोला है उतना ही लीव दो, पहले से बोल दो चार महीना चलेगा तो पर पता तो रहे, बट कई बार होता बोलता बोला कुछ और जाता है होता कुछ और है, होता है ना वैसा। और तीसरा कैन आई से प्लीज जो भी आपको करना है मेरे लिए अच्छा बुरा मेरे कंट्रोलेबल फैक्टर्स के लिए मुझे जज करो, कौन से फैक्टर्स के लिए आर वी क्लियर एवरीबॉडी। तो कैन आई से तुम लोग ने मजाक मजाक में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बना दिया, क्या याद रहेगा? स्टार्ट करें अपन लोग वापस से, ठीक है। सबसे पहले जब आप अपना सीए फर्म स्टार्ट करोगे तो क्या सेट करोगे? बराबर है, क्या स्टैंडर्ड सेट करोगे कि फर्स्ट ईयर में कैसा काम दोगे, सेकेंड थर्ड ईयर में और कैसा सबको काम मिलना चाहिए, इक्विटी। यस एवरीबॉडी याद रहेगा? अगर आप लोग के लिए अच्छा स्टैंडर्ड सेट हो गया है तो सामने आप काम कैसा करके दोगे? शॉर्ट फॉर्म बोलो, क्यू का एफ आई आर। अभी क्लियर एवरीबॉडी? इससे फायदा दो लोगों का होगा, कौन कौन? मैं और क्लाइंट को क्या फायदा होगा, मेरे को क्या फायदा होगा? अगर हम दोनों को फायदा हो गया तो आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन बनेगा? रिवॉर्ड्स आप लोगों को तीन चाहिए, बराबर है। पहला कैसा मोटिवेशन, दूसरा क्लियर कम्युनिकेशन का एग्जांपल, ओके, एंड तीसरा अभी क्लियर एवरीबॉडी? क्या आप लोग को पता चला आप लोग ने पूरा का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बना दिया है यार? और क्या अभी आप लोग को ये याद रहेगा क्या एवरीबॉडी? जिंदगी भर कंफ्यूजन होगा। अब बीच में मैं अगर ईवीए का ईबीआईटी का एडजस्टमेंट घुसाऊं तो बोलो, पहला क्या करोगे, दूसरा दो पार्ट, एक नंबर यार, सुपर, यू डूइंग आर ग्रेट जॉब, यू गाइस आर डूइंग अ जॉब, जय बात जय बात। तो अब इतना अच्छा तुम लोग ने साथ दिया ही है तो क्यों ना दो मिनट लेके मेरे साथ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बनाएंगे क्या? आप लोग भी साथ साथ में बना लेंगे क्या? आइए तो सबसे पहले अपन क्या सेट करेंगे? चलो तो हम सेट कर देंगे स्टैंडर्ड। देखे बिना बनाएंगे या देखे? ये बात, देखे बिना बनाएंगे एवरीबॉडी। चलो अब स्टैंडर्ड्स तीन तरह के होते हैं, क्या है वो? अचीवेबल, फिर ओनरशिप, फिर इक्विटी। कोई शक इसमें किसी को? नो। अच्छा उसके बाद अपन लोग क्यूएफआईआर देंगे अपने फॉर्म को, हाँ कि ना? इसके ऊपर का मैं लिखूंगा, डोंट वरी, बट फिलहाल खाली लिख दो QFIR। क्या लिख रहे हो? QFIR। अच्छा क्यू का फुल फॉर्म क्या है? हाँ भाई, क्यू का फुल फॉर्म क्या है? क्वालिटी। एफ का फुल फॉर्म? फ्लेक्सिबिलिटी। आई का फुल फॉर्म? इनोवेशन। आर का फुल फॉर्म? रट्टा मारा या लॉजिकली याद रहेगा? ये बात। अगर ये मिल गया देन इन दैट केस क्या रिजल्ट मिलेगा? दो लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कौन कौन? संकल्प को क्या मिलेगा? कैन आई से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हाँ कि ना? अच्छा संकल्प के क्लाइंट को कैन आई से कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा उसका, हाँ कि ना? ठीक है। अब इसमें एक होता है डिटरमिनेंट एंड डायमेंशन, क्या होता है? तो इसका एक मेन हेडिंग बन जाता है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट में है एक डायमेंशन। डिटरमिनेंट में बन जाता है ये डायमेंशन। तो कहना इसे डायमेंशन मतलब QFIR याद रहेगा क्या? ठीक है, उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, बराबर है। अब इसमें कैन आई से संकल्प खुश, कैन आई से क्लाइंट खुश? अब किसको खुशी चाहिए? तुम्हारे को, तो तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन आ जाएगी? जय बात रिवॉर्ड, थर्ड पार्ट। अच्छा कैसा रिवॉर्ड चाहिए तुम्हारे को?
रिवॉर्ड चाहिए तुम्हारे को। अच्छा, कैसा रिवॉर्ड चाहिए? मोटिवेशन। क्या चाहिए पहला रिवॉर्ड? अच्छा, दूसरा? करेक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन। उसके बाद? वेरी नाइस, कंट्रोल, या इसको बोलते हैं कंट्रोल, कंट्रोलेबिलिटी। ये कंट्रोलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्लीज, जो भी मेरे को जज करना है या जो भी मेरे को रिवॉर्ड देना है, दैट शुड बी गिवन बेस्ड ऑन माई कंट्रोलेबल फैक्टर। आर यू क्लियर? याद रहेगा। अब इसको क्वेश्चन से कैसे कनेक्ट करना है वो मैं बताऊंगा, बट मेन अपने को तो फॉर्मेट ही याद नहीं रहता है। अभी एटलीस्ट वो तो ध्यान रहे क्या अब मेरा परफॉर्मेंस एग्जाम के टाइम पे, वो होता है ना बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल मिक्स हो जाता है पिरामिड के साथ, पिरामिड मिक्स हो जाता है प्रिज्म के साथ, क्या अब वो होगा क्या? क्या नहीं से अब खुद से ही पूरा बना लोगे यार, जरूरत ही नहीं आपको किसी और चीज की। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, यस और नो? सही जा रहे हैं क्या? चलो डन। तो इसी के साथ होता है मेरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कंप्लीट। क्या होता है मेरा? इसको क्वेश्चन से कैसे करने करना है वो मैं बताऊंगा कुछ टाइम में, पहले क्लैरिटी तो आ जाए। सो अब यहां पे अगर मेरे को टिक मार्क करना है तो क्या नहीं से मैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर भी टिक मार्क मार दू? अरे बोलो, डन। तो ये तीन चीजें मेरी अभी हो चुकी है। अब अपन लोग साथ में लेंगे ROI, RI। क्या साथ में लेंगे अभी अपन? ध्यान से समझना, देखना कैसे ROI, RI को यूज करना है। एंड आज मैं तुम लोग को ROI, RI का एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो मुझे पर्सनली लगता है ये बार के अटेम्प्ट में एग्जाम में आ सकता है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो 101% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता। क्यों? क्योंकि ये RTP का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में इसका मेंशन नहीं है। एंड इसमें ना दो फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो कहीं पे भी तुम लोग को नहीं मिलेंगे पूरे के पूरे मॉड्यूल में। इसके दो फॉर्मूलाज ऐसे हैं, है बहुत इजी, बट अगर किया होगा तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरा, मालूम है तुम लोग को एक चीज पता होगी कि इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल के साथ नीचे थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, तो उसको कैसे आंसर देना है, कैसे इंस्टीट्यूट उसमें गेम खेलता है, वो भी अब मैं तुम लोग को बताने वाला हूं। आओ तैयार हो जाओ तुम लोग, एवरीबॉडी बुक्स क्लोज, एवरीबॉडी फोकस ऑन मी, फोकस ऑन मी। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं ROI, RI स्टार्ट कर रहा हूं मैं ROI, RI। इसमें सबसे पहला है ROI, फुल फॉर्म अपने को पता ही होगा, रिटर्न ऑन इनकम इन्वेस्टमेंट। चलो RI का फुल फॉर्म रेसिडुअल इनकम। चलो अब देखो इसका जो फॉर्मूला है उसमें इतना ग्रेट नहीं है कुछ, फॉर्मूला तो अपन लोग बचपन से करते आए हैं ROI का, याद है कुछ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओनली होता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब तो फॉर्मूला के टर्म्स में रिटर्न मतलब कहना इसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डाल दू क्या यार, अपॉन इन्वेस्टमेंट के जगह पे कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टमेंट कुछ भी लिख सकता हूं, हाँ कि ना? सो NPAT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कहना इसे ये फॉर्मूला मुझे याद रहेगा ऑटोमेटिकली के बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा, अरे बोलो। चलो अब उसके बाद आ जाते अपन लोग RI के ऊपर, अब आ जाते अपन लोग RI के ऊपर, किसके ऊपर? अब RI याद रखना तुम लोग, RI का फॉर्मूला जो है ना वो RI का फॉर्मूला याद रहेगा नहीं, बट एग्जाम में एज इट इज लिखना पड़ेगा। उसके लिए अपने को कनेक्शन लेना पड़ेगा EVA का, किसका कनेक्शन लेना पड़ेगा? सो EVA का अपने को कनेक्शन लेना पड़ेगा ताकि अपने को RI का फॉर्मूला याद रहे। ध्यान से सुनना, क्या EVA का फॉर्मूला याद है? क्या? लोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इधर तक सब लोग साथ में हो मेरे? अब इसमें वो लोग ने बोला है नोपैट के जगह पे वर्ड यूज करने का ऑपरेटिंग इनकम, क्या वर्ड यूज करने का? या फिर इसको वो लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, क्या वर्ड यूज करते हैं वो लोग? तो यहां पे OR माइनस OE भी बोलते हैं, OR ऑपरेटिंग रेवेन्यू, OE ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो माइनस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। क्या ना इसे ये मेरा नोपैट के जैसे दिख रहा है उधर, अरे हाँ कि ना? अब फिर माइनस के क्या करते हैं अपन लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है ना, उसके जगह पे यहां पे वर्ड यूज करने का एवरेज ऑपरेटिंग एसेट, क्या वर्ड यूज करने का?
मल्टीप्लाई बाय WACC दिख रहा है इधर, दिस विल बिकम योर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. मिनिमम रिक्वायर्ड, क्या अब आप लोग को ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या? अब डायरेक्टली ये ओआर ओई और ये सब दिया ना तो मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, अब क्या तुम लोग उतने सक्षम हो कि तुम लोग मुझे इसका फॉर्मूला खुद से बताओगे? अच्छा, अपन लोग कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? ROI और दूसरा ROI का फुल फॉर्म, एवरीबॉडी ROI का फुल फॉर्म. अब तक मैंने खाली दोनों का फॉर्मूला कराया, करेक्ट? तो क्या मैं ROI का फॉर्मूला तुम लोग से एक्सपेक्ट कर सकता हूं? क्या बोलो बोलो चल चल. ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न मतलब कहना इसे कितना रिटर्न मैंने कमाया, कितना मेरे को प्रॉफिट मिला रही, हाँ कि ना. सो NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, का ये याद रहेगा ऑटोमेटिकली. दूसरा फॉर्मूला क्या है? RI. अब RI का फॉर्मूला के लिए अपन किसका कनेक्शन लेंगे? EVA. EVA का फॉर्मूला याद है? EVA के फॉर्मूला में पहला क्या है? नोपैड की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लियर है, ध्यान में रहेगा. इधर लिखेंगे अपन ऑपरेटिंग इनकम. इसको प्यार से लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? OR-OE. समझियो एवरीबॉडी? तो इधर मैं लिख देता हूं इसको माइनस. फिर ईवीए में क्या उठाते अपन? कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे यहाँ पे क्या यूज करने वाले? अरे याद करो, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट ना, भूल गए क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह क्या यूज करेंगे? सो एवरेज ऑपरेटिंग. अच्छा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उधर क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ए समझू एवरीबॉडी, क्या ये फॉर्मूला भी खुद से याद रहेगा? कनेक्शन किसका रखना है ध्यान में? क्लियर एवरीवन? अरे बोलो. ठीक है, अब कुछ लॉजिक्स के ऊपर आ रहा हूं मैं. अब कुछ ये फॉर्मूला याद है एवरीवन? बराबर है ROI का फॉर्मूला. एक सेकंड, ROI का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, सब लोग को साथ में जवाब देना है. ठीक है एवरीबॉडी, ROI का फॉर्मूला. कहां गया अपना कोरस? NPAT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय बराबर कि नहीं? अच्छा, ROI का फॉर्मूला ध्यान में रहेगा? ओके. दूसरा RI तोड़ तोड़ के, उसमें NOPAT इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम को प्यार से ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस. ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे एवरेज ऑपरेटिंग एसेट मल्टीप्लाई बाय WACC की जगह पे मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. क्लियर एवरीबॉडी? पक्का ध्यान में रह जाएगा? आगे बढ़ता हूं मैं. अब मुझे तुम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना है, तुम लोग मुझे कॉन्सेप्चुअली हेल्प करोगे. ठीक है, मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कंपनी है, कंपनी का नाम है कंपनी एक्स. कंपनी का नाम क्या है? कंपनी. ठीक है, दूसरी कंपनी है, कंपनी का नाम है कंपनी वाई. कंपनी का नाम क्या है? कंपनी. ठीक है, मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी अच्छी है अगर एक का नेट प्रॉफिट है 5 करोड़, दूसरे का नेट प्रॉफिट है 6 करोड़, कौन सी कंपनी अच्छी है? बोलो. एक्स की वाई. क्यों? जिसका प्रॉफिट ज्यादा है सर, सीधी सी बात है. अरे हाँ कि ना, एब्सोल्यूटली करेक्ट. द कंपनी विच लुकिंग एट दिस आई कैन से इज बेटर इज कंपनी. सिंपल, कोई टेंशन नहीं है. अब इसमें अगर मैं आप लोगों को एक चीज ऐड करवा दूं कि इन्वेस्टमेंट भी दिया है. क्या दिया है? इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़, इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़. अब कौन सी बेटर लग रही है? कहना इसे अब इसका ROI में अगर निकालू तो 50%, इसका ROI निकालू तो 6% खाली. अरे हाँ कि ना, अब कौन बेटर लग रहा है? समझे? तो अब जब आपने फर्स्ट वाला चीज यूज करके निकाला ना, उसको कहते हैं रेसिडुअल इनकम. क्या बोलते हैं उसको? और रेसिडुअल इनकम है ना, खाली एक ही चीज देखता है कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट कितना हुआ है. क्या देखता है वो? खाली एक ही चीज देखता है. करेक्ट, एब्सोल्यूट प्रॉफिट कितना हुआ है? एब्सोल्यूट प्रॉफिट किसमें ज्यादा है? अरे बोलो. तो उसने वाई को चूज कर लिया.
क्या उसने देखा कि कितना साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बोलो, देखा क्या? किसने देखा? तो कहना इससे ROI इज, ये देखो, ये दिख रहा है परसेंटेज में निकला है। इसको अगर कभी भी कोई चीज परसेंटेज में निकलती है ना, उसको कहते हैं रिलेटिव प्रॉफिट। उसको क्या कहते हैं? बराबर है। अब रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हमने ध्यान दिया क्या साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बोलो हाँ या ना। तो यहां पे जब मैंने देखा कि उसका साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से फर्क पड़ रहा है, एवरीबॉडी यस और नो? तो ROI कंसिडर्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। बट ROI उसने कंसिडर किया साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? कैसे मालूम पड़ा? उसने तो सीधा एब्सोल्यूट नंबर पे ही ले लिया ना, उसने पूछा ही नहीं के कितना साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी नहीं। सो कैन आई से, इसी के साथ अगर मेरे को एक पॉजिटिव बताना है ROI का और एक नेगेटिव बताना है ROI का, तो मैं बता सकता हूं क्या? क्या ROI इज अ रिलेटिव मेजर विच फोकसेस ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ना, बट Are we understanding? क्या ROI ROI के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है? बट उसके साथ उसका थियोरी भी आ सकता है। कहना इसे अपन लोग साथ साथ में प्रैक्टिकल के साथ साथ में उसका, समझ रहे हो तुम लोग? अभी इधर मेरे को लिखना है, तो तुम लोग के परमिशन के साथ वापस से ROI इज अ, एवरीबॉडी ROI इज अ, ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में। अरे भाई, रिलेटिव का मतलब तो ROI इज अ रिलेटिव परफॉर्मेंस मेजर, बराबर कि नहीं? विच कंसिडर्स द, कैसे मालूम पड़ा? देखा ना सर, एक में 10 करोड़ है, एक में 100 करोड़ है। वो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके भी 5 करोड़ कमा रहा है, वो तो 100 करोड़ से खाली 6 करोड़ कमा रहे हैं। तो हम लोग साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर कर रहे हैं सर, हाँ कि ना? तो कैन आई से इज अ रिलेटिव परफॉर्मेंस मेजर विच, बोलेंगे नहीं, बोलो एवरीबॉडी, विच कंसीडर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझू एवरीबॉडी? अब इसके जगह पे अगर मेरे को ROI के बारे में कुछ लिखना है तो खुद से लिख पाओगे? बोलो जरा। अब मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा, अब मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा, चल बे स्टार्ट, बोलो। आ रहा है ऑटोमेटिकली विद इन, खुद से आ रहा है? एग्जांपल याद रहेगा ये वाला? डन। और एक ऐसी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और उसमें क्या इश्यू हो जाता है वो मुझे बताना। अब नेक्स्ट मेरा एग्जांपल, एक में साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया, दूसरे ने नहीं किया। अब आ रहे अपन लोग एक कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है गोल कॉन्ग्रुएंस। क्या नाम है उसका? फटाफट उसका एक एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और उसको भी लॉजिकली समझ के फिर अपन अपना आंसर डिराइव करते हैं। अब ऐसा समझो कि तुम लोग का एक कंपनी है। किसका कंपनी है? तुम लोग का कंपनी। क्या नाम दूंगा उसको? बदमाश कंपनी। हाँ, तुम लोग की कंपनी का नाम है बदमाश, बदमाश कंपनी। तुम्हारी इस कंपनी में एक डिवीजन है, डिवीजन एक्स, दूसरा डिवीजन है डिवीजन वाई। तुम्हारे इस कंपनी के डिवीजन एक्स का जो मैनेजर है उसका नाम है संकल्प। Yes? क्या नाम है उसका? संकल्प। अब तुम लोग ने संकल्प को बोला है कि संकल्प तू अगर ROI तेरे डिवीजन का, तेरा डिवीजन है डिवीजन एक्स, इस डिवीजन का ROI, मेडिटेशन से बाहर आ जाइए मैडम, आप 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 आप, हाँ मेडिटेशन कर रही थी, आई 2 मिनट के लिए क्लोज हो गई थी। अगर संकल्प तू इस डिवीजन का ROI 14% से ज्यादा लेकर आएगा तो हम लोग तेरे को 1 करोड़ रुपया बोनस देंगे। क्या देंगे? 1 करोड़ रुपया बोनस। मैं बोला अब तो भाई कुछ भी हो जाए बोनस तो लेकर ही जाएंगे। और तुम लोग को बताऊं मैं खुशी की बात,
मेरे डिवीजन का करंट आरओआई है 15%। तो क्या मुझे बोनस मिलेगा क्या? यस, आई एम एलिजिबल फॉर बोनस। क्योंकि बोला है कि भाई अगर मेरा 14% के ऊपर गया देन इन दैट केस मिलना चाहिए। तो मेरे अंदर से क्या आवाज आ रही है? यस यस। चलो अब कंपनी के पास आता है नया प्रोजेक्ट जो डिवीजन एक्स को सॉल्व करके देना है पूरा। तो अब आता है एक नया प्रोजेक्ट। क्या आ रहा है नया? ये प्रोजेक्ट का रिटर्न है एक्सपेक्टेशन 12%। कितना? इस कंपनी का या इस डिवीजन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%। कितना? आप मुझे बताओ, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका कॉस्ट है 8%, दिख रहा है 8 कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीओसी दिख रहा है क्या? कितना कॉस्ट है उसका? और उस प्रोजेक्ट का रिटर्न है 12%। कितना एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? मतलब इट्स लाइक एज गुड एज कि भाई प्रॉफिट ही मिलने वाला है तो हक से एक्सेप्ट करना चाहिए भाई। इट इज लाइक सेलिंग प्राइस 12 है, कॉस्ट 8 है, डेफिनेटली यार बेच के आओ बिंदास। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो मेरे को आइडियली एज अ कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बराबर है। बट ये मैनेजर, ये लबाड़ मैनेजर एक्सेप्ट करेगा क्या? क्यों 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 क्यों? कहना इसे उसका जो ओवरऑल आरओआई है वो कम हो जाएगा। वो बोलेगा करेंटली तो मैं 15% अर्न कर रहा हूं, ये नया प्रोजेक्ट आया तो 12%, 15 + 12 27/2 13.5 हो जाएगा। मेरा तो सीधा बैठा बैठा नुकसान हो जाएगा ना। कितने का नुकसान हो जाएगा? अरे बोलो, तो मैं ही एक्सेप्ट करूंगा क्या? बट आइडियली एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? अब जब भी ऐसा कुछ हो, कैफा जब कंपनी बोलती है एक्सेप्ट करो बट अ मैनेजर रिजेक्ट करता है, उसको बोलते हैं ही इज गोइंग अगेंस्ट गोल कॉन्ग्रुएंस। उसको क्या बोलते हैं? ही इज गोइंग गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है टू डू थिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? टू डू। अब यहां पे अगर मैं यहां पे ये वाला चीज लेता हूं देन इन दैट केस मैं बोलूंगा आइडियली कंपनी तो बोली करना चाहिए एक्सेप्ट, बट ये मैनेजर क्या कर देगा इसको? अगर ये एक चीज यस है दूसरी चीज नो है देन इन दैट केस कैन आई से वी आर विद गोल कॉन्ग्रुएंस और अगेंस्ट गोल कॉन्ग्रुएंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट। एग्जांपल नंबर 2 कुछ ऐसा है, सपोज इसका डिवीजन है कोई और इसका मैनेजर है कोई और। इस डिवीजन को बोला है कि अगर 7% से ऊपर आरओआई गया देन इन दैट केस तेरे को मिलेगा बोनस। क्या मिलेगा तेरे को? तो अब हम लोग ने स्टार्ट किया, हम लोग ने बोला इसका करंट आरओआई है 5%। कितना है करंट आरओआई? और इसको एक नया प्रोजेक्ट आया 6% का, कितने का आया? और इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 7%। कितना? अब लॉजिकली सोच के बताओ क्या इसको ये नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? क्यों? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है और प्रोजेक्ट ऑन करके कितना देगा? तो भाई ये तो नेगेटिव रिटर्न हो गया, तो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? तो आइडियली कंपनी इसको क्या बोलेगी? एक्सेप्ट कर या मत कर? अरे बोलो कंपनी क्या बोलेगी? मत कर। बट ये लबाड़ एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? क्यों? उसका तो ओवरऑल आरओआई बेटर हो जाएगा ना। वो बोलेगा कि यार देख मेरा तो करंट आरओआई 5% है, ये न्यू प्रोजेक्ट आया 6% का, तो मेरा तो ओवरऑल आरओआई 5 से 5.5 हो जाएगा। हाँ कि ना? कंपनी को नुकसान होने दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक्सेप्ट कर लेगा। अरे हाँ कि ना? अगर एक कंपनी हाँ बोल रहा है और मैनेजर ना बोल रहा है या वाइस वर्सा देन इन दैट केस इट इज विद गोल कॉन्ग्रुएंस और अगेंस्ट गोल कॉन्ग्रुएंस। और कोई भी चीज अपने को विद कॉल गोल कॉन्ग्रुएंस करनी चाहिए या अगेंस्ट? तो कहना इसे आरओआई की वजह से यहाँ पे वो गोल कॉन्ग्रुएंस के अगेंस्ट जा रहा है, तो कहना इसे ये आरओआई का नेगेटिव हो गया। क्या नेगेटिव हो गया? आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? लॉजिकली एग्जांपल याद रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, फटाफट आ जाओ। अब से फॉर एग्जांपल एक और डिवीजन है, डिवीजन पी और डिवीजन क्यू, डिवीजन पी और डिवीजन क्यू। ठीक है, डिवीजन पी और डिवीजन क्यू,
इस डिवीजन पी का, अब ये तो एब्सोल्यूट में बात करता है, कौन एब्सोल्यूट में बात करता है, आर आई वाला तो एब्सोल्यूट में बात करता है ना। इसने बोला प्लस 5 करोड़ प्रॉफिट, इसने बोला माइनस 2 करोड़ लॉस, बराबर है। मुझे बताओ कंपनी इस प्रोजेक्ट को, एक नया प्रोजेक्ट आया, कंपनी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, डिवीजन पी वाले प्रोजेक्ट को कंपनी करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, एक्सेप्ट करना चाहेगी। अरे डिवीजन पी वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहेगी, क्यों? तो यस, बराबर है। मैनेजर एक्सेप्ट करना चाहेगा या नहीं, मैनेजर एक्सेप्ट करना चाहेगा या नहीं, हाँ या ना, हाँ? अरे मैनेजर एक्सेप्ट करेगा क्या? अरे ऑब्वियस ही बात है ना, अरे वो भी ऐसे एक्सेप्ट ही करेगा ना वो भी। तो कहना इससे दोनों का यस आया, मतलब कहना इससे आ रहा है, मैं ऐसा डिसीजन हो रहा है जहां पे कंपनी का भी यस है, मैनेजर का भी यस है, इट गोज विद गोल कॉन्ग्रुएंस, हाँ कि ना। आओ दूसरा वाला देख रहे हो, डिवीजन क्यू का देख रहे हो, डिवीजन क्यू अभी नया प्रोजेक्ट आया, डिवीजन क्यू के पास क्या है उसमें प्रॉफिट के लॉस 2 करोड़ का लॉस है, हाँ कि ना। कंपनी एक्सेप्ट करना चाहेगा, मैनेजर एक्सेप्ट करना चाहेगा, अगर दोनों का एक ही चीज आ रहा है, मतलब कहना इसे दे आर विद गोल कॉन्ग्रुएंस, तो कहना इसे आरओआई वाज बट आरआई इज, समझो एवरीबॉडी, क्या लॉजिकली याद रहेगा, क्या याद रहेगा, क्लियर है, एग्जांपल याद है कि नहीं? सो अगर मेरे को यहां पे, अगर मेरे को यहां पे आरओआई आरआई के बारे में कुछ लिखना है तो क्या मेरी हेल्प करोगे? तो मैं सबसे पहले कहना इसे आरओआई का फॉर्मूला लिखूंगा, हाँ कि ना, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, आरओआई का फॉर्मूला याद है क्या? एनपैट अपॉन, क्लियर है इधर तक सब लोग साथ में हो? उसके बाद मैं आरओआई के बारे में कुछ लिख सकता हूं, दैट इट इज अ रिलेटिव, मतलब जे बात, तो इट इज अ रिलेटिव, ब्रैकेट में लिखने का, क्या है वो रिलेटिव, वेरी गुड, कैन आई से इट इज अ परफॉर्मेंस मेजर, अरे हाँ कि ना। फिर आगे विच कंसिडर्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, याद है एग्जाम्पल क्या, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, यार भूल रहे हैं यार ये लोग कि याद है। सो विच कंसिडर्स और डज नॉट कंसिडर वॉट बट डज नॉट कंसिडर, अबे समझे क्या गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब? तो ये आइडियली गोल कॉन्ग्रुएंस का होता है सबका साथ सबका विकास, क्या होता है? बट कैन आई से कि ये तो गोल कॉन्ग्रुएंस के अगेंस्ट जा रहे, गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब कैन आई से इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी था कि भाई वो एक्सेप्ट करे, फिर भी वो मैनेजर ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, हाँ कि ना। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, क्लियर हो गया पूरा सिस्टमैटिकली? क्या आरआई के बारे में कुछ लिख सकते हो क्या? क्या लिखोगे पहले फॉर्मूला बोलो जरा, जे बात, ऑपरेटिंग इनकम माइनस एवरेज ऑपरेटिंग इनटू मिनिमम रिक्वायर्ड, अभी क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, आर आई इज अ एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजर विच, ये एक उसका नेगेटिव हो गया बट ये उसका पॉजिटिव हो गया, अभी क्लियर? एकदम मस्त मैं लिख पाओगे आरओआई आरआई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया तो। अब मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है, करें क्या अपन लोग साथ में? आओ फटाफट ओपन करेंगे आप लोग अपने नोट्स को और आ जाएंगे यहां पे। प्लीज एक काम करेंगे, फटाफट सब लोग ये फॉर्मूला को लिख लेंगे, आंख बंद करके लिख लेंगे, फिर बाद में साथ में अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कौन सा फॉर्मूला जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देवियो और सज्जनो? स्टार्ट प्लीज एवरीबॉडी, कॉपी दिस डाउन, ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा, ना कोई मॉड्यूल में ना कोई बुक में, कहीं भी, इसके लिए बोल रहा हूं है इजी बट किया तो ही आएगा, प्लीज कॉपी स्टार्ट एवरीबॉडी।
क्या लिखा आप लोग ने? बोलो सबसे पहला फॉर्मूला क्या दिख रहा है आप लोग को? क्या ना इसे आरओआई का दिख रहा है? क्या ना इसे, ये तो अपने को पता ही है ना यार, आरओआई इज इक्वल टू एनपीएटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या इनकम ओवर इन्वेस्टमेंट, याद रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी रेट। नेक्स्ट फॉर्मूला किसका दिख रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेट का मतलब होता है कि भाई मुझे मेरे सेल्स के सामने कितना प्रॉफिट आया, मेरे कितना प्रॉफिट आया। एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट टर्नओवर दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, एवरीवन, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर है रेवेन्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या दिख रहा है तुम लोगों को? कि भाई मेरे इन्वेस्टमेंट के सामने कितना रेवेन्यू आया। क्या बोला मैं? मेरे अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, यस और नो? परफेक्ट। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो ये फॉर्मूला तीनों? बोलो पहला फॉर्मूला क्या था? आरओआई का टिपिकल फॉर्मूला क्या है मॉड्यूल का? एनपैट अपॉन, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? इनकम मतलब मेरा नेट प्रॉफिट ही हुआ, अपॉन इन्वेस्टमेंट भी मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से। इधर तक तो सब लोग क्लियर थे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो नया है वो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मुझे कितना प्रॉफिट मिला किसके सामने? सेल्स के सामने मैंने कितना, तो उसको क्या ना इसे मैं वर्ड यूज करूंगा नेट प्रॉफिट के जगह पे, क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे? अपॉन, क्या याद रहेगा अपने को? अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है? जे बात इन्वेस्टमेंट, क्या ना इसे टर्नओवर का मतलब रेवेन्यू होता है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो दिया ही है, हाँ कि ना? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? करेक्ट, रेवेन्यू अपॉन, याद रहेगा अपने को ये तीनों फॉर्मूला। क्या अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं? अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो ऊपर का पार्ट मैंने कट किया है, क्यों कट किया है? काम का नहीं है, बट मेरा तो फुकट का टाइम खाता है वो, अब मेरे पास तो टाइम है ही नहीं तो मैं उतना पार्ट कट कर दिया। मेन जो अपना टेबल दिख रहा है आप लोगों को, टेबल कहना इसे, वो टेबल आप और मैं साथ में सॉल्व करेंगे, यस और नो? चलो आ जाओ टेबल को सॉल्व करते हैं, फोकस एवरीबॉडी। सबसे पहले आप लोगों को उधर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, अरे बोलो, इन्वेस्टमेंट के नीचे रेवेन्यू, के नीचे इनकम, के नीचे प्रॉफिटेबिलिटी रेट, के नीचे इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं, क्या करना है उस क्वेश्चन मार्क का? सॉल्व करना है, क्वेश्चन मार्क को करेंगे साथ में मिलके। चलो कहना इसे पहला वाला जी जी को मैं उठा लेता हूं, डिवीजन जी जी। अरे देखो ना उधर दिया है ना डिवीजन, कहना इसे जी जी को मैं उठा रहा हूं, साथ में उठाएंगे, यस और नो? चलो इन्वेस्टमेंट कितना 4 करोड़, रेवेन्यू और इनकम नहीं दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी रेट दिया है, क्या दिया है? ए मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेट का फॉर्मूला पता है क्या? क्या इनकम अपॉन, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकम दिया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेवेन्यू दिया है? ओ ना इनकम दिया है ना रेवेन्यू दिया है, तो क्या मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेट में और कुछ कर पाऊंगा क्या? तो उसके नीचे जाऊंगा मैं, उसके नीचे क्या दिख रहा है? अच्छा इन्वेस्टमेंट टर्नओवर का फॉर्मूला पता है क्या? रेवेन्यू अपॉन, क्या रेवेन्यू दिया है, क्या इन्वेस्टमेंट दिया है, कितना इन्वेस्टमेंट दिया है? कैन आई से, तो मेरा इन्वेस्टमेंट टर्नओवर है 2 इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू अपॉन, उसमें से इन्वेस्टमेंट दिया है मेरे को 4 करोड़, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 करोड़ का क्या आ जाएगा? तो कहना इसे इसको मैं इधर 8 करोड़ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अरे बोलो क्या समझ रहे कि पास जा रहा हूं? समझ रहे ना? अब कहना इसे प्रॉफिटेबिलिटी रेट को यूज करूंगा, क्यों? कहना इसे इनकम और रेवेन्यू में से एक अभी रेवेन्यू मिल गया है, प्रॉफिटेबिलिटी रेट है, क्या मिल जाएगा? समझू एवरीबॉडी, कितना? 40 लाख एफ ए, 8 करोड़ × 5% बराबर की नहीं? अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट आगे ना, कितना? अरे बोलो, कहना इसे वो इधर 10% कर दिया, तो मैंने बोला था जी जी पूरा मैं सॉल्व करूंगा, कर लिया मैंने। क्या मैं वाई वाई और एन एन आप लोग से एक्सपेक्ट करूं? लाइट्स कैमरा रोलिंग।
सो कैन आई से मेरा ये टेबल सब लोग के साथ कैलकुलेट हो गया कंप्लीट? तो क्या ये टेबल आप लोग का प्रॉपरली समझ में आ गया? क्या अब वाईवाई का प्रॉफिटेबिलिटी रेट आया? सो सॉल्व कैसे करने का? प्रॉफिटेबिलिटी रेट लिखने का, उसका फॉर्मूला लिखने का. क्या उसके फॉर्मूले की चीजें हैं? क्या क्या है उसका फॉर्मूला? प्रॉफिटेबिलिटी रेट का फॉर्मूला क्या है? इनकम अपॉन रेवेन्यू. क्या इनकम है? क्या रेवेन्यू है? तो कहना से ये मेरा 10% आ गया होगा. ऐसे करते करते कहना से पूरा का पूरा तुम लोग का ये टेबल कंप्लीट हो गया होगा. अब तुम लोग से ये टेबल हो पाएगा. अब है बहुत इजी, मानते हो कि नहीं? बट अगर ये किया ही नहीं होगा तो कर पाओगे क्या? सोचो, ये प्रॉब्लम है. कुछ क्वेश्चंस आज मैं तुम लोग को ये करवाने वाला हूं जो है बहुत सिंपल, बट ओनली इफ यू हैव डन इट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी वही है इजी, बट अपने को पता ही नहीं है कि वो क्या है, तो पता कैसे चलेगा कि इजी है कि डिफिकल्ट है? दैट इज वेयर द गेम चेंजेस. ठीक है, तो टिपिकल और भी मैं अभी आगे पिक्यूलर क्वेश्चंस करवाऊंगा जो है बहुत इजी, बट वो किया होगा तो ही आएगा. जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये फॉर्मूला है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेट का फॉर्मूला खुद से नहीं याद आएगा अपने को, बट ये सम किया हुआ है, अब मेरे को क्लिक हो जाएगा. नाउ आई विल बी एबल टू सॉल्व द होल क्वेश्चन इजीली. समझ में आया? अब इसका सेकेंड पार्ट पे आ जाओ. पहले पार्ट पे उसने खाली बोला है ये पूरा टेबल भरना है. सेकेंड पार्ट पे आ जाओ. देखो इधर, इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिख रहा है सब लोगों को वो? अरे बोलो. इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एट इंटीग्रिटी लिमिटेड इज 8%, कैन आई से आरआई के फॉर्मूले में यूज किया हुआ है अपन लोग ने? वो मालूम है फॉर्मूला है, ओआई माइनस एवरेज ऑपरेटिंग एसेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. कैन आई से ये 8% वही है? देन कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ डिविजन यूजिंग आर आई. आर आई मतलब क्या? मैं कर पाऊंगा? अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक मैं करता हूं, बाकी दो आप लोग करोगे. चलो आओ एक साथ में करते हैं अपन लोग. सबसे पहले आर आई का मैं फॉर्मूला लिख लूंगा. आर आई का फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो चल चल. आर आई का फॉर्मूला क्या है? कैन आई से ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम दे दिया है. ये जो इनकम है, कैन आई से ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसा ही है ना? ठीक है. माइनस क्या करते हैं अपन लोग? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो. एवरेज ऑपरेटिंग एसेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. बराबर है? अच्छा, क्या अब इसमें मैं पहले डिवीजन जीजी का कर रहा हूं, बराबर के नहीं? अच्छा, क्या मेरे पास जीजी का ओआई है? कितना? 40 लाख ना? अरे बोलो. ठीक है, तो मैं उधर लिख दूंगा 40 लाख विद योर परमिशन, यस और नो? ठीक है. माइनस में क्या करता हूं? एवरेज ऑपरेटिंग एसेट. क्या मेरे पास जीजी का एवरेज ऑपरेटिंग एसेट है? क्या? अरे उसका इन्वेस्टमेंट ही है ना उसका ऑपरेटिंग एसेट. अरे बोलो. तो कितना दिया है? तो कहना इसे इधर 4 करोड़ लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रिक्वायर्ड. अच्छा, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? एक क्वेश्चन में दिया है कितना? सॉरी, कितना दिया है? 8% दिया है ना? तो मल्टीप्लाई बाय 8% कर दूंगा, बराबर के नहीं? 4 करोड़ का 8% कितना? 32 लाख और ऊपर 40 लाख, बराबर. माइनस करके कितना आ जाएगा? सो कैन आई से मेरा आर आई आ गया. कैन आई से मेरा आर आई आ गया कितना? अरे बोलो. तो अभी तो मैंने ये एक का किया है, बाकी दो का तुम लोग कर पाओगे? बाकी दो मतलब वाई वाई और एन एन, यस और नो? 2 मिनट दू तुम लोग को. स्टार्ट एवरीबॉडी, कम ऑन. आ रहा है स्टार्ट एवरीबॉडी. आ रहा है स्टार्ट, कम ऑन. तो अब कैन आई से सब लोग का आर आई आ गया है पब्लिक? यस. एंड द आर आई इज वाई वाई का कितना आया? हा, 4.8 लाख और एन एन का? सब लोग को लॉजिकली आ गया ये?
अब इसका है ना थ्योरी क्वेश्चन पूछा है उसने, क्या पूछा है इसका, और ये थ्योरी में इंस्टीट्यूट ने खुफिया बनाया और कुछ नहीं किया, क्या बनाया है आओ मैं आपको बता दूं कैसे, ये सर हाथ ऊपर कर बोल, हाँ ऑपरेटिंग रेवेन्यू आएगा, वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू आएगा, डन ठीक है चलो। सो अब इधर देखो, इधर देखो क्या नहीं सही है, पूरा टेबल मेरा हो गया, सब लोगों को समझ में आ गया, अरे बोलो, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, अब अलार्म बज रहा है किसी का, डेढ़ बजे का अलार्म, हाँ अच्छा इमरजेंसी कॉल, अच्छा लंच के लिए अच्छा तरीका है सर को याद दिलाने के लिए, चलो इधर देखो सुनो, आर आई अभी दौर अपन लोग है आर आई के ऊपर, किधर है अपन लोग, क्या नहीं से वो लोग ने आर आई कैलकुलेट करने को दिया है, अपन लोग ने कैलकुलेट कर दिया है, हाँ कि ना, ऊपर वो लोग ने पूरा आर आई का फॉर्मूला वॉर्मूला लिखा है, अपन लोग भी लिख सकते हैं क्या। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके नीचे बोला है कि चलो थोड़ा उसके बारे में थ्योरी लिख कर आओ, क्या लिख कर आओ, अब देखो मालूम है यहाँ पे वो लोग ने सबसे पहले लाइन में बाय डिफॉल्ट वो लोग ना क्या लिखते हैं पता है, यही लिखते हैं कि कौन सा डिवीजन बेटर है कौन सा नहीं, अब उसके लिए मुझे उनको उनकी जरूरत नहीं है, कैन आई से डिवीजन जी जी का हाईएस्ट आर आई है फॉलोड बाय डिवीजन वाई वाई फॉलोड बाय डिवीजन एन एन, उसने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये जो मैंने ग्रीन में अभी हाईलाइट किया है उसका वही लिखा है, कंसिडरिंग द बेस्ट परफॉर्मिंग डिवीजन डिवीजन जी जी जनरेटेड रेसिडुअल इनकम ऑफ 8 लाख फॉलोड बाय डिवीजन वाई वाई एंड देन डिवीजन एन एन, क्या ये खुद से लिख पाओगे, इसके लिए कोई बहुत हाई फाई नॉलेज चाहिए क्या, नहीं। अब देखो उसके बाजू में मैंने कुछ हाईलाइट किया है, दिख रहा है तुम लोग को आर आई बींग अ, दिखा तुम लोग को, उसी के तीन लाइन बाद देखो वापस से लिखा है आर आई इज अ, अच्छा उसी के चार लाइन बाद देखो वापस से आर आई बींग अ, ये इंस्टीट्यूट का ही आंसर है, तुमको नहीं लग रहा इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुफिया बनाने की कोशिश कर रही है, अपन लोग भी एग्जाम में बचपन से यही तो करते आ रहे हैं, एक ही चीज को वापस बार बार लिखते हैं ना, तो अभी सीए फाइनल में क्यों डरते हो, तुम्हारा इंस्टीट्यूट यही कर रहा है और मैं खुद का नहीं टोक रहा हूँ, वो तुम्हारे सामने इंस्टीट्यूट का आरटीपी है वही है, यही प्रॉब्लम है अपना, इंस्टीट्यूट भी यही चीजें करता है, पर अपने को लगता है जैसे सेम चीज वापस से लिखने का, अरे लिखना देगा इंस्टीट्यूट भी तो कर ही रहा है तेरा, किसी ने क्वेश्चन किया क्या, तीन तीन लाइन के बाद ठीक है आ रहा इधर वापस आ रहा इधर इंस्टीट्यूट में जो वापस इधर आ रहा है, अरे हाँ भाई समझ में आया, ये तो वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे जो अपन खेलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ने किया तो कर दिया, हम लोग को करने को डर लगता है, आप समझता है आंसर कैसे बढ़ाता है थियोरी का अपना है इंस्टीट्यूट का, अपने को अभी क्या करने का समझ में आ गया ना, और वो भी तुम्हें गिने चुनी चीजें है जिससे पूरा आंसर बढ़ने होने वाला है, अभी वापस से देखो लार्जली इंपैक्ट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे यहाँ पे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं भी कुछ भी लिख सकता हूँ ना, अभी तो तुम लोग ईयू बोला और मिल गया, तुम्हारे ईयू में कुछ तो जादू है, हाँ चलो सो क्या बोल रहा था मैं, साइज ऑफ द, तो ये चीज तो मुझे भी पता ही है ना साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाली, क्या मैं भी लिख सकता हूँ हाँ कि ना, ठीक है आर ओ आई इज अ रिलेटिव मेजर, क्या मैं भी लिख सकता हूँ हाँ कि ना, ठीक है आर ओ आई लीड्स टू लैक ऑफ गोल कांग्रेस, क्या मैं भी लिख सकता हूँ क्या, फिर मालूम है एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या होता है, वही पॉइंट यहाँ पे, वही पॉइंट यहाँ पे, गेम घूम फिर के वो लोग वही सारी चीजें कर रहे हैं जो अपनी चार से पांच लाइन में अपन लोग ने पूरा का पूरा आर ओ आई आर आई डिफाइन किया था, याद है एग्जैक्टली हाउ दे हैव रिटन इट, तो इसके लिए खुद से लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिकली अगर चीजें क्लियर होगी देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू डेफिनेटली मैनेज ऑल ऑफ द थिंग्स बाय योरसेल्फ एज वेल, आर वी क्लियर एवरीवन, क्या अब खुद से हो जाएगा चीजें मैनेज, आर ओ आई आर आई इसी के साथ मेरा कंप्लीट होता है, अरे बोलो, तो अच्छा आर ओ आई फॉर्मूला फटाफट, आर ओ आई का फॉर्मूला एनपैट अपॉन, अच्छा और इसके बारे में आर ओ आई इज अ रिलेटिव के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रिलेटिव क्या मेजर,
which size of but does not consider goal congruence मतलब doing things in the best interest of the company, याद रहेगा ठीक है। उसके बाद वाला आर आई का फॉर्मूला ऑपरेटिंग इनकम माइनस एवरेज ऑपरेटिंग मल्टीप्लाई बाय ओ आई मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग। अच्छा आर आई इज अभी क्लियर है ओके विच बट कंसिडर्स समझी गुड एवरीबॉडी एकदम मस्त में कुछ से लिख पाओगे। सपोज अभी मैं और दो फॉर्मूला यहां पे ऐड करता हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेट क्या कितना प्रॉफिट कमाया अपॉन याद रहेगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट टर्नओवर कितना रेवेन्यू टर्नओवर मतलब रेवेन्यू कितना रेवेन्यू कमाया अपॉन ए समझू एवरीबॉडी विद दिस। अगर मैं यहां पे लिखूं कि मेरा आरओआई आ रहा है डन क्या आप लोग का भी डन एनी क्वेश्चंस एवरीबॉडी चलो डन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आरओआई आ रहा है क्या नहीं से अभी मेरे तीन बाकी है बैलेंस स्कोर का ट्रिपल बॉटम लाइन परफॉर्मेंस प्रिज्म इजी इजी है आराम से हो जाएंगे यस और नो क्या बोलते हो अभी का भी उड़ा देवे इसको भी चलो आ जाओ अभी अपन लोग आ जाते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर। किसके ऊपर आ रहे हैं अपन लोग अब मैं क्या बोल रहा हूं बैलेंस स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड का मतलब होता है रिजल्ट। स्कोर कार्ड का मतलब क्या होता है बैलेंस रिजल्ट चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि आज की तारीख में रिजल्ट कैसा होना चाहिए बैलेंस मतलब आज की तारीख में अगर इंस्टीट्यूट को तुम्हारे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है खाली तुम लोग सीए खाली एक बेसिस पे बनोगे क्या ओनली वन थिंग व्हाट इज दैट मार्क्स व्हाट इज दैट। अगर एग्जाम में 200-200 आया दोनों ग्रुप में देन इन दैट केस कैन आई से अपन लोग चार्टर्ड यस और नो मिनिमम इतना उससे ज्यादा आया देन वी विल बी कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट यस और नो बट कैन आई से ये तरीके से अच्छा एक तरीका है। मैं बोल रहा हूं जब इंस्टीट्यूट का भी वापस से नया सिलेबस आएगा ना आज से 5 साल बाद तब देखना इनको ये नया तरीका लाना पड़ेगा जिसमें ये लोग खाली मार्क्स नहीं मार्क्स के साथ साथ बाकी चीजों को भी कंसिडर करेंगे। क्या आज की तारीख में तुम लोग को अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है तो मार्क्स के अलावा और कोई चीज देखी जाती है क्या क्या ये देखा जाता है आप लोग का आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कैसा है क्या ये देखा जाता है कि आप लोग का पर्सनैलिटी कैसा है क्या ये देखा जाता है कि आप लोग का मार्केट का नॉलेज कैसा है ये सब कोई भी चीज कंसिडर नहीं की जाती है। खाली एक चीज कंसिडर की जाती है वो क्या है अब कोई बंदा रट्टा मार के पूरा का पूरा मॉड्यूल पीएम चाट लिया और फिर बाद में एग्जाम दे दिया क्या उसका चांसेस है सीए बनने का बन जाता है कभी कभार यार कुछ कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है ना कि ये साला सीए कैसे बन गया यार लगता है ना कभी कभी देख के ये भी सीए मुझे देख के तो नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आईसीए देखना आज से कुछ साल बाद डेफिनेटली ये सिस्टम लाएगा बट ये सिस्टम लाया आया कहां से मैं तुम लोगों को पहले बताता हूँ। ये देखो अभी से सुनो मैं एक बात बताऊं मैं अभी जब बॉम्बे से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था ना तो बॉम्बे में अभी मेरा एक बिजनेस है वो बिजनेस मैंने सेल करने के लिए निकाला है। क्या करने के लिए निकाला है अभी ये सब लेक्चर वेक्चर लेना पड़ रहा है इतना सारा 8-8 सिटी में क्यों जाना पड़ रहा है आप लोगों को बताऊं मैं अंदर का बात कि मुझे मेरा बिजनेस सेल करना पड़ रहा है और मेरा बिजनेस मैं तुम लोगों का लिए बताता हूँ। तुम लोग में कोई इंटरेस्टेड है कोई बड़ी पार्टी हो जो बोला चाहे कि हाँ सर चलो हम आपका बिजनेस खरीदेंगे प्लीज खरीदोगे क्या अच्छा है बिजनेस मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम बोलोगे सर प्रॉफिट तो बताओ तो हम आगे सोचते हैं ठीक है मेरा बिजनेस अच्छा है ऐसे बट लास्ट ईयर में खाली लास्ट ईयर में इसको है ना 6 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था चलता है थोड़ा यार बट उसके पहले वाले साल में लास्ट टू लास्ट ईयर है ना खाली 9 करोड़ का ही लॉस था तो 9 से तो 6 पे आया ना ठीक है चल उससे लास्ट टू लास्ट ईयर तभी था बट तभी 15 करोड़ का ही लॉस था यार बेटर ही हो रहा है ना यार बट उसके पहले 4 करोड़ का ही लॉस था खाली तो एक ऐसा भी दिन देखा है जब खाली 4 करोड़ का ही लॉस हुआ है यार। फिर उसके बाद मेरा एक साल में था 5 करोड़ का लॉस और एक में था 10 करोड़ का लॉस। हाँ हाँ ये देखो जले पे नमक छिड़क रहा है लॉस सब ब्रैकेट लिखो तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा ये कंपनी है खरीद लोगे क्या तुम लोग प्लीज आप बोलोगे सर जिस गाड़ी से आए हो उसी गाड़ी से
वापस चले जाओ प्लीज, हम लोग को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का शौक है या नहीं है? नहीं है। ऐसा नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि कहना इसे कंपनी लॉस कर रही है। अरे हाँ कि ना? बट ऐसा ही एक सिचुएशन था जहां पे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा। जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा तो क्या फ्लिपकार्ट प्रॉफिट मेकिंग था या लॉस मेकिंग? एक साल, दो साल या पांच साल, सात साल, और वो भी इतना कम या इससे भी ज्यादा? बहुत, 200, 300, 500 करोड़ का कंटिन्यूअस रिकरिंग लॉसेस पे लॉसेस था। फिर भी वॉलमार्ट ने उसको खरीद लिया। एट व्हाट हाई प्राइस? बिलियंस ऑफ डॉलर्स देके। ऐसा क्यों? तुम लोग के जैसे ही वो भी सोचता तो, वो भी तुम लोग के जैसे ही मेरे को बोलता तो चल जिस गाड़ी से आया उसी गाड़ी से निकल। अगर वो भी ऐसे ही बोल देता तो नहीं। यहां पे वॉलमार्ट ने यूज किया समथिंग कॉल्ड एज बैलेंस स्कोर कार्ड। क्या यूज किया? उसने बोला कि आज की तारीख में जब ग्लोबली कोई काम होता है ना, तो आप खाली एक चीज नहीं देखते हो, आप वो स्कोर कार्ड का बैलेंस लेवल देखते हो। आप वो स्कोर कार्ड का, स्कोर कार्ड इज रिजल्ट, बोला ना मैंने स्टार्टिंग में। तो आपको खाली एक एस्पेक्ट नहीं देखना है, और भी एस्पेक्ट देखना है। तो हमने पूछा किसको? वॉलमार्ट को। कि और क्या देखा आपने बताओ? तो वॉलमार्ट ने पहला चीज बोला कि बॉस क्या फ्लिपकार्ट के पास बहुत सारे कस्टमर्स है, हाँ या ना? पक्का फ्लिपकार्ट के पास कस्टमर बेस है क्या? प्लस कस्टमर बेस तो है ही, उसी के साथ उसके कस्टमर रिटेंशन कस्टमर्स है। ये रिटेंशन कस्टमर समझते हो क्या? कैन आई से सेम कस्टमर्स वापस आ रहे हैं? अरे हाँ कि ना? प्लस कैन आई से वो कस्टमर सेटिस्फाइड भी है, हाँ कि ना? So, ये सब चीजें पॉजिटिव है क्या? ये ह्यूज कस्टमर बेस, रिटेंशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइड, अरे पॉजिटिव और नॉट? तो उसने बोला हमने पहला पर्सपेक्टिव देखा कि कस्टमर कितना खुश है, तो हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव आया पॉजिटिव फ्लिपकार्ट के लिए, अच्छी बात है। और क्या देखा? दूसरा चीज हमने देखा, जब फ्लिपकार्ट ने अपना धंधा चालू किया था ना, तब वो खाली एक बुक बेचता था, खाली एक प्रोडक्ट बेचता था, क्या? बुक, बस। तुम लोगों को पता है उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता था फ्लिपकार्ट? आज ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो वो नहीं बेचता है। अपने को आज की तारीख में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कहना इसे अपन लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बाई डिफॉल्ट जाते ही है, अरे हाँ कि ना? और हम लोग का बुक्स भी आजकल उस पे मिलता है, कोई भी ये घड़ी ले लो, शर्ट ले लो, टॉप टू टो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अरे यस और नो? तो कहना इसे उसने चालू कितने प्रोडक्ट से किया था? बट क्या 7 साल तक एक ही प्रोडक्ट पे रहा? कहना इसे आज 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो कहना इसे नई नई चीज लर्न कर रहा है। जब फ्लिपकार्ट ने चालू किया था खाली वेबसाइट था, आज वेबसाइट के साथ ऐप भी है, कहना इसे ऐप भी काफी इंटरएक्टिव है, तो कहना इसे लर्निंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, न्यू चीजें डाल रहा है, हाँ कि ना? तो कस्टमर पर्सपेक्टिव के साथ उन्होंने बोला कि यार ये कंपनी का लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी है, क्या है? तो कहना इसे सेकेंड पर्सपेक्टिव भी वो लोग का पॉजिटिव हो गया, एवरीबॉडी यस और नो? तीसरा, जब ये फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डॉलर सेल आता है, कौन सा सेल? मतलब ये फ्लिपकार्ट अमेजोन का, ये लोग सब लोग अलग अलग नाम है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट जब इनका ये बिग बिलियन डॉलर सेल आता है तो ये लोग दिन में कितना प्रोडक्ट बेचते हैं? एक, दो, तो लाखों भी छोड़ो, इंडिया का पॉपुलेशन करोड़ों, तो ये लोग दिन में अज्यूम करते हैं अपन लोग 1 करोड़ सेल किया फ्लिपकार्ट ने, ये बिग बिलियन डॉलर के दिन 1 करोड़ सेल किया, कितना? कहना इसे 1 करोड़ तो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय हर यूनिट का अमाउंट, मतलब कहना इसे करोड़ों का सेल हुआ, हाँ कि ना? क्या कभी ऐसा सुना है कि अरे इतना सारा सेल हो गया हम सब लोग को रिफंड कर देते, हम लोग तुम लोग का जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं कर सकते, ऐसा सुना है कभी भी तुम लोग ने? तो कहना इसे 1 करोड़ एक दिन में आया तो भी डिलीवर कर देते वो लोग? तो कहना इसे आप लोग का जो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव है, कहना इसे आप लोग का जो फंक्शनिंग है इंटरनल, वो अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है, तब भी आप एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा को केटर कर पा रहे हो, हाँ कि ना? तो कहना इसे आप लोग का इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव कैसा है? अच्छा है, यानी आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छा है ना? अभी अंडरस्टैंडिंग? तो फिर वॉलमार्ट ने बोला भाई हमने पहला पॉइंट लिया कस्टमर पर्सपेक्टिव अच्छा या बुरा, हमने दूसरा पॉइंट लिया लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा या बुरा, हमने तीसरा वाला पॉइंट लिया इंटरनल बिजनेस ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी अच्छा या बुरा, और फाइनेंशियल खाली एक नेगेटिव आया है, तो 4 में से 3 अगर पॉजिटिव है, गुड और बैड? बॉस मैं 4 में से 3 बोलता हूँ, 75% हुआ, अपन जैसे लोग तो 60 पे खुश है यार।
तो उसको तो 75% मिला है, हाँ कि ना? गुड और बैड? वेरी गुड. एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं ऑफर? एक्सेप्टेड एट बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ वैल्यूएशन. एंड यही बाद में बोला वॉलमार्ट ने कि बॉस तुम लोग खाली एक पर्सपेक्टिव के पीछे नहीं भाग सकते, तुम्हारे को लेना पड़ेगा एक बैलेंस पर्सपेक्टिव. क्या लेना पड़ेगा? इस बैलेंस पर्सपेक्टिव में तुम खाली फाइनेंशियल के ऊपर ध्यान दोगे क्या, जैसा मेरा कर रहे थे? कहना इसे उसके साथ और भी चीजों पे ध्यान दोगे. पहला चीज क्या है, क्या याद रहेगा अभी जिंदगी भर? पहला पर्सपेक्टिव क्या है? अच्छा, मेरा एग्जांपल क्या है इसमें? फ्लिपकार्ट के साथ. समझू एवरीबॉडी? ठीक है, तो मेरा पहला पर्सपेक्टिव तुम लोग ने बोला कौन सा? वेरी गुड, तुम लोग ने बोला कस्टमर पर्सपेक्टिव. इसके अंदर की चीजें याद रहेगी क्या? रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर ग्रोथ, ये सारी चीजें अभी खुद से लिख पाओगे ना यार? ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव लर्निंग, इनोवेशन, ग्रोथ, कहना इसे ये सब चीजें, हाँ कि ना? परफेक्ट. फिर वेरी गुड, इंटरनल बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, बेसिकली आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के आप ओवरऑल अपने बिजनेस के प्रोसेसेस को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं. एंड लास्ट पर्सपेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. इसमें आपको आरओआई, आरओई, सेल्स टर्नओवर, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं ना अपन. इसमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में तो कुछ भी चीज ऐड कर सकते हो. क्या समझ में आया? तो अपने को ये वॉलमार्ट ने क्या समझाया पता है? वॉलमार्ट बोलते हैं बाबा रणछोड़ दास, क्या बोलते हैं? किसके पीछे भागो? तरक्की के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो. किसके पीछे? तरक्की. वैसे ही वो बोलता है कि बॉस फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के पीछे मत भागो, भागना है तो कस्टमर लर्निंग ग्रोथ, लर्निंग इनोवेशन ग्रोथ एंड इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के पीछे भागो. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, क्या आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट दो बजेगा? ठीक है, हाँ. सो कैन आई से यहाँ पे जो मेरा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली विल बी टेकन केयर ऑफ, यस और नो? क्या आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट आज नहीं तो कल प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं कमाएगा? एग्जैक्टली, तब उसका बेनिफिट वॉलमार्ट लेने ही वाला है. अरे है कि नहीं? सो क्या ये इतने टाइम से तुम लोग ने बोला नहीं ना, बुरा लग गया इसको, बोलते रहो. बहुत अच्छा लग रहा है, बोलो ना प्लीज, बोलते रहो ना, मजा आ रहा है. बोलो बोलो. हाँ भाई, अब ये हो गया मेरा बैलेंस स्कोर कार्ड. क्या ध्यान में रह गए चार पर्सपेक्टिव? एवरीबॉडी यस और नो? अब इसके बाद पे चलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन. क्या किधर चलेंगे? आ जाओ, अभी दो ही लास्ट, दो ही बाकी है. ट्रिपल बॉटम लाइन तो एकदम ही सिंपल है, TBL, आई एम श्योर यू वुड नो इट. चलो इधर देख लो एक बार क्या है इसमें, समझ लेते हैं. तो सबसे पहले ट्रिपल बॉटम लाइन में आता है एनवायरमेंट. क्या आता है? तो वो लोग अभी देखो हुआ क्या, सिस्टम क्या हुआ के ये जो एडवांस्ड डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इधर देखो, ये जो एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ये लोग खुद तो डेवलप हो चुके हैं, खुद ने तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ली सब जगह से कर लिया है. बट जब अब इंडस्ट्री डेवलप कर लिया, सब कर लिया है, अब डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप लेवल पे जा रही है. कहना इसे अब इंडिया जैसी कंट्री तो बहुत ज्यादा हार्डकोर डेवलपमेंट कर रही है, तो इनकी जल रही है. तो अब उसको रोकने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये सब ट्रिपल बॉटम लाइन और ये सब नया नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं. सिस्टम अच्छा है, बट जब खुद कर रहे थे तब कहां गया था ये सब सिस्टम, वो मैं पूछ रहा हूं. अभी सिस्टम क्या है समझो. वो लोग बोलते हैं कि आज की तारीख में हर एक कंपनी को खाली एक ही बॉटम लाइन अपने एनुअल रिपोर्ट में नहीं दिखाना चाहिए. मतलब अभी तो आज की तारीख में अपन लोग खाली प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं अपना मेन जो होता है उसमें. वो लोग बोलते हैं प्रॉफिट जितना इंपॉर्टेंट करके दिखा रहे हो, साथ में एनवायरमेंट को आपने कितना हार्म किया है और उससे बचने के लिए आपकी कंपनी ने क्या खर्चा किया है वो भी साथ में बताओ. दूसरा, क्या आपने सोशली किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट किया है क्या और उसके लिए आपने क्या खर्चा किया है एंड क्या उसकी वजह से इंपैक्ट आया है वो भी साथ में बताओ, इज व्हाट ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्ट सेज. तो पहला जो मेरा ट्रिपल बॉटम लाइन है उसमें अपना फोकस किसके ऊपर है? एनवायरमेंट. किसके ऊपर है?
जिसको वो लोग ने बोला है प्लैनेट, क्या बोला है? अब इसमें एनवायरमेंट में जो प्लैनेट है जस्ट टूटने वाली थी, बच गई। हाँ, एंड मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं बोल रहा हूं तो एकदम और जैसे ही मैं चुप हो गया तो आग खुल गई, तो मैं क्या इधर लोरी सुना रहा हूं क्या? लोरी सुना रहा हूं क्या मैं? हाँ, ये बोल रहा है तब और जैसे ही मैं चुप हो जाता हूँ कुछ लोगों आँख खुल जाता है, पर लोरी सुनाओ ना क्या ये यार। चलो, सो अपन कर रहे हैं ट्रिपल बॉटम लाइन, क्या कर रहे हैं अपन? इसमें एनवायरमेंट, अभी इसमें आइडियली जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग बोलते हैं कि आज की तारीख में हर कंट्री खाली सिंगल बॉटम लाइन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एंड वो सिंगल बॉटम लाइन है प्रॉफिटेबिलिटी। सिंगल बॉटम लाइन क्या है? बट क्या खाली सिंगल बॉटम लाइन दिखना चाहिए क्या? तो उसके साथ क्या दिखना चाहिए? ट्रिपल बॉटम लाइन। वो बोलते हैं कि अब गया वो जमाना जब खाली सिंगल बॉटम लाइन से काम चलता था, आज की तारीख में कंपनी को एनवायरमेंटली एंड सोशली भी एक्टिव रहना पड़ेगा। तो एनवायरमेंट में उन्होंने बोला है कि अगर कोई पी पॉल्यूशन कहीं पे हो रहा है कोई पर्टिकुलर फैक्ट्रीज की वजह से, तो कितना पॉल्यूशन हो रहा है एंड वो पॉल्यूशन को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो? जैसे पुणे के आजू बाजू में वो चाकन एरिया एंड वो सब है, कैन आई से दैट इज अ इंडस्ट्रियल हब स्पेशली फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड एवरीथिंग, क्या वहां पे पॉल्यूशन होता है? अरे बोलो। तो वहां की जितनी भी कंपनीज है वो लोग को ट्रिपल बॉटम लाइन यूज करना पड़ेगा। आज की तारीख में इंडिया में अभी तक कंपलसरी नहीं हुआ है, बट आने वाले 4 से 5 साल में सबको कंपलसरी हो जाएगा। बाय विच यू विल हैव टू शो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट कि भाई आपने कितना पॉल्यूशन किया है। ठीक है, पॉल्यूशन किया समझते हम, फैक्ट्री चलाने के लिए होगा, बट उसको रोकने के लिए आपने कितना पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया है? साथ में क्या आपने आपका वेस्ट वाटर जो हो रहा है फैक्ट्री में, वो वेस्ट वाटर कहां पे जा रहा है? अगर बाहर जा रहा है आपकी फैक्ट्री के, तो कहना इसे सॉइल खराब होगा, सॉइल खराब होगा तो सॉइल इरोजन होगा। अरे हाँ कि ना, ये सब चीजों का आपको इंपैक्ट दिखाना है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू, एनुअल रिपोर्ट के थ्रू, जिसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। समझो एवरीबॉडी, तुम लोग ने एक कार्बन क्रेडिट कार्बन डेबिट का कॉन्सेप्ट सुना है? अमेरिका में टेस्ला आज की तारीख में पैसा किधर से कमा रहा है पता है? कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू। टेस्ला खुद तो एक कार्बन पॉजिटिव है क्योंकि टेस्ला तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहा है, बट से फॉर एग्जांपल जीएम है, फोर्ड है, वो लोग सब लोग है ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं बना रहे, वो लोग पॉल्यूशन वाली व्हीकल्स बना रहे, तो वो लोग पॉल्यूशन वाली व्हीकल्स बना रहे, तो इन लोगों ये लोग जो जीएम है फोर्ड है दे आर कार्बन नेगेटिव, क्योंकि आप ऐसी चीज बना रहे हो जिससे एनवायरमेंट को हानि खराब होने वाला है, हाँ कि ना? सामने इलोन मस्क क्या कर रहा है? ऐसी चीज बना रहा है जिससे पॉजिटिव रहेगा एनवायरमेंट, तो उसके पास कार्बन पॉजिटिव्स है, वो कार्बन पॉजिटिव्स मार्केट में बेचता है। ये जीएम फोर्ड ये लोग को कार्बन क्रेडिट्स खरीदना पड़ता है, अदरवाइज ये लोग के ऊपर पेनल्टी लगेगा, इतना कार्बन नेगेटिव रहेंगे वो लोग। तो समझ में आ रहा है, आज की तारीख में टेस्ला इसी से कमा रहा है, बट फ्यूचर में क्या ना इसे सब की सब कंपनीज इलेक्ट्रिक पे आ जाएगी, जीएम फोर्ड भी इलेक्ट्रिक पे आ जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट ही वो लोग खुद से ही कार्बन पॉजिटिव हो जाएगी, तब क्या वो लोग को खरीदने की जरूरत पड़ेगी टेस्ला के पास से? तो क्या ना इसे टेस्ला का बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम हो जाएगा, दैट इज अ बिग कंसर्न। एज ऑफ नाउ वो कंसर्न नहीं है टेस्ला को, बट आने वाले टाइम में ये भी एक कंसर्न है। सो ये सब चीजें जो कार्बन क्रेडिट्स है डेबिट्स है, ये सारी चीजें चालू हो गई है इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो फ्यूचर में इंडिया में आएगी, और आपको जब रिपोर्टिंग करना पड़ेगा तो ट्रिपल बॉटम लाइन में आपको यही सब लिखना पड़ेगा, आपकी कंपनी कितनी कार्बन डेबिट है, कितनी कार्बन क्रेडिट है, कितना आपने कार्बन क्रेडिट्स लिया है, पॉल्यूशन कितना किया है, पॉल्यूशन को बचने के लिए कितना किया है, ओवरऑल फ्यूचर में लैंड एयर वाटर पॉल्यूशन पे आप क्या इम्पैक्ट देने वाले हो। समझ में आया? अरे बोलो। अब अगर समझ में आया तो समझो खुद से कुछ लिखना है तो लिख पाओगे। तो द कैच वर्ड्स आर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट, वर्ड सुना है तो वेस्ट वाटर, तो ये सब चीजें आपको लिख के आनी पड़ेगी। अच्छा, एनवायरमेंट के बाद नेक्स्ट है सोशल, क्या है? अब सोशल में यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में लिख देने का पीपल, क्या लिखने का? मतलब क्या आप जैसे फॉर एग्जांपल अपना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन है पता है तुम लोग को? तो अगर महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन है तो कहना इसे समथिंग डन फॉर एनवायरमेंट, यस और नो? वैसा। अब आ जाते हैं सोशल, मतलब क्या आप चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हो क्या आपकी खुद की फैक्ट्री में, वो आपको
पूछना पड़ेगा। अब नोकिया, अपना नोकिया क्या, नाइकी, नाइकी नाम सुना है सब लोग ने, नाइकी के ऊपर करोड़ों का एक सू किया था उसको, क्योंकि नाइकी ने अपना शूज बनाने का काम किसी और को आउटसोर्स किया था, जिसको आउटसोर्स किया वो चाइल्ड लेबर यूज कर रहा था, तो नाइकी के ऊपर केस ठोक दिया। नाइकी बोला अरे मैं क्या करूं, मैंने तो उसको दिया, मुझे, मैं थोड़ी उसकी फैक्ट्री में गया। तो लोग ने बोला नहीं चलेगा, ये सब हम लोग को सामने बहाना नहीं देने का, तुम लोग से वो कनेक्टेड है ना, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और फिर वो लोग को बहुत बड़ा जुर्माना पेनल्टी पे करना पड़ा। तो आपको ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइल्ड लेबर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस। एंड लास्ट में इकोनॉमिक तो अपने को सबको पता ही है, जो अपना मेन प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो अपन देखते ही है, अरे हाँ कि ना। तो पहले आप एनवायरमेंट पे ध्यान दो, फिर सोशली एक्टिव रहो, और फिर आपने अगर प्रॉफिट कमाया देन इन दैट केस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ये सारे को मिला के कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मैं ये वर्ड इसके लिए यूज कर रहा हूं ताकि एग्जाम में तुम लोग लिख कर आओ भाई, ये है ना कैच वर्ड की वर्ड का ही पूरा गेम है, अरे हाँ कि ना। तो क्या है अभी अपना कैच वर्ड की वर्ड? करेक्ट, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है ऐसा काम करो जिससे आने वाला जनरेशन शांति से काम कर सके। अब अगर पोल्यूशन होते ही रहा, होते ही रहा, होते ही रहा, जैसे अपन ने बोला चाकन में पोल्यूशन हो रहा है, इवेंचुअली तो पुणे के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा ही ना, ठीक है, आज नहीं आ रहा है बाद में तो आएगा ही ना। तो अभी अगर हमने ट्रिपल बॉटम लाइन नहीं डाला और पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और वो सब उधर नहीं डाला, देन इन दैट केस बाकी सब लोग के लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा, विच विल हैम्पर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे को चाहिए कि सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहे, इसके लिए हम ट्रिपल बॉटम लाइन इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो क्या आप लोग भी ये वर्ड यूज करोगे? क्या वर्ड? समझू एवरीवन, क्या ट्रिपल बॉटम लाइन लिख पाओगे खुद से अभी? एंड इसी के साथ अपन आते हैं अपन लोग लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर, जिसका नाम है परफॉर्मेंस प्रिज्म। क्या नाम है? करेक्ट। अब परफॉर्मेंस प्रिज्म होने के बाद आपकी बुक होगी बंद और पूरा रिवाइज होगा, और अगर मुझे 1% भी जोश में कमी आई तो वापस रिवाइज होगा। जब तक, कब तक? जब तक पूरा जोश ना दिखे। तो ऑप्शन आपके पास है, या तो पहली बार में ही दिखा देना वो पूरा जोश और जलवा, अदरवाइज यू करते रहना। चलो आ जाओ, अब अपन लोग आते हैं परफॉर्मेंस प्रिज्म के ऊपर। किसके ऊपर आ रहे हैं अपन लोग? अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। दो लोग थे, क्रिस एडम्स एंड एंडी नीली। क्या नाम था उनका? क्रिस एडम्स एंड। ये लोग क्या बोले पता है क्या? ये जो ये लोग परफॉर्मेंस पिरामिड के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, दैट्स हाउ योर आंसर शुड स्टार्ट अगर परफॉर्मेंस प्रिज्म के ऊपर आए तो। के वो लोग बोले कि ये जो परफॉर्मेंस पिरामिड है, ये पूरा का पूरा फोकस कस्टमर के ऊपर ही दे रहा है। बराबर बोल रहा है क्या वो? और वो लोग ने बोला कि नहीं, हमारा एम्प्लॉय के ऊपर भी फोकस है। वो लोग ने बोला एम्प्लॉय के ऊपर फोकस नहीं है, तुम लोग ने तो खाली एम्प्लॉय को डायरेक्शन दिया है, वेस्ट कम कर, साइकिल टाइम कम कर, कोई एम्प्लॉय के लिए तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तुम लोग जो कर रहे हो वो खाली एक एंटिटी के लिए, कौन? एम्प्लॉय को। तुम लोग एम्प्लॉय के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, इनफैक्ट एम्प्लॉय से खाली एक्सपेक्टेशन रख दिया, बट सामने उसको कुछ दिया क्या परफॉर्मेंस पिरामिड ने? अबे समझे क्या क्या बोल रहा हूं? सो ये चीज सबसे बड़ा इशू लगने लगा वो लोग को परफॉर्मेंस प्रिज्म को, कि भाई ये जो परफॉर्मेंस पिरामिड है ये कितने लोगों के ऊपर फोकस कर रहा है? क्यों एम्प्लॉय के ऊपर नहीं कर रहा है? क्यों? खाली डायरेक्शन दिया है उसको, बट कस्टमर को खुश रखा है, नो डाउट। बट वो लोग ने परफॉर्मेंस प्रिज्म ने बोला कि भाई आज की तारीख में बिजनेस एनवायरनमेंट में खाली एक ही एंटिटी है या बतेरी एंटिटीज है? अरे बोलो, बहुत सारी। बतेरी एज इन बहुत सारी, बतेरी एज इन कहना इसे, एक ही एंटिटीज है या बहुत सारी एंटिटीज है? तो आप खाली कस्टमर के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, ये सही है क्या? कहना इसे आपको बाकी लोगों पर भी तो ध्यान देना चाहिए। तो परफॉर्मेंस पिरामिड परफॉर्मेंस प्रिज्म को पूछता है, तो और कौन सी एंटिटीज है बताओ जरा, कौन पूछ रहा है किसको? परफॉर्मेंस किसको पूछ रहा है? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, कनेक्शन समझ में आ रहा है? तो उसने बोला कि हाँ, एक है कस्टमर जिसके ऊपर तुम लोग ध्यान दे रहे हो माना, बट उसके अलावा और भी एंटिटीज है। क्या आप लोग बता सकते हो कौन सी एंटिटीज है? क्या नहीं से गवर्नमेंट? क्या तुम लोग ने कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान दिया क्या परफॉर्मेंस पिरामिड? तो उसने बोला कि क्या गवर्नमेंट का क्या ध्यान देगा हम लोग? तो बोला कि गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग को एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट वेलफेयर करे सोसाइटी का, रोड रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बट वो कब बना पाएगा?
कब बना पाएगा? एग्जैक्टली. तो टैक्सेस कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटीज, आप और मैं पे करेंगे. अरे हाँ कि ना? तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. गवर्नमेंट को कैसे ध्यान रखोगे? बाय कैन आई से पेइंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट टाइमली. अरे हाँ कि ना? अच्छा मेरे को बताओ, सबसे पहला किसके ऊपर फोकस है? देखो परफॉर्मेंस पिरामिड बोला कि हमारा फोकस कस्टमर पे. परफॉर्मेंस प्रिज्म ने बोला क्या उसको कि कस्टमर पे फोकस मत रखो? उसने बोला कस्टमर पे, बट उसके साथ साथ अदर एंटिटीज के ऊपर भी रखो. समझ में आया लॉजिकली? ठीक है. कस्टमर को क्या चाहिए? क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन. अरे हाँ कि ना? ठीक है. वो लोग ने बोला हाँ ठीक, समझ गया, नो प्रॉब्लम. सेकेंड कौन है? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टाइमली टैक्सेस. अरे हाँ कि ना? हाँ ठीक है. और कोई एंटिटी? सॉरी सप्लायर्स. क्या सप्लायर्स भी इंपॉर्टेंट है? बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है. सप्लायर क्या सप्लाई करता है? अगर मेरा रॉ मटेरियल सही नहीं होगा तो मेरा आउटपुट अच्छा आएगा क्या? तो क्या सप्लायर इंपॉर्टेंट है? तो क्या सप्लायर का भी ध्यान रखना चाहिए? कैसे रखूं? क्या नहीं से उसको सप्लायर को राइट प्राइस दो और राइट पेमेंट, राइट टाइम पे पेमेंट कर दो. तो राइट प्राइस एंड राइट टाइमली पेमेंट. आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो ये तीसरा कौन है? बोलो चल सप्लायर्स क्या चाहिए उसको? टाइमली पेमेंट प्लस ए. समझियो एवरीबॉडी? ठीक है. और कोई है? और कोई इंपॉर्टेंट है? एम्प्लॉइज. भैया उसको किस में भूल रहे हो तुम लोग? एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है क्या? करेक्ट. क्या नहीं से एम्प्लॉय को तुम लोग ने वेस्ट और टाइम वो सब डायरेक्शन तो दे दिया, बट एम्प्लॉय को खुश भी तो रखो. तो क्या नहीं से वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए एम्प्लॉय को? अरे हाँ या ना? तो वर्क लाइफ बैलेंस दे दो उसको. मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट देते रहो. बराबर सैलरी में मॉनिटरी आ गया, नॉन मॉनिटरी आ गया, ऑल ऑफ दैट. अरे बोलो मोटिवेशन नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी वो सब डाल दो. क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है. और कोई? सोसाइटी है, स्टेक अपना ये है, शेयर होल्डर है. शेयर होल्डर को क्या चाहिए? इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को क्या चाहिए? क्या ना इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए? हाँ कि ना? सो वो लोग बोलता है ये लोग का क्या, शेयर होल्डर का क्या? शेयर होल्डर को भी खुश रखो तो शेयर होल्डर को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा देते रहो. अगर आप ये कर रहे हो तब आप पूरे के पूरे एंटिटी जितनी भी है सबको सेटिस्फाई कर रहे हो, जिसको इन्होंने नाम दिया स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन. क्या नाम दिया? समझू एवरीबॉडी? कौन आता है स्टेक होल्डर में? एक सेकंड. चलो परफॉर्मेंस प्रिज्म कहां से स्टार्ट हुआ? परफॉर्मेंस पिरामिड के क्रिटिसिज्म से. क्या क्रिटिसिज्म था परफॉर्मेंस पिरामिड का? ओनली फोकस इज ऑन द बट एज पर एंडी नील एंड क्रिस एडम विच इज द मेकर ऑफ परफॉर्मेंस प्रिज्म, वो लोग बोलते हैं कि खाली कस्टमर पे ध्यान देना चाहिए क्या? नहीं. तो उसके साथ और किस पे ध्यान देना चाहिए? क्या नहीं से अदर एंटिटीज के ऊपर भी, जैसे गवर्नमेंट को क्या चाहिए? दूसरा को क्या चाहिए? राइट प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट ऑल ऑफ दैट. अरे हाँ कि ना? फिर कस्टमर तो है ही ऊपर अपना. एम्प्लॉइज को क्या चाहिए? वर्क लाइफ बैलेंस, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन ऑल ऑफ दैट. हाँ कि ना? और शेयर होल्डर को क्या चाहिए? रिटर्न ऑन. समझू एवरीबॉडी? अगर तुमने ये चार पांचों लोगों को सेटिस्फाई किया तब कैन आई से ये लोग भी तुम्हारे को सेटिस्फाई करेंगे. उसको उसने नाम दिया स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन. क्या नाम दिया? तो स्टेक होल्डर कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बताते हैं. सबसे पहले कस्टमर आपको क्या, आपके बिजनेस के लिए कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है? कैन आई से बाय बाइंग आ प्रोडक्ट्स एंड टेलिंग इट टू अदर्स. तो कैन आई से उससे आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, हाँ कि ना? अच्छा एम्प्लॉय आपको कैसे खुश कर, नहीं नेक्स्ट कौन था? गवर्नमेंट कैसे खुश कर सकते हैं आपको? कैन आई से सब्सिडी देकर या आपका वेलफेयर करके? ठीक है. और सप्लायर आपको कैसे खुश कर सकता है? गुड क्वालिटी. आर वी अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. और कौन है? एम्प्लॉय आपको खुश कर सकता है क्या? कैसे? कैन आई से इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड स्टेइंग लॉयल. अच्छा और शेयर होल्डर क्या कैसे खुश रख सकता है? कैन आई से बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड, इन्वेस्टिंग मोर मनी. अगर उसने मोर मनी इन्वेस्ट किया तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल शेयर, ओवरऑल मेरी कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, हाँ कि ना?
सो बाय रिमेनिंग इन्वेस्टेड. मैंने क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया, बट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. अबे समझे क्या? तुम लोग के नोट्स में भी तुम्हारे को मिलेगा. लॉजिकली समझ में आया? तो यहां पे क्या कर रहे अपन? परफॉर्मेंस कहां से स्टार्ट हुआ? क्रिटिसिज्म. किसका क्रिटिसिज्म? क्या क्रिटिसाइज किया उसने कि खाली बाकी लोगों पे ध्यान? चलो सबसे पहले कस्टमर पे तू ध्यान दे. क्या चाहिए उसको? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, सेटिस्फेक्शन, एवरीथिंग. बट उसके साथ और भी लोगों को ध्यान दे. कौन? गवर्नमेंट. फिर एम्प्लॉय. फिर तो कहना है ये पांच लोगों को सेटिस्फाई कर तो सामने ये लोग भी तेरे बिजनेस पे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. हाँ कि ना? तब जाके तेरा बिजनेस रियल में बड़ा होगा. वरना तू सप्लायर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रख रहा है, वो तेरा रॉ मटेरियल अच्छा नहीं देगा, आउटपुट अच्छा आएगा क्या? आउटपुट अच्छा नहीं आया. तेरा प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा क्या? कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा क्या? फिर वो कौन कंसिडर करेगा? ऐसा मैं तुम लोग मैं तुम लोग पे नहीं भटक रहा हूं. समझ रहे अपन? क्लियर एवरीबॉडी? एम्प्लॉई खुश नहीं रहेगा, लॉयल रहेगा क्या? फिर वो क्या से लोग आते जाते रहेंगे तो बार बार ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी डाउन. गुड और बैड? तो इसके लिए आप प्लीज स्टेक होल्डर का ध्यान रखो, स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करो, वरना वो ध्यान नहीं रखेगा. समझ रहे हो भावनाओं को? तो पहले फोकस किसके ऊपर है? स्टेक होल्डर के. उसके बाद स्टेक होल्डर क्या करेगा? स्टेक होल्डर में पांच लोग आते हैं, कौन कौन? समझ में आया? क्लियर है? याद रहेगा? बट उन्होंने एक चीज बोली कि अब ये पांच तो चीज आपने एकदम अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर दी, बट ये तब तब भी काम करेगा जब आप साथ में प्रोसेसेस, कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजी बिल्ड करोगे. क्या बिल्ड करोगे? प्रोसेसेस, कैपेबिलिटीज और, अब ध्यान से सुनना, स्ट्रेटेजी का राजा है जियो. कौन है? जब जियो आया था क्या नहीं से उसका मार्केट शेयर जीरो था. आज हाईएस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया है विदिन अ स्पैन ऑफ व्हाट, 2 to 3 years, यस और नो? बिकॉज इट केम विद अ स्ट्रेटेजी. व्हाट स्ट्रेटेजी? क्या नहीं से प्रीडेटरी प्राइसिंग, मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में घुस गया फ्री रख के. अरे हाँ कि ना? तो वो उसका स्ट्रेटेजी था. वो क्या था उसका? वैसे ही आपको प्रोसेसेस और कैपेबिलिटीज बिल्ड करना पड़ेगा. क्या बिल्ड करना पड़ेगा? अब ध्यान से सुनना प्रोसेसेस और कैपेबिलिटीज का एग्जांपल, ध्यान से सुनना एवरीबॉडी. सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, वो है निर्मा का. याद है तुम लोगों? वॉशिंग पाउडर निर्मा. सबकी पसंद निर्मा, याद रहता है ये सब? आज से 10 साल पहले सुना होगा ये एड, याद है? पर 10 मिनट पहले सर क्या पढ़ा रहे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे को. ठीक है, अभी सुनो इन निर्मा का कहानी, ध्यान से सुनना. नाउ व्हाट निर्मा डिड वाज दिस. मिस्टर करसन भाई, हु इज द ओनर ऑफ निर्मा, उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में हर एक किराने के दुकान के ऊपर, अगर तुम लोग को बता होगा तो आज से 25 साल पुराना ब्रांड है. वो टाइम पे डी मार्ट और जियो मार्ट और ये सब थे क्या? क्या ना इसे किराना स्टॉप हुआ करते थे. सब लोग अपने घर पे भी, अपन लोग जाते थे किराना शॉप पे और वहां से ही परचेस करते थे ये सब FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. आके ना, मिस्टर करसन भाई ने पूरे इंडिया में सब जगह एटलीस्ट 5 to 8 पाउचेस ऑफ निर्मा पहुंचवा दी हर किराने वाले के उधर. किराना वाला बोला कि मैं नहीं रखूंगा ये, मैं ये 5-8 और ये सब क्यों रखूं, तुम्हारा तो कोई डिमांड ही नहीं है, तुम्हारे को निर्मा को तो कोई जानता भी नहीं है. तो उसने बोला कि करसन भाई ने बोला कि आप फ्री में रखोगे क्या? बोला तो फ्री में रखने में मेरा क्या जाता है, तो फ्री में रखेगा वो, हाँ कि ना? पर उसने बोला कि सर पर आपका प्रोडक्ट लेगा कैसे? उसने बोला आप उसका टेंशन मत लो, आप फ्री में रख दो. ऐसे करके उसने 5 to 8 पैकेट्स ऑफ निर्मा पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया. इधर पूरे इंडिया में, ठीक है, अब सबके पास पहुंच गया. अब जैसे ही ये जिस दिन कंप्लीट हुआ, पूरे इंडिया में हर एक किराना दुकान के ऊपर पूरा सप्लाई चेन को पकड़ लिया, सबको पहुंचवा दिया. जैसे ही ये हुआ उसके बाद उन्होंने चालू किया हार्डकोर एडवर्टीजमेंट. क्या चालू किया? अब उन्होंने एडवर्टीजमेंट करना चालू किया, यही वाला जो अभी तुम लोग ने गाना गाया, बराबर है? ये एडवर्टीजमेंट आने लगा चित्रहार पर. पहले कोई टाइम पे अपने नेटफ्लिक्स जैसे सीरीज तो नहीं होती थी, हार्डली 2 चैनल आते थे, उस पे भी 2 सीरियल, खाली दूरदर्शन और यही सब. अरे हाँ कि ना? और वो भी चित्रहार और 1-2. तो पेरेंट्स, किड्स जो भी है वो 1-2 ही सीरियल साथ में देखते थे, हाँ कि ना? तो अब से फॉर एग्जाम्पल माई मॉम,
is watching this ad on a regular basis. चित्रहार के हर चित्रहार के एपिसोड में, हर जहां पे भी जो भी एपिसोड देख रहे हैं, सब जगह यही एड चालू है, यही एड चालू है. तो मेरी मम्मी को आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस लगा कि एक बार पूछती हूँ मैं जाके. तो मम्मी गई और बोला कि यार ये भैया निर्मा क्या है. तो किराने वाले ने बोला लीजिए ना, अच्छा है और किफायती है, मतलब गुड ऑन योर पॉकेट, सो यू कैन अफोर्डेबल है, तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड वो टाइम पे देखो, आज अलग बात हो गया, बट वो टाइम पे तो पूरा इंडिया ही, मैं बोल सकता हूँ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से जूझ रहा था. अरे हाँ कि ना. सो अपने लिए या अपने जो पेरेंट्स है वो 2 रुपया भी बचता था, 5 रुपया भी बच रहा है, तो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर देम यार, हाँ कि ना. सो देयर फॉर माय मॉम वेंट देयर, शी फाउंड दैट यार 5 रुपया कम में भी है, एक बार यूज करके देखते हैं, अच्छा रहा तो सोचेंगे एक और भाई 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर है, ज्यादा से ज्यादा खराब हुआ तो देख लेंगे, कोई नेक्स्ट टाइम नहीं लेंगे. बट मॉम ने यूज किया, कोई झाग भाग अच्छा आया, अच्छा लगा मम्मा को. मम्मा ने बोला कि चलो वी कैन ट्राई अगेन, अफोर्डेबल भी है, झाग भी आ रहा है एंड डिसेंट, कपड़े धुल रहे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्या ऐसे मॉम और भी लोगों को बोलेंगे, ऐसे ही फिर और भी लोग खरीदना चालू करेंगे. ऐसे करके धीरे 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 डिमांड बढ़ गया. क्या बढ़ गया? अब ये इतना अच्छा डिमांड हो गया कि अब करसन भाई को आने लगे कॉल. किसके कॉल आने लगे? सप्लायर के. क्या बोलने लगे वो किराना वाले? कि हम लोग को और चाहिए, हम लोग का खत्म हो गया, 5 से 8 जो भी था वो क्या हो गया, हम लोग का खत्म हो गया, अब हमारे को और चाहिए. तो करसन भाई ने क्या बोला? जो पहला है बाकी उसका पैसा दो. मैं बोला ठीक है दे देता हूं. फिर उन्होंने बोला अभी और 5 भेज दो, बाद में पैसा दे देंगे. उसने बोला नहीं, अब तो आपके पास डिमांड आ रहा है ना, पहले जब डिमांड नहीं आ रहा था तो आपने फ्री में लिया ना, अब तो डिमांड आ रहा है इसीलिए आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो ना, तो आपको जो डिमांड आ रहा है उसका एडवांस दो, फिर हम आपको भेजेंगे. समझ में आया? तो पहले उन्होंने कैपेबिलिटीज डेवलप किया. क्या कैपेबिलिटीज डेवलप किया? पूरा इंडिया का सप्लाई चेन कैप्चर कर लिया और फिर एडवर्टीजमेंट किया. अब एडवर्टीजमेंट हो गया है, अब उनको पैसा चाहिए. क्या पैसे के लिए उनको फोन करना पड़ा या सामने से आ गया? ऐसा उन्होंने प्रोसेस सेटअप किया के सामने से वो जो भी मेरा सप्लायर है वो फोन करने लगा, किराना वाला फोन करने लगा, एडवांस में भी पैसा देने लगा. एंड दैट इज वेयर निर्मा वाज सच अ बिग प्रॉफिटेबल ब्रांड. आई होप समझ में आ गया हो कैसे निर्मा ने प्रोसेस एंड कैपेबिलिटीज का मस्त यूज किया. समझे एवरीबॉडी? एंड स्ट्रेटेजी के लिए एग्जाम्पल किसका याद रहेगा? क्या आप लोगों को समझ में आई चीज है एवरीवन? यस और नो? इसी के साथ होता है अपना ये कंप्लीट. क्या था ये? परफॉर्मेंस. क्लियर एवरीबॉडी? तो कैन आई से, अब अगर मैं जाता हूं मेरे स्टार्टिंग के ऊपर तो मेरे सारे के सारे टिक हो गए हैं. क्या क्या? ये वाओ, बैलेंस स्कोर का, ट्रिपल बॉटम लाइन, परफॉर्मेंस प्रिज्म, सबके सब टिक. क्या अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है एवरीबॉडी? करे बिगिन. तुम लोग का बुक ओपन है या क्लोज? एवरीबॉडी, सब लोग का बुक क्लोज चाहिए, सब लोग का बुक क्लोज, सब लोग का बुक क्लोज चाहिए. फुल फोकस ऑन मी. पूरा का पूरा कौन बताएगा? ऐपा करोगे? ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं. ठीक है एवरीबॉडी, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन? ओके चलो लेट्स बिगिन द रिविजन ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन. कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन? ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन किन दो लोगों के लिए है? एवरीबॉडी आवाज आते रहना चाहिए. थक गए हो क्या? जोश कम होगा क्या? वेरी गुड. कंपनी एंड एम्प्लॉय, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि 2 पर्सपेक्टिव चाहिए. क्या 2 पर्सपेक्टिव? एवरीबॉडी कौन सा 2 पर्सपेक्टिव? फाइनेंशियल में 3 पार्ट. ईवीए का फुल फॉर्म, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला पता है क्या? ओके, सबसे पहले किसको उठाऊंगा? नोपैट में 2 पार्ट, टिपिकल फॉर्मेट एंड कहना. इससे पहले टिपिकल फॉर्मेट लेते हैं. स्टार्ट होगा ईबीआईटी से. ईबीआईटी लेस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू एड इंटरेस्ट. अभी क्लियर एवरीबॉडी? अब आता हूं एडजस्टमेंट के ऊपर. आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 1, नॉन कैश आइटम को क्या करेंगे? दूसरा
डेप्रिसिएशन में दो पार्ट, अकाउंटिंग को, इकोनॉमिक को, तीसरा टैक्सेस, टैक्सेस में दो पार्ट, प्रोविजन को, पेड को, फोर्थ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फुल्ली। अच्छा फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में पांच तरीका, पहला कोरा चुड़िया, कोरा चुड़िया एवरीबॉडी पकड़ के रखो, ओके मेरे को बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का कॉस्ट क्या है, ओके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, बैंक के डिबेंचर लोन का, अभी क्लियर एवरीबॉडी, कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा लेना है? अच्छा अगर कोई भी पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर नॉन कैश आइटम हुआ तो, अगर मेरा अकाउंटिंग इज मोर देन इकोनॉमिक पुराना तो, एंड वाइस वर्सा हुआ तो, क्या याद रहेगा सब लोग को? ठीक है सेकंड के ऊपर चलते हैं, परफॉर्मेंस पिरामिड किस पे चल रहे अपन? परफॉर्मेंस पिरामिड में दो एस्पेक्ट, तो कस्टमर अंदर का है कि बाहर का है, उसको क्या बोलेंगे? उसको दो चीजें चाहिए एवरीबॉडी, अगर क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी मिल गई तो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो अभी क्लियर एवरीबॉडी। अच्छा राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, कौन है एम्प्लॉय, कहाँ का है? अगर एम्प्लॉय इंटरनल, उससे अपने को क्या एक्सपेक्टेशन है? वेस्ट रिड्यूस कर, और दूसरा अगर उसने वो दोनों रिड्यूस कर दिया मतलब अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गया मतलब कॉस्ट कम हो गया मतलब अगर मार्केट शेयर और फाइनेंशियल आ गया मतलब यू हैव रीच योर, बट ये सब में बीच में कौन इंपॉर्टेंट है? फ्लेक्सिबिलिटी के दो एग्जाम्पल नोकिया और, अच्छा ऑन टाइम डिलीवरी का एग्जाम्पल अमेजोन और, याद रहेगा एवरीबॉडी। ठीक है नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, बीबीएम नेक्स्ट क्या है मेरा? बीबीएम का फुल फॉर्म, सबसे पहले अपन क्या सेट करेंगे तीन स्टैंडर्ड, पहला दूसरा तीसरा, अच्छा उसके बाद कैन आई से ये कर दिया तुम लोगों के लिए सेट, देन इन दैट केस क्या चाहिए मेरे को? शॉर्ट फॉर्म बोलो, क्यू स्टैंड फॉर एफ आई आर, तो उसका मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा मेरा क्लाइंट को? अब आप लोग को क्या एक्सपेक्टेशन है? कितना रिवॉर्ड चाहिए? पहला दूसरा क्लियर कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल लीव, और तीसरा सब यू एवरीबॉडी, याद रहेगा परफेक्ट। अब उसके बाद किसे कहते आर ओ आई? आर आई यस और नो? आर ओ आई का फॉर्मूला एम्पायर्ड अपॉन कैपिटल, इट इज अ रिलेटिव मतलब परसेंटेज में विच फोकस इज ऑन द बट डज नॉट फोकस ऑन द, अभी अंडरस्टैंडिंग। आर आई का फॉर्मूला ऑपरेटिंग इनकम माइनस एवरेज कैपिटल एवरेज एसेट ऑपरेटिंग एसेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा इसमें करेक्ट, इट इज अ एब्सोल्यूट मेजर विच डज नॉट फोकस ऑन बट फोकस इज ऑन, ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट किसके ऊपर गए अपन? बैलेंस स्कोर कार्ड ना, बैलेंस स्कोर कार्ड में चार पर्सपेक्टिव, पहला दूसरा इनोवेशन लर्निंग एंड ग्रोथ, पहला पर्सपेक्टिव दूसरा इनोवेशन लर्निंग एंड ग्रोथ याद रहेगा, तीसरा ऑन फोर्थ, अभी क्लियर एवरीबॉडी। इसके बाद किस में गए अपन? हा ट्रिपल बॉटम लाइन में, पहला एनवायरमेंट के ब्रैकेट में, दूसरा सोशल के ब्रैकेट में, थर्ड इकोनॉमिक के ब्रैकेट में, और एक वो वर्ड सस्टेनेबल याद रहेगा। फिर लास्ट गए अपन लोग किस पे? परफॉर्मेंस प्रिज्म किसके क्रिटिसिज्म से आता है? परफॉर्मेंस पिरामिड क्या बोलता है? कस्टमर पे फोकस, बाकी सब पे भी ध्यान देना चाहिए, बाकी सब में कौन आता है? गवर्नमेंट सप्लायर एम्प्लॉई शेयर होल्डर और कस्टमर। अगर सबसे पहले ये लोग को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फेक्शन, फिर ये लोग बट साथ में तीन चीजें ध्यान में रखनी है,
प्रोसेसेस कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजीज के लिए एग्जांपल प्रोसेस कैपेबिलिटीज के लिए मैंने आप लोग को 3 घंटे पहले कुछ चैलेंज दिया था। अब मैं गर्व से बोल सकता हूं चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या आप लोग के एक एक जहन में रहेगा ये चीज? कभी भूलोगे? अब मेरी या कोई भी बुक की जरूरत है? बाहर निकल के कोई फ्रेंड बोले यार चैप्टर 7 बहुत टेंशन आ रहा है, उसको पढ़ा दोगे? मत पढ़ाना, आया क्यों नहीं? चलो अभी क्लियर एवरीबॉडी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सो आई होप मजा आ गया होगा सेशन में, राइट? पूरा दिमाग में बैठ गया है? सिखा सकते हो ना किसी को भी अभी? बढ़िया। और कोई चैप्टर ऐसा करना है आप बताइए, योर विश इज माई कमांड, कर लेंगे उसको भी यार। चलो, हम लोग ने वैसे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो सब भी किया था, बट आप बताइए आप लोग को प्रायोरिटी पे कुछ चाहिए एंड ये लाइव माहौल में कैसा लग रहा है एंड ऑल ऑफ दैट एंड वी विल सी हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू, हास्ता ला विस्ता, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द होल सेशन, टेक केयर।